अ वेरी गुड इवनिंग एवरी वन गाइज, प्लीज कन्फर्म मी वेदर आई एम लाइव और नॉट. फटाफट जुड़ जाओ, फटाफट ज्वाइन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द बूस्टर सेशन ऑफ योर OMSM. सो आई थिंक यूट्यूब ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं भेजा है दोस्तों. इट्स योर ड्यूटी, सो प्लीज नोटिफाई योर फ्रेंड्स, इन्फॉर्म एवरी वन टू ज्वाइन अस सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फायर पैक्ड सेशन ऑफ टुडेज इवनिंग. OMSM का बूस्टर सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा, चाहे अकाउंट्स का हो चाहे लॉ का हो. ठीक है, तो अब जो हो चुका हो चुका, डू नॉट डिस्कस अबाउट दैट पेपर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टुमारोज पेपर विच इज योर OMSM. सो अप्रॉक्सिमेटली आई विल बी टेकिंग योर 3 आवर सेशन इन विच वी आर गोइंग टू कवर माइन्यूटली ईच एंड एवरी चैप्टर्स एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल विल बी डिस्कस विथ यू. थ्योरी पार्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड, बट फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन. ठीक है, so please guys confirm in the chat box, am I audible, am I visible, everyone has joined or not, please confirm me in the chat box guys, kya everyone has joined for the session, confirm karke फटाफट बच्चे बताएंगे so that we can start with the session. ठीक है, energy level should be very very high. जो हो चुका है हो चुका है. Again I am saying you, do not panic about the paper which has already been done, just focus on tomorrow's paper. ठीक है, just focus on tomorrow's paper guys and do not worry about the paper which you have already given. Yes, फटाफट जब तक बाकी बच्चे जुड़ नहीं जाते, आई विल जस्ट टेक 2 to 3 minutes ऑफ yours. ठीक है, एक बार बच्चों को शाउट आउट दे दिया जाए. गुड इवनिंग रवि, प्रांजुल, रितेश, शिवानी, रौनक, हर्षित, यश, अभिषेक, रीता, अश्विनी, यश, श्वेता, जावेद, नंदिनी, वरुण, श्वेता, दीशा, सोनल, प्रांजुल, चन्नया, वरुण, सौम्यदीप. गाइज ज्वाइन वेरी वेरी क्विकली, फटाफट जुड़ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस बूस्टर सेशन. एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस बूस्टर सेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव योर OMSM पेपर ऑफ टुमारो. चाहे आप एग्जिस्टिंग सिलेबस के लिए रजिस्टर्ड हो या न्यू सिलेबस के लिए हो, ये बूस्टर सेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों. फटाफट जुड़ जाइए और कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन गाइज. लेट अस क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा बाय हिटिंग डाउन द लाइक बटन. फटाफट एक बार लाइक बटन ठोक दीजिए. ठीक है, अगर आपको जो है MEPL से प्यार है, दिव्या मैम से प्यार है, एक बार लाइक बटन ठोक दिया जाए और एक बार चैट में हो जाए MEPLOP, एक बार चैट में हो जाए दोस्तों MEPLOP, एक बार चैट में हो जाए दोस्तों MEPLOP. कुछ नहीं भी पढ़ा है अभी, अगर ये बूस्टर सेशन आप मेरे संग कर लोगे टिल द एंड, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. पूरा मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, आपको रात भर किस तरह से पढ़ना है. और इनफैक्ट आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको कल के पेपर में देखने को भी मिल सकता है. ठीक है, सो गाइज ज्वाइन वेरी वेरी क्विकली. ये क्या यार, 1000 लाइक का हमारा टारगेट है, उसको फुलफिल करिए. 1000 लाइक का टारगेट है, उसको फुलफिल करिए. मोर देन 600 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस, बट जो लाइक है वो बेशर्मो, खाली 200 ही बच्चों ने लाइक किया है. गाइज कम ऑन हिट द लाइक बटन. यस हिट द लाइक बटन गाइज, हिट द लाइक बटन, कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फायर पैक सेशन. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. अच्छा मैं आपको बता दूं, सेशन स्टार्ट करने के पहले ऑलरेडी मैंने आपके लिए ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी रेडी कर लिया है, विच आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू डिसबर्स यू थ्रू द टेलीग्राम चैनल. सो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, एंड डू सब्सक्राइब अवर MEPL CM एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गेटिंग ऑल द अपडेट्स. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, तो हम लोग अभी जो है सेशन स्टार्ट करते हैं. यस लेट अस स्टार्ट विद द सेशन, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन गाइस. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर ऑफ, थैंक यू सो मच दीपिका, मनोज, अभिषेक, यस, शिवानी, थैंक यू सो मच. फटाफट हिट कर दीजिए लाइक बटन. हाँ फटाफट हिट कर दीजिए. यस विद फुल फायर और एकदम जोश के संग पढ़ना है. ठीक है, थोड़ा सा भी जो इधर उधर नहीं जाओगे. मेरे को एक कमिटमेंट चाहिए आप लोगों से, मेरे को आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि टिल द एंड ऑफ द सेशन यू आर गोइंग टू स्टे हियर एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. टिल द एंड ऑफ द सेशन आप मेरे संग रहोगे, आप कहीं भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे. ठीक है, मुझे छोड़कर जो जाओगे बड़ा पछताओगे. क्लियर, तो प्लीज छोड़ के मत जाना. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. यस चलो लेट अस हिट द बुलसाई. लेट अस स्टार्ट द सेशन. आर यू गाइज रेडी टू रॉक एंड रोल. चलिए फटाफट बता दीजिए. चलो नाउ सबसे पहले सारा चैप्टर्स कवर करवाऊंगी. आई प्रॉमिस यू एवरी चैप्टर्स विल बी कवर्ड. सारे के सारे चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगी आपको, बस मेरा साथ नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे.
Now starting with the first topic, with the first chapter, that is your demand forecasting. Study note one, last में करवा देंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, theory है, ठीक है, which is your introduction to operation management. Now what does the word demand forecasting means? Demand forecasting is an art and science of predicting the demand for a future date of time. ठीक है, जब आप predict कर रहे हो, forecast कर रहे हो कि आपका product या service का future में कितना demand आएगा, that is called as demand forecasting. So demand forecasting is not a simple guesswork, it is subjected to uncertainty. ये कला है, ये एक आर्ट एंड साइंस है. नाउ एग्जाम में मैं क्यों करवा रही हूं आप समझो, टाइप्स, ये जो डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी में, क्लियर है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस बाबा कृति, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस बोथ आर गेटिंग कवर्ड, यू जस्ट ट्रस्ट मी, मुझे पता है, ठीक है, कि आप लोगों का कल एग्जाम है. कृति 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 माई फेवरेट स्टूडेंट, प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर, चलो आ जाओ. एंड जो है बच्चे एकदम ध्यान देंगे, ठीक है, पढ़ो. चलो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, इस चैप्टर से दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा या थ्योरी आएगा, या दोनों भी आ सकता है. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. थ्री टाइप्स आर देयर. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग होता है. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज जनरली डन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year. मिडिल टर्म फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं 1 से 2 साल के लिए. लॉन्ग टर्म इज जनरली डन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, ठीक है. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हम लोग क्या चीज का करते हैं, जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है ना, जो कीप्स ऑन चेंजिंग, वेयर टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलेट, ठीक है. जैसे आईफोन हुआ, इसका जो है डिमांड आप लंबे समय तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसमें आप शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करोगे. सिमिलरली मिडिल टर्म फोरकास्टिंग हम लोग किसका करते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का. इसके अलावा लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग किसका करते हैं, लाइक आटा, ठीक है, ये सब आपके मैट में दिया हुआ, आपको लिख कर आना है आटा, क्लियर. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म फोरकास्टिंग होता है. फॉर एग्जांपल ये डिसाइड करना कि आपका इन्वेंटरी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना मेन और मशीन रिक्वायर्ड है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग. लेकिन डिविडेंड के बारे में डिस्कस करना, बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना, दैट इज योर मिडिल टर्म फोरकास्टिंग. और अगर आप कोई मशीनरी या प्लांट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. आज अब एक प्लांट या मशीन खरीदोगे, वो कम से कम 5 या 10 साल तो भाई चलेगा ना आपके बिजनेस में, तो ये क्या हो गया मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग. कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स टर्न ओवर, कैश फ्लोज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब मेरा क्या हो गया बताओ, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. नाउ लेट अस डिस्कस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है. मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, फिटिंग ऑफ ट्रेंड इक्वेशन, टाइम सीरीज, जिसके ऊपर हमने सम्स डिस्कस किया था. और क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है, नंबर 1 सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. नाउ बायर्स इंटेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक एक बायर से जाकर पूछोगे कि भाई बताइए आपका डिमांड क्या है, आपको क्या लगता है आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, यानी जब आप बायर से जाकर पूछ रहे हो कि बताओ, फीडबैक दो कि आप फ्यूचर में जाकर मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, उसको बोलते हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंप्लीट एनुमरेशन मेथड, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैंपल सर्वे मेथड और एंड यूज मेथड. जब एक एक कस्टमर से पूछ रहे हो उसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन मेथड, बट रैंडम सैंपल के बेसिस पे पूछ रहे हो उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे मेथड, ठीक है. इसके अलावा कितने बार लगता है यार बायर से फीडबैक लेना ना, आप समझ लो पॉसिबल नहीं है, इससे बेटर हम सेल्समैन से क्यों ना ओपिनियन ले ले, क्योंकि सेल्समैन आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, दे विल बेटर टेल अस कि बायर का क्या क्या फ्यूचर में डिमांड होने वाला है. तो उस मेथड को बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, वेयर सेल्समैन ओपिनियन इज टेकन. बट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द ओपिनियन फ्रॉम द सेल्समैन, व्हाई नॉट टू टेक द ओपिनियन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, बड़े बड़े महारथी लोग का, एक्सपर्ट लोग का, साइंटिस्ट लोग का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, इन लोग का बुलाकर एक पैनल क्रिएट करते हैं and questionnaire rounds is circulated, that is called as expert opinion method, which is also called as Delphi technique, which was discovered in USA at Rand Corporation by Olaf Helmer. ठीक है, कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं यार बाहर के एक्सपर्ट से क्यों पूछना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट कम है क्या, समझ में आ रहा है. सो इन दैट केस जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड्स है ना, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, इन लोग को बुलाकर हम लोग एक मीटिंग करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, वेयर वी आर ट्राइंग टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. इसके अलावा मार्केट में टेस्टिंग वगैरह करते हैं, मार्केट टेस्ट मेथड और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जो मैंने बोला मूविंग एवरेज, टाइम सीरीज, ये सारे के सारे कौन से बताओ क्वांटिटेटिव मेथड्स है डिमांड फोरकास्टिंग के. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड. एक अच्छा फोरकास्टिंग मेथड को इकोनॉमिकल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्टेबिलिटी शुड बी देयर, अवेलेबिलिटी शुड बी देयर, यूटिलिटी शुड बी देयर. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप डिमांड फोरकास्टिंग का स्टेप्स लिखो. सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव,
क्यों हम लोग कर रहे हैं, पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, क्या पीरियड है, मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे, इसके बाद गैदर करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन दो सोर्सेज से, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब इंटरनल सोर्सेज से, सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल, एंड फाइनली आफ्टर एनालिसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव ऑब्टेंड वी डू द फोरकास्टिंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ थ्योरी में है नहीं डिमांड फोरकास्टिंग में, सो दिस कंप्लीट्स योर थ्योरी. 5 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी करवा दिया. ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे मैम स्लो जाइए, स्लो जाएंगे तो भाई पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, ओएम है फिर एसएम है, तो आई हैव टू हरी अप. ठीक है, आप एकदम ध्यान लगाकर फुल कंसंट्रेशन के संग लेक्चर सुनोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस आपको एक एक चीज समझ में आना है. ठीक है, थ्योरी में मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, प्रैक्टिकल में आई विल स्लो डाउन. ओके, सो आई होप यहां तक आपका पूरा क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक, एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ अब हम लोग सम्स करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का. ठीक है, उसके लिए मैं आपको रूल्स पहले फटाफट बता देती हूँ. सबसे पहले आप चेक करना यहाँ पे क्या होगा ना, दो डेटा दिया हुआ रहेगा, एक आपको दिया रहेगा सेल्स का फिगर और एक ईयर्स दिया रहेगा. तो जो सेल्स का फिगर या प्रोडक्शन का फिगर होगा ये वाई होगा, यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे. एक्स मतलब क्या होता है मुझे बताओ, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर. व्हाट इज एक्स, एक्स मींस डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर. मैम बेस ईयर किसको लेना है, मान लो आपको 5 ईयर्स का डेटा है तो जो मिडल मोस्ट ईयर है थर्ड ईयर दैट विल बी द बेस ईयर. तो अगर एन ऑड है तो बेस ईयर मिडल मोस्ट ईयर हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर एन इवन हुआ ना तब बेस ईयर में दिक्कत होता है, क्योंकि दो बीचों बीच एक ईयर्स में हमें बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, वहां हर एक ईयर का हम लोग जो वेटेज है वो डबल कर देते हैं. जब डिफरेंस 0.5 ईयर का है तो हम लोग उसमें एक्स का वैल्यू 1 लिखते हैं. अगर डिफरेंस 1.5 ईयर्स का है, ठीक है, फ्रॉम द बेस ईयर, उसको हम लोग डबल करके 3 पॉइंट्स दे देते हैं. ऐसे करके हम लोग डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर निकालेंगे विच इज कॉल्ड एज एक्स, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर विच इज कॉल्ड एज एक्स. फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, एक कॉलम बनाएंगे एक्स इंटू वाई का और एक कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, दोनों का समेशन निकाल लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे. अब फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. सबसे पहला इक्वेशन कैसे निकलता है आप ध्यान से समझो, मल्टीप्लाइंग समेशन ऑन बोथ द साइड, समेशन वाई इज इक्वल टू एन इनटू ए, ठीक है, प्लस बी समेशन एक्स. वेरी इजी, क्लियर है. वापस से मुझे बताओ मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में. सो समेशन वाई इज इक्वल टू एन इनटू ए प्लस बी समेशन एक्स. क्लियर है. सेकंड इक्वेशन मैम कैसे आता है, दोनों साइड्स में आपको एक्स भी मल्टीप्लाई करना है. यानी फॉर्मूला क्या हो गया सेकंड इक्वेशन का, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो एक बार ए और बी का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग को बोलेगा फोरकास्ट करना है. ठीक है, फ्यूचर ईयर का सेल्स या फ्यूचर ईयर का प्रोडक्शन. तो एक्स तो वैसे ही निकल जाएगा डेविएशन से देखकर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वाई का वैल्यू निकाल लेंगे. तो जो वाई का वैल्यूज आता है उसको बोलते हैं वाई टी. क्या बोलते हैं बताओ, वाई टी. वाई टी का मतलब क्या होता है, ट्रेंड वैल्यूज. व्हाट डज द वर्ड वाई टी मींस, वाई टी मींस गाइस ट्रेंड वैल्यूज. ठीक है, अब फटाफट जो है ना एक सम देखेंगे हम लोग, वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सम्स. ओके, चलिए आ जाइए, एक सम्स मैं आपको दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये वाला सम आया, यहाँ पे आप n देख रहे हो इवन है, कितना ईयर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ईयर्स डेटा हैज बीन गिवन हियर. दैट मींस n मेरा क्या है, इवन है ना. अब आप देखोगे ये पहला 3, ये वाला 3, इनके बीच में हम लोगों ने बेस ईयर ले लिया विच इज 2004.5. बेस ईयर का वैल्यूएशन हम लोग हमेशा कितना करते हैं बताओ, 0 करते हैं, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर. क्लियर, अब 2004.5 से 2005 में 0.5 ईयर का डिफरेंस है, हाफ ईयर का डिफरेंस है. अभी आपको मैंने बोला इवन में 0.5 को हम लोग डबल कर देते हैं, यानी हाफ का डिफरेंस, यानी उसको डबल करके 1. सिमिलरली 2004.5 से 6 में 1.5 ईयर्स का गैप है, तो 1.5 ईयर को आप डबल करोगे तो कितना आएगा, 3, वैसे ही 5. और वैसे ही आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है, 2004.5 से 2004 पास्ट ईयर्स में, तो यानी -0.5 हुआ, उसको डबल किया -1. तो ऐसे करके आप डेविएशंस निकाल लोगे. फिर एक तरफ आपने एक्स इंटू वाई का कॉलम निकाला, एक तरफ आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम निकाला. ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो एक्स इंटू वाई 100 -5 इज इक्वल टू व्हाट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -500. एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, -5 का स्क्वायर 25. ऐसे करके समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर आपको निकाल लेना है. ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या बोलता है, समेशन वाई इज इक्वल टू एन इन टू ए प्लस बी समेशन एक्स. समेशन वाई मेरा 720 है ही, एन मेरा 6 है ही, ए को आप ऐसे ही लिख दो. और आप देखोगे जनरली डेविएशन जो रहेगा वो 0 ही आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस गेटिंग कैंसिल्ड, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बी हट गया,
ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 720/6 120, वैसे ही करके आप क्या करोगे बताओ, बी का भी वैल्यू निकालोगे, ए और बी दोनों का वैल्यू आ गया। नाउ यू जस्ट हैव टू फोरकास्ट, नाउ दे हैव गिवन यू फोरकास्ट द सेल्स फॉर द ईयर 2008, तो 2008 का एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर 2004.5 से 2008 में कितने ईयर्स का डिफरेंस है बताओ, कितने ईयर्स का डिफरेंस है? आप बोलोगे मैम 3.5 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 3.5 का डबल यानी 7 कर दिया हमने, यानी एक्स का वैल्यू क्या ले लिया 7, ठीक है। इसके अलावा देख लो जो ए और बी का वैल्यूज है वो पुट कर दिया, तो मेरा वाई फॉर द ईयर 2008 निकल गया, वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का सम्स आपके एमटीपी में भी आया हुआ है, ठीक है, लेट अस डिस्कस दैट काइंड ऑफ सम। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, यानी अब की बार एक सम जो अभी मैंने बताया इस टाइप का आता है, और जो दूसरा सम है ना डिमांड फोरकास्टिंग में, जहां पर आपको एक्स नहीं निकालना पड़ता है, एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो और अच्छा है भाई, दोनों दिया हुआ है, आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एक्स का जो वैल्यू है वाई का जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू वाई, और एक कॉलम बनाओ एक्स स्क्वायर का। अब यहां पे होगा क्या प्रॉब्लम कि जब वो दो इक्वेशन आप डिराइव करोगे ना, तो जो दोनों इक्वेशन है उसमें दोनों में ए और बी आएगा, कोई एलिमिनेट नहीं होगा, इन दैट केस आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द यूज ऑफ स्कूटर इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा, पॉपुलेशन इन टाउन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्कूटर दिया हुआ है, ठीक है। फिट अ लीनियर रिग्रेशन, क्या वर्ड दिया रहेगा, लीनियर रिग्रेशन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्कूटर टू बी फाउंड इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख, क्लियर है, यानी आपको निकालना है y का वैल्यू, ठीक है, ऐसे टाउन में जिसका पॉपुलेशन कितना है बताओ 16 लाख का पॉपुलेशन है, तो ये 16 लाख जो दिया हुआ है ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करो ना, a और b का वैल्यू निकालो और ट्रेंड लाइन इक्वेशन जनरेट करो। सो इन दैट केस देखो x का वैल्यूज दिया हुआ है, y का वैल्यूज दिया हुआ है, आपने x into y निकाला, x square निकाला, बताओ ये इक्वेशन क्लियर है क्या? फिर अब बताओ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, समेशन y, टेल मी द फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है ना, बताते जाओ दो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, राइट, समेशन y इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी समेशन x, है ना, तो इन दैट केस क्या आएगा बताओ, समेशन y कितना है हमारा, समेशन y इज 35,000, n मेरा कितना है, n मेरा 5 है, b मुझे नहीं पता, b भी निकालना है, और मेरा समेशन x कितना है बताओ, b समेशन x है ना 40, तो ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, विच इज 5a प्लस 40b इज इक्वल टू 35,000। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव कर लोगे, सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा बताओ, दोनों साइड्स में आप किसको मल्टीप्लाई करते हो, x को, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, isn't it? अब आप इसको पुट करोगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगा, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन विच यू आर गेटिंग, ठीक है। अब देखो इस तरह से मेरा दोनों इक्वेशन आ गया, अब दोनों इक्वेशन जो आ गया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, एक इक्वेशन आपका ये रेडी है 5a प्लस 40b इज इक्वल टू 35,000, और एक इक्वेशन आपका क्या रेडी है 311,000 इज इक्वल टू 40a, है ना, प्लस 370b, ये दो इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है, 40a प्लस 370b इज इक्वल टू 311,000, सो कैन आई से दीज आर द टू इक्वेशंस दैट यू हैव क्रिएटेड, सो इन दैट केस आपको कोई भी एक वैल्यू को इक्वेट करना है ताकि आप एक को एलिमिनेट कर दो, सो इन दैट केस अब सपोज करो यहाँ पे क्या दिया 40a प्लस 370b इज इक्वल टू 311,000, और ये वाला आपको और एक इक्वेशन है, तो या तो आप a का वैल्यू को इक्वेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5a है ना, तो आपको इसको क्या लाना है 40 लाना है, क्योंकि यहाँ पे भी 40 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ द साइड्स बाय ए बाय 8, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40 कैंसिल कर देना, फिर बी का वैल्यू आप निकाल लोगे, ये रहा देखो 40 करके हमने क्या किया बताओ, एलिमिनेट कर दिया ना ए को, फिर बी का वैल्यू निकाल लिया, मेरा बी का वैल्यू कितना आ गया 620, बी का वैल्यू कितना आ गया 620, फिर वैसे ही कोई भी इक्वेशन में आप बी का वैल्यू पुट करोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, सो इन दिस मैनर यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड बी। अब जैसे ए और बी का वैल्यू आ गया, आपको करना क्या, आपको पुट करना है, ठीक है, मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बोलता है बताओ, मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बोलता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ना, एक्स का वैल्यू तो बोला वही है 16 लाख का पॉपुलेशन, ठीक है, और ए और बी मेरा आ ही गया, ए बी पुट कर दोगे 16 पुट कर दोगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा ना, बोलो वाई का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, टेल मी, ये रहा देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देखो ए का वैल्यू मेरा इतना आया, क्लियर,
बी का वैल्यू मेरा 620 आया, एक्स मेरा कितना है 16 है, पुट करके मेरा वाई का वैल्यू आ गया. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एग्जाम में बोलेगा आपको रिग्रेशन एनालिसिस फिट करके आंसर निकालना है. सो इन दैट केस याद रखना आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन करना पड़ेगा, एक ए को या बी को किसी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? Absolutely clear. बताओ. So this completes your topic of demand forecasting. So एक बार जोरदार तालियों के संग मुझे बता दीजिए क्या demand forecasting clear है कि नहीं. ठीक है. So we have done with the topic or we are done with the topic of demand forecasting. Now straight away moving on to the next topic, which is your capacity planning. Capacity planning का मतलब क्या होता है? Matching the level of operations with the level of demand. Demand forecasting ने हमने future demand को forecast किया. अब उतना जितना customer का demand है उसके हिसाब से हमें machine का capacity, लेबर का कैपेसिटी, अपने पूरे सिस्टम का कैपेसिटी को भी तो रेडी करना होगा. तो आप कितना ऑपरेशंस करोगे, आप कितना प्रोडक्शन करोगे जिससे आपका डिमांड मैच हो जाए. सो मैचिंग द लेवल ऑफ ऑपरेशन विद द लेवल ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज कैपेसिटी प्लानिंग. अब एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि जो कैपेसिटी प्लानिंग है ना उसका टाइप्स बताओ बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन. तो आप बोल देना शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग. आर वी थ्रू विद दिस? नाउ कैपेसिटी का मतलब आप समझ गए ना, इट इज नथिंग बट द क्या पोटेंशियल, द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्किंग यूनिट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ मशीन ऑफ अ लेबर, कि वो कितना बना सकता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? कैपेसिटी मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है. आर वी थ्रू विद दिस? या कोई वर्क सेंटर का कैपेसिटी का भी बात कर सकते हैं. फिर हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड कितना होगा, वर्कलोड पर ईयर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन. अब जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ना सपोज करो 250 डेज जो है काम होता है और हर एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, ये एक मशीन का कैपेसिटी मैंने आपको सपोज करो बता दिया. फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बोल दिया कि जो है ना मेरे को तीन प्रोडक्ट बनाना है, ए बी और सी. ए का 1000 यूनिट बनाना है सपोज, बी का मुझे 2000 यूनिट बनाना है, सी का भी मुझे सपोज करो 1000 यूनिट बनाना है. तीनों का अलग अलग यूनिट बनाना है और तीनों का मैंने आवर्स भी दे दिया. मैंने बोला ए का मुझे 1000 बनाना है, बी का मुझे 2000 बनाना है, सी का मुझे 3000 बनाना है. ठीक है? और मैंने बोला ए बी सी तीनों को बनाने में ना मुझे 3 आवर्स लग रहे हैं, तो मुझे टोटल कितना यूनिट्स बनाना है बताओ, 1000 2000 3000, और तीनों को बनाने में इंडिविजुअली मुझे 3 घंटा लग रहा है. तो टोटल ये जो यूनिट्स है इसको बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 18000 आवर्स इज रिक्वायर्ड, 18000 आवर्स इज रिक्वायर्ड, है ना? 18000 आवर्स आएगा. देख लो टोटल 1000 × 3, 2000 × 3, 3000 × 3 करोगे, टोटल 18000 घंटा का कैपेसिटी चाहिए. बट ऑलरेडी मैंने बोला एक मशीन है मेरे पास और एक मशीन का कैपेसिटी इतना है. वन मशीन रन्स फॉर 250 डेज विद अ कैपेसिटी ऑफ 8 आवर्स. तो 250 × 8 आप करोगे तो यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में खाली 2000 आवर्स का कैपेसिटी है. तो मशीन्स रिक्वायर्ड कितना होगा, वर्कलोड कितना चाहिए पर ईयर, वर्कलोड पर ईयर कितना चाहिए, 18000 डिवाइडेड बाई क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन. एक मशीन का कैपेसिटी कितना है, 2000, तो 18000 डिवाइडेड बाई 2000 करोगे 9, यानी मेरे को कितना मशीन्स का रिक्वायरमेंट है बताओ, टोटल मुझे 9 मशीन्स का रिक्वायरमेंट है. आर वी थ्रू विद दिस? टोटल मुझे कितने मशीन्स का रिक्वायरमेंट है, टोटल मुझे 9 मशीन्स का रिक्वायरमेंट है. एकदम क्लियर है? नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, अगर आप आउटपुट के टर्म्स में निकालोगे तो एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट, लेकिन अगर आप टाइम के टर्म्स में बोलो तो स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100. कल के एग्जाम में एफिशिएंसी में कंफ्यूज मत होना, जैसे आप मेरे रॉकस्टार हो. मैंने आपको बोला ना, आई सेड यू कि आप आधी घंटा में एक सम कर लेना, बट आपने आधी घंटा में 2 सम कर लिया, यानी आप तो मेरे बाहुबली बच्चे हो, आपने 2 सम कर डाला, यानी आपका एफिशिएंसी डबल है, 200% है. तो मैम ये 200 कैसे आया, ऊपर में आपने 2 लिखा, नीचे में 1 लिखा, 2 मतलब एक्चुअल आउटपुट हो गया, एक्चुअल सम्स 2, और मैंने स्टैंडर्ड कितना एक्सपेक्ट किया था 1, तो 2/1 × 100 कितना हो गया, 200%. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? लेकिन यही अगर टाइम के टर्म्स में निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम. क्लियर? नाउ सिस्टम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी इनटू 100. एक्चुअल आउटपुट, आई रिपीट, एक्चुअल आउटपुट बाय डिजाइन कैपेसिटी इनटू 100. बॉटल नेक वर्क सेंटर क्या होता है मुझे बताओ. ये रहा देखो, इतने सारे मेरे पास वर्क सेंटर है, वर्क सेंटर ए बी सी डी, आप देख रहे हो इतने सारे वर्क सेंटर है. जो वर्क सेंटर का सबसे लिमिटेड कैपेसिटी है ना उसको हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक वर्क सेंटर. ये मेरे गले का फंदा है, बॉटल है, ये नेक है, मतलब आप समझो
मेरे नेक में ही एक फंदा बनकर रह गया। इसकी वजह से ना, सिर्फ इस घटिया वर्क सेंटर की वजह से मेरा पूरा सिस्टम का कैपेसिटी कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सिस्टम में ओवरऑल कम से कम 400 यूनिट्स का कैपेसिटी तो था ही, बट बिकॉज ऑफ वर्क सेंटर सी ओनली 360 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस। ये मेरे पूरे सिस्टम की कैपेसिटी को क्या कर दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चारों वर्क सेंटर एक संग काम कर रहे इन सच अ वे, जैसे आपने वर्क सेंटर ए में इनपुट इंस्टॉल किया, फाइनली लास्ट वाले वर्क सेंटर से मेरा फिनिश गुड्स निकल कर आ रहा है। बट अगर बीच में वर्क सेंटर सी का कैपेसिटी कम हो गया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अल्टीमेटली मेरा आउटपुट कितना आएगा, 360। यानी पूरे सिस्टम का कैपेसिटी क्या होता है, द सिस्टम कैपेसिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल नेक वर्क सेंटर। सो बॉटल नेक वर्क सेंटर मतलब हुआ वर्क सेंटर विद द मिनिमम कैपेसिटी, एंड सिस्टम कैपेसिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल नेक वर्क सेंटर। आर वी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बोला, कैपेसिटी मतलब होता है मैक्सिमम लोड, ठीक है, विच एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। नॉ द ऑपरेटिंग यूनिट मे बी अ प्लांट, मे बी अ डिपार्टमेंट, मे बी अ मशीन। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक चीज यहां पे और एक आता है थ्योरी के लिए, अंडर कैपेसिटी और ओवर कैपेसिटी कब फीजिबल है। आप खुद सोच के बताओ कि कब आप ओवर कैपेसिटी रखना पसंद करोगे। ओवर कैपेसिटी का मतलब, मान लो आपका प्लांट एंड मशीनरी का कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है, बट डिमांड जो है ना ऑन एन एवरेज 800 आता है, डिमांड 800 है, आपने कैपेसिटी रख रखा है 1000 का, तो यानी ये हो गया ओवर कैपेसिटी। तो ओवर कैपेसिटी कब फेवरेबल होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन इज ओवर कैपेसिटी फेवरेबल, तो ओवर कैपेसिटी कब फेवरेबल होता है बताओ मुझे। ओवर कैपेसिटी तब फेवरेबल होता है ना जब आपको लग रहा है कि मेरा फिक्स कॉस्ट उतना हाई नहीं है, यानी मशीन का जितना 800 यूनिट का खर्चा था उतना ही 1000 का भी खर्चा है, व्हेन माय फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट हाई। और जब पता है मेरा प्रोडक्शन ऐसा है ना कि मैं अपना ट्रेड सीक्रेट किसी को बता नहीं सकती, अगर कस्टमर का डिमांड ज्यादा आ गया ना तो मुझे कोई बाहर वाले को आउटसोर्स करने का पावर नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाहर में आउटसोर्स की ना तो मेरा ट्रेड सीक्रेसी लीक आउट हो जाएगा, एंड आई एम वेरी मच कॉशियस अबाउट इट। आई कैन नॉट आउटसोर्स माई वर्क टू एनीवन एल्स, सो इट इज बेटर यार ओवर कैपेसिटी रख के रखो ना, क्या दिक्कत है। तो जब ट्रेड सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते हो या फिर जब कस्टमर का डिमांड नहीं फिल करोगे ना, उन लोग आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देंगे, कॉम्पनसेशन ठोक देंगे, तो भाई धन्यवाद, आप ओवर कैपेसिटी रखिए। या फिर जब फिक्स कॉस्ट का कैपेसिटी कॉस्ट उतना हाई नहीं है। अंडर कैपेसिटी इसका पूरा वाइज वर्सा, अंडर कैपेसिटी इसका पूरा वाइज वर्सा। अंडर कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, जब हमने कैपेसिटी कम रखा है देन आवर एनुअल डिमांड। क्यों रखा है मैम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा है, द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड आई मीन फिक्स कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज वेरी हाई। जब मशीनरी का फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है ना इट इज फास्ट चेंजिंग, जो मशीनरी का टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, तो जबरदस्ती अननेसेसरली बड़ा बड़ा मशीन खरीद के हाई कैपेसिटी का रख के कोई फायदा नहीं है। और तीसरा, कस्टमर का अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं भी होना, हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हमें कंपनसेशन कोई देना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग आउटसोर्स वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बॉटल नेक वर्क सेंटर अगर आएगा तो आई होप आप मैनेज कर लोगे, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मैनेज कर लोगे ना। देखो ये देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर? कैपेसिटी प्लानिंग का दो टाइप मैंने बोला था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ मोर देन 2 ईयर्स, शॉर्ट टर्म मतलब हुआ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लेस देन 12 मंथ्स। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ओवरटाइम शिफ्ट करना है कि नहीं करना है, इन्वेंट्री का साइज को वेरी करना है कि नहीं करना है, वर्कफोर्स साइज को एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद होगा, बैलेंसिंग द कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर भी बहुत बार शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज बैलेंसिंग द कैपेसिटी। अब जैसे ये मान लो मेरा वर्क सेंटर है 4-5 तो, ठीक है, अब इसमें से एक बॉटल नेक वर्क सेंटर है, बिकॉज ऑफ द बॉटल नेक वर्क सेंटर ना माय एंटायर सिस्टम कैपेसिटी इज गेटिंग कॉन्स्टेंट। तो अब मैं क्या करूंगी, आप जानते हो ये जो बॉटल नेक वर्क सेंटर है ना, इसके पास मैं एक्स्ट्रा कुछ प्लांट वगैरह सप्लाई कर दूंगी, लोड बैलेंसर लगा दूंगी, ताकि इसका कैपेसिटी बढ़ जाए और पूरा मेरे सिस्टम का कैपेसिटी भी बढ़ जाए, एंड माई सिस्टम डज नॉट सफर बिकॉज ऑफ दिस बॉटल नेक वर्क सेंटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बैलेंसिंग द कैपेसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये पूरा बता दिया, ओवर कैपेसिटी कब प्रेफर है, फिक्स कॉस्ट नॉट हाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग नॉट पॉसिबल,
ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी के नॉट एफोर्ड टू मिस द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर, क्लियर, अंडर कैपेसिटी, फिक्स कॉस्ट हाई है, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, क्लियर, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द कैपेसिटी इज प्रोहिबिटिवली हाई। ये वाला सेम सब मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, मैं वापस नहीं करवा रही हूँ, आप फटाफट ये वाला सम देख लीजिए। यहाँ बताइए मुझे बॉटल नेक वर्क सेंटर कौन सा है, सबसे मिनिमम कैपेसिटी किसका दिखाई दे रहा है, मैडम बताइए, सर बताइए, सर और मैडम बताइए फटाफट किसका दिखाई दे रहा है, 340। सो आइडेंटिफाई द बॉटल नेक सेंटर क्या होगा मेरे को बताओ। सी, अब बताओ जो बॉटल नेक वर्क सेंटर का कैपेसिटी होता है वही तो सिस्टम का कैपेसिटी होता है, यानी सिस्टम का कैपेसिटी कितना हो गया बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 340 हो गया स्टैंडर्ड। अब पता है मतलब इतने बेशरम है ना ये वर्क सेंटर वाले, लेबर वाले, मतलब बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं, मतलब एटलीस्ट 340 तो आप बना पाते, लेकिन आपने भाई 340 भी नहीं बनाना जरूरी समझा, आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ 300 यूनिट, यानी अब आपको पूछ रहा है कि सिस्टम का एफिशिएंसी निकालो। तो अभी हमने डिस्कस किया ना फॉर्मूला एफिशिएंसी का, बताओ एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आया 300, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आया 340 इनटू 100, तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ, सिस्टम एफिशिएंसी। आर वी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है, ठीक है, ये वाला रेंज निकालना है इसमें आप कर लोगे मुझे पता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ रेवेन्यू, ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कितना आएगा 30 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो फिक्स कॉस्ट है उससे 30 से आपको डिवाइड करते जाना, और आपको देखना है कि ये जो आर है आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट इस रेंज में है कि नहीं, अगर इस रेंज में नहीं है तो आपको ये मशीन खरीद के कोई भी फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जब हमने एक मशीन खरीदने का प्लानिंग किया तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट एक मशीन में कौन से पॉइंट में आ रहा है 400, लेकिन पहला मशीन का कैपेसिटी खाली 300 यूनिट्स तक है, तो फायदा ही नहीं है ना, जब आप वो मशीन खरीद के 400 बना ही नहीं पाओगे तो यानी आपका हर समय लॉस ही होना है ना, क्योंकि ब्रेक इवन कहां से चालू होगा 400 यूनिट से, तो कम से कम आपको 400 तो बनाना ही पड़ेगा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन के लिए, उसके बाद जाके प्रॉफिट अर्न होगा, तो फायदा ही नहीं है, ये तो बना ही नहीं सकता 300 से ज्यादा, तो ऐसे करके आपको सबका लिमिट्स चेक करना है, ठीक है। सो आई होप वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो, कम ऑन क्विकली टेल मी, तो एक चैप्टर हमने और जो है कर डाला, ठीक है। आई होप गाइज एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर विथ यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टॉकिंग अबाउट योर फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, प्लांट लेआउट या फैसिलिटी लेआउट। नाउ व्हाट डज द वर्ड प्लांट लेआउट मींस, प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्स करवा रही हूँ, अभी भी मैं देख रही हूँ यार बच्चों ने लाइक बटन हिट नहीं किया है, मुझे बड़ा खराब लग रहा है, अगर आप मुझे जो है ना रियली में रिस्पेक्ट करते हो और प्यार करते हो तो लाइक बटन हिट कर देना, ठीक है, और सेशन खत्म होने के बाद जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। आओ, प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द कॉन्फिगरेशन वर्क सेंटर डिपार्टमेंट, मशीन का अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी मान लो चार वर्क सेंटर है ए बी सी डी, इसको कैसे अरेंज करें, ए के बगल में बी फिर सी और डी, कि ए के बगल में हम लोग बी रखें यहाँ सी यहाँ डी, तो ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लांट लेआउट। तो अरेंजमेंट हमें कैसा करना है बताओ, अरेंजमेंट ऐसा करना है ना हमें जिससे हमारा लेबर का आइडल टाइम कम से कम लगे, मटेरियल हैंडलिंग इजीली हो सके, समझ में आ रहा है, जिससे हमारा एफिशिएंसी बढ़े, जिससे हमारा इकोनॉमीज हो सके, जिससे मेरा मटेरियल डैमेज नहीं हो एक वर्क सेंटर से दूसरे वर्क सेंटर में ट्रांसफर करने में। नॉट थ्योरी के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लेआउट, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ लेआउट आर देयर, एक होता है प्रोसेस लेआउट, एक होता है प्रोडक्ट लेआउट, एक होता है फिक्स पोजिशन लेआउट जिसको हम लोग स्टैटिक लेआउट भी बोलते हैं, एक होता है मिक्स लेआउट। नाउ व्हाट डज द वर्ड प्रोसेस लेआउट मींस, अब आप कंफ्यूज मत होना बाबा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का बात नहीं हो रहा है, ये अरेंजमेंट का बात हो रहा है, लेआउट का बात हो रहा है। प्रोसेस लेआउट का मतलब आप जान रहे हो क्या, प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल लेआउट। एग्जाम में कितनी बार पूछा है कि और एक नाम क्या है बताओ, तो प्रोसेस लेआउट को और एक नाम क्या है बताओ, फंक्शनल लेआउट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो सिमिलर नेचर्ड मशीन है वी ग्रुप टूगेदर एंड कीप देम इन अ सिंगल वर्क सेंटर, ग्रुपिंग टूगेदर ऑफ द सिमिलर नेचर्ड मशीन इन वन सिंगल वर्क सेंटर, सो दैट इंस्पेक्शन ऑफ दैट सिमिलर Natured machine become very easy, supervision becomes very easy, training of the labor becomes very easy. अब जैसे मान लो मेरा अलग अलग वर्क सेंटर है, अब एक वर्क सेंटर में मैंने 5 लैथे मशीन रख दिया है, दूसरे वर्क सेंटर में मैंने 3 प्रिंटिंग मशीन रख दिया है, तीसरे वर्क सेंटर में मैंने 2 ड्रिलिंग मशीन रख दिया है, ऐसे करके 3 ड्रिलिंग, 4 लैथे, 5 पेंटिंग, 6 वेल्डिंग, 5 कटिंग, सिमिलर नेचर को मशीन को हम लोगों ने एक वर्क सेंटर में रख दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। क्या बोलते हैं बताओ, प्रोसेस लेआउट। तो आप लिख लोगे एग्जाम में, क्लियर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिख देना फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री।
Next step, product layout. Be very careful, guys. Product layout is also called as straight line layout. Why it is called as straight line layout? You know, because एक ही work center में आपने एक straight line में अलग अलग machine को रख रखा है, जिससे पहले machine में अगर आपने input डाला तो last machine से निकल कर आएगा ultimate finished output. यानी पहले machine, समझ में आ रहा है, लैथे है, फिर printing है, पेंटिंग है, फिर उसके बाद आपका कटिंग है, ड्रिलिंग है, वेल्डिंग है, सब अलग अलग मशीन आपने लाइन से एक ही पर्टिकुलर वर्क सेंटर में रख के रखा है. जैसे ही मोमेंट एक इनिशियल मशीन में आपने इनपुट डाला, लास्ट वाले मशीन से फिनिश गुड्स बाहर निकल कर आएगा. एग्जाम्पल, पेपर मिल, सुना है पेपर मिल, या चलो ना शुगर, शुगर इंडस्ट्री के बारे में सुना है कि आपने एक बार शुगर केन डाला पहले मशीन में, आखिरी मशीन से निकल कर आएगा, बताओ क्या, शुगर, क्रिस्टल ऑफ शुगर. तो यानी स्ट्रेट लाइन में लोग क्या करेंगे, काम करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज गाइज प्रोडक्ट लेआउट. क्या बोलते हैं इसको बताओ, प्रोडक्ट लेआउट. आर वी थ्रू विद दिस? फिर क्या बताओ, फिक्स. तो बैम्बू मिल, पेपर मिल, फिर शुगर केन मिल, ये सब प्रोडक्ट लेआउट का एग्जाम्पल लिख देना. नाउ प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है ना, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, वेरिएशन, अलग अलग वैरायटी बनते हैं. प्रोडक्ट लेआउट में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, वैरायटी कम. फिर है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट. अरे बाबा, स्टैटिक लेआउट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. जब बहुत ही ज्यादा बल्की बल्की मटीरियल होते हैं ना, मतलब यार मटीरियल को उठाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इतने मोटे मोटे सब रॉ मटीरियल है ना, इससे बेटर है यार मूवमेंट ऑफ मटीरियल की जगह क्यों ना हम मूवमेंट ऑफ मैन मशीनरी कर ले. मूवमेंट ऑफ मटीरियल की जगह क्यों ना हम मूवमेंट ऑफ क्या कर ले, बताओ, मैन और मशीनरी कर ले. तो मटेरियल को नहीं मूव करके हम बोलते हैं भाई लेबर्स लोग आ जाएंगे, अपना मशीन लेकर आ जाएंगे और इनका असेंबलिंग करेंगे. ये जनरली होता है एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट में या शिप डिपार्टमेंट, असेंबलिंग का काम, जहां पर शिप के जो रॉ मटेरियल होते हैं, शिप के जो इक्विपमेंट होते हैं, इतने हैवी होते हैं, इतने बल्कि होते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू मूव देम. तो यहां पर हम लोग रादर देन मूवमेंट ऑफ द मटीरियल, वी बिलीव इन द मूवमेंट ऑफ द लेबर, एंड वी बिलीव इन द मूवमेंट ऑफ द क्या बताओ, लेबर एंड देयर इक्विपमेंट एंड देयर मशीनरी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक. स्टैटिक मतलब इनका पोजीशन फिक्स है, वी आर नॉट चेंजिंग देम. एग्जांपल, असेंबलिंग, असेंबलिंग ऑफ शिप, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द शिप, या फिर असेंबलिंग ऑफ द हेवी हाइड्रोलिक मशीन का इक्विपमेंट, या एयरक्राफ्ट. आज मान लो ना एयरक्राफ्ट का कोई इंजन खराब हो गया, सनमार एरोप्लेन का, तो आप क्या करोगे, एरोप्लेन को गोदी में उठा लोगे, चलो बाबू एरोप्लेन, चलो रिपेयर डिपार्टमेंट के पास. कि आप रिपेयर डिपार्टमेंट वाले बंदे को बुलाओगे एरोप्लेन के पास रिपेयर करने, है ना. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड पोजीशन. नेक्स्ट, मिक्स लेआउट और कंबाइंड लेआउट. कंबाइंड लेआउट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. आप बस यही बोलना, जो कंबाइंड लेआउट है ना, दोनों का मिक्सचर है, जिसमें कुछ सिमिलर नेचर मशीन रखते हैं, कुछ हम लोग अलग अलग मशीन रखते हैं, जिससे पहला मशीन में इनपुट डाला, आखिरी मशीन में आउटपुट निकल कर आया, उसको बोलते हैं कंबाइंड लेआउट. इसके बाद क्या बताओ, लेआउट ऑफ अ सर्विस फैसिलिटी. लेआउट ऑफ अ सर्विस फैसिलिटी. सर्विस फैसिलिटी आप समझ गए ना, जैसे मैंने सलून का एग्जाम्पल दिया था, शैम्पू स्टेशन एक जगह, हेयर ड्रायर दूसरे 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर हेयर कलर स्टेशन, तो भाई कोई कस्टमर नहीं आएगा आपसे सर्विस लेने. यानी सर्विस लेआउट इस तरह से अरेंज होना चाहिए विच कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. प्रॉपर वॉकवेज होना चाहिए, फ्री पार्किंग एरियाज होना चाहिए, जहां पे उनको बेस्ट सर्विसेज मिल सके. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेआउट. अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल कैसा आता है, हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्लांट लेआउट दिया रहेगा सब में, जैसे कॉन्फिगरेशन विल बी गिवन. और यहाँ पे याद रखना, प्रोग्रेसिव ट्रांसफर का बात हो रहा है. अब मान लो ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से 6 वर्क सेंटर दिए हैं. ए कैन ट्रांसफर टू बी सी डी ई एफ, बी कैन ओनली ट्रांसफर टू सी डी ई एफ. बी जो है वो ए को ट्रांसफर नहीं कर सकता. सिमिलरली सी किसको देगा, डी को, ई को और एफ को. सी ए और बी को नहीं दे सकता, या आगे वाले डिपार्टमेंट को देंगे. प्रोग्रेसिव ट्रांसफर का बात हो रहा है. ठीक है, तो यानी डिस्टेंस लेआउट आपको प्रिपेयर करना होगा. ये आपको अरेंजमेंट दिया रहेगा, इससे आप डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाओगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर निकालोगे, है ना. अभी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ए बी सी डी एफ, तो ए से बी में जाने के लिए कितना ट्रांसफर लगेगा, तो आप क्या करोगे ना, कॉलम बनाओगे. कैसे बनाओगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. एक तरफ लिखोगे ए बी सी डी ई एफ, और इधर भी लिखोगे ए बी सी डी ई एफ, है ना. अब ए खुद को तो देगा नहीं, अब ए और बी में कितना फासला है, एक का, तो वन ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं इसको. हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस मैट्रिक्स. ठीक है, अब ए से सी, ए से बी, बी से सी, नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना हो गया, 2. फिर वैसे ही ए से डी, एकदम बगल में डी के, नंबर ऑफ ट्रांसफर 1. ए से ई, ए से बी, बी से ई, ठीक है, तो 2 ट्रांसफर. ए से एफ, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, 3 ट्रांसफर. ऐसे करके हम सारे के सारे जो है ना अपने मैट्रिक्स को भर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, सबका निकल जाएगा नंबर ऑफ ट्रांसफर. वेरी इजी. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में आप जानते हो क्या दिया रहेगा, कॉस्ट पर ट्रांसफर दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा लोड.
या तो लोड दिया रहेगा या कॉस्ट दिया रहेगा। तो अगर कॉस्ट दिया है तो आपको बस जो सम में दिया है ना कॉस्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस कॉस्ट मैट्रिक्स, क्लियर। और अगर लोड दिया हुआ है तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ, एलडी मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर, क्लियर। फिर हम लोग समेशन कर देंगे। देखो क्या बोला है, सबसे पहले प्रिपेयर डिस्टेंस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर टू रीच फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर बाय यूजिंग द गिवन प्लांट लेआउट, ठीक है। दो टाइप का सम होगा, एक होगा कॉस्ट मैट्रिक्स का, एक होगा एलडी मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स में कैसे निकालेंगे, ये जो अभी डिस्टेंस मैट्रिक्स है हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ ट्रांसफर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताओ, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा कॉस्ट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर वैसे ही एलडी मैट्रिक्स निकालना है तो वो डिस्टेंस तो आपने निकाल ही लिया ना, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ट्रिप्स, दोनों में से कोई भी एक सवाल आएगा। अच्छा याद रखना एक चीज और, कि यहाँ पे कभी भी डायगनल ट्रांसफर नहीं हो सकता, अच्छा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम ट्रांसफर में ट्रांसफर करना है, कम से कम ट्रांसफर यूज करके, क्योंकि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द सम, ठीक है। एक बार मैं वेरी क्विकली आपको एक सम्स का खाली ग्लिम्स दिखाऊंगी आपके इंस्टीट्यूट के मैट से, ठीक है। अब फिर ना पता है क्वेश्चन में पूछता है कि क्या ये लेआउट को चेंज करना चाहिए, कोई डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करना चाहिए, तो आप बता देना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये लेआउट वाला सम्स आएगा ना, तो मैंने आपको रेगुलर बैचेस में पूरा डायग्राम बनवाया था, तो एक एक डायग्राम कल के एग्जाम में बनाकर आना, चाहे प्रोडक्ट लेआउट पूछे या प्रोसेस पूछे या स्टैटिक लेआउट पूछे, ओके। चलो अब जैसे ये वाला लेआउट का मैं बात कर रही हूँ, ये दिया हुआ है लेआउट, तो अब ये लेआउट से हमने क्या किया बताओ, सबसे पहले क्या प्रिपेयर कर लिया, डिस्टेंस मैट्रिक्स, वेरी इजी। देखो ए बी सी डी एफ लिखा, ए बी सी डी एफ इधर लिखा, और डिस्टेंस आपको आता है निकालना, आप निकाल लोगे। चलो मेरे को बताओ खाली डी का कर लेते हैं, डी का, डी किसको किसको देगा, ई और एफ को, डी किसको किसको देगा, ई और एफ को। डी से ई में कैसे जाओगे, डी से सी, सी से ई, तो डी से ई टू ट्रांसफर हो गया, देख लो डी से ई नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना है, टू, डी से ई नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना है, टू। वैसे ही डी से एफ, डी एफ एकदम बगल बगल में, नंबर ऑफ ट्रांसफर वन, और एफ में तो होगा ही नहीं ना, एफ खुद को तो देगा नहीं, तो देखो इस तरह से हमने सबका ट्रांसफर निकाल लेना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लिया। अब देखो ये सवाल में कॉस्ट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई तो करना है, जीरो इंटू वन प्लस, अब यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ट्रांसफर हुआ था, वन हुआ था ना, और कॉस्ट कितना है, 90, तो 90 इंटू वन प्लस, यहाँ पे 160 इंटू टू प्लस, 50 इंटू टू प्लस, जीरो इंटू थ्री, ऐसे करके क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। ऐसे सबका निकाल लोगे इंडिविजुअली, फिर यहाँ पे समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट आ जाएगा, वेरी सिंपल। ये देखो समेशन कर लोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर। अब बोल रहा है क्या, अगर हम लोग पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो उससे कोई फायदा है क्या, जैसे सम्स में बोल रहा है सी और एफ को इंटरचेंज कर लो, यानी रिवाइज पोजीशन क्या होएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, तो यानी इन दैट केस अगेन आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स दोबारा कंप्यूट करना है ना, कॉस्ट तो दिया हुआ ही है, फिर वापस से आप मल्टीप्लाई कर देना, देखो ये रहा नया लेआउट, फिर वापस से डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना, फिर कॉस्ट जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया। अब लोड मैट्रिक्स है तो कुछ नहीं करना है मैम, लोड से मल्टीप्लाई कर देना, वहां पे भी हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालना ही पड़ेगा ना, जैसे ये वाला सब में लोड है, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेना है, और ये सब में क्या दिया हुआ है, ये लोड डिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर है, ये लोड दिया हुआ है तो लोड को मल्टीप्लाई करना डिस्टेंस से, और क्या, लोड को देखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। अब बोल रहा है प्रपोज प्लान निकालने, भाई चेंज करना, इंटरचेंज करने से क्या फायदा होगा, तो निकाल लेना, क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है, एग्रीगेट प्लानिंग प्योर स्ट्रेटेजी, एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट प्लानिंग होता है, इसको इंटरमीडिएट प्लान बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लान हम लोग कुछ छोटा छोटा प्लान भी बनाते हैं मेन प्लान को अचीव करने के लिए, बट ये बहुत छोटा प्लान होता है जिसका टाइम होराइजन 3 मंथ से 1 ईयर तक रेंज करता है। तो दिस इंटरमीडिएट प्लानिंग अदर देन द मेन प्लान विच इज रेंजिंग बिटवीन 3 मंथ टू 12 मंथ इज कॉल्ड एज एग्रीगेट प्लानिंग। और एग्रीगेट प्लानिंग में यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलग अलग होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट प्लानिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट को एग्रीगेट बोलते हैं। अब एग्रीगेट प्लानिंग में प्योर स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं, या तो आप क्या करोगे, एक डिसीजन लेना है, सब एक साथ नहीं, या तो आप इन्वेंट्री एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ द स्टॉक आउट, या फिर आप क्या करोगे, जैसे जैसे कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर आप क्या करो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दे रहे हो, जब भी एक्सेस डिमांड आ रहा है ना, यू आर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर आप क्या करो, ओवर टाइम काम करवा रहे हो, तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो, या तो आपने वर्कफोर्स को वैरी किया या आवर्स को वैरी किया, इन्वेंट्री लेवल को वैरी किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया, यानी आउटसोर्सिंग कर दिया। आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है, तो ऐसे करके आपका एक सम सा जहाँ पे ये चारों स्ट्रेटेजी हमने किया था। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग कौन से लेवल पे ऑपरेट करेंगे, एकदम मिनिमम लेवल पे है ना, हम लोग अपना प्रोडक्शन फिक्स कर देंगे मिनिमम पे, और जब इन्वेंट्री लेवल वैरी करना है, एक्सेस इन्वेंट्री रख के रखना है, उस पर एवरेज इन्वेंट्री निकाल के हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, और
पहला जो हमने बोला प्रोडक्शन को चेंज करते रहना है, तो वो तो फिर जैसे जैसे डिमांड होगा प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाओ, याद आ रहे हैं बोला सम, फिर जिसमें कॉस्ट सबसे कम आएगा दैट विल बी योर अल्टीमेट आंसर. सो दिस कंप्लीट्स योर प्योर स्ट्रेटेजी. नाउ वेरी क्विकली विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मूला ऑफ मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग MRP. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है MRP में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू क्या मिनिमाइज आवर टोटल मटीरियल कॉस्ट, TMC को मिनिमाइज करना है. मटीरियल कॉस्ट का 3 एलिमेंट्स होता है, परचेज प्राइस होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है ना. तो हमें EOQ पे ऑर्डर करना रहता है. वी यूज टू ऑर्डर एट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या क्या बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. जब आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर रहे हो बल्कि खुद ही सेटअप कर रहे हो, जहां सेटअप कॉस्ट दिया रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह. सो इन दैट केस हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑर्डर एट EOQ और EBQ, so that at that point sum total of your ordering cost and carrying cost will be minimized, and at that point both the values will be equal, है ना. क्योंकि अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने जाते हो तो कैरिंग कॉस्ट मैक्सिमम हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने जाते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मैक्सिमम हो जाता है. तो करे तो करे क्या, दोनों के सम टोटल को मिनिमाइज करो, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज EOQ लेवल. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ, 2 into A into O डिवाइडेड बाई सी उसका स्क्वायर रूट. दिस इज अ फॉर्मूला, या 2AS/C. एस कब बोलेंगे, जब सेटअप कर रहे हो आप, रन कर रहे हो, खुद ही मशीन का रन करके प्रोडक्शन कर रहे हो, रादर देन ऑर्डरिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर. देन द फॉर्मूला विल बिकम 2 into A into S/C. एस का मतलब हुआ सेटअप कॉस्ट, ठीक है, पर सेटअप. सी का मतलब याद रखना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो कितनी बार कैरिंग कॉस्ट आप देखोगे मंथली दिया है तो इंटू 12 करके ईयरली कर लेना, और कैरिंग कॉस्ट अगर पैसे में दिया है तो डिवाइड बाय 100 करके रुपीज में कन्वर्ट कर लेना. और कैरिंग कॉस्ट जनरली देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस दिया रहेगा, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है. और एनुअल कंजम्पशन में मान लो अगर मंथली डिमांड दिया है तो इंटू 12 करना मत भूलना मेरे बच्चे, ठीक है. और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करोगे. नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, जो आपका एनुअल कंजम्पशन एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ. बट अगर आपने EOQ पे ऑर्डर नहीं किया तो एक बार आपने जितना ऑर्डर किया एक ऑर्डर साइज से आप डिवाइड कर दोगे, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस निकल जाएगा. कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, EOQ/2. वी अज्यूम कि हम लोग ना पूरा EOQ को कैरी नहीं करते थ्रू आउट द ईयर, एवरेज कैरी करते हैं. फिर स्टेटमेंट ऑफ TMC कैसे निकलेगा, परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, मेरा मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा. अब रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, कब ऑर्डर करें सो दैट वी अवॉइड द डेंजर ऑफ द स्टॉक आउट, ठीक है. तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जब भी हम लोग ऑर्डर करें ना उतना स्टॉक लेवल हमारे गोडाउन में हो, जब वी आर अज्यूमिंग सप्लायर इज गोइंग टू टेक द मैक्सिमम टाइम टू सप्लाई यू द स्टॉक, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम योर कंजम्पशन विल बी ऑल्सो मैक्सिमम. सो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, रीऑर्डर स्टॉक लेवल. व्हेन टू ऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कितना ऑर्डर करें एक बारी में, और रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब होता है कब ऑर्डर करें, व्हेन टू ऑर्डर, ठीक है. मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम काउंट कब करोगे, जस्ट नाउ, अभी जस्ट ट्रक आकर जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था ना EOQ लेवल पे, बस उसी ट्रक ने अनलोडिंग किया, गोडाउन में सामान फेंका है, तो अभी आपके गोडाउन में EOQ लेवल तो है ही, ठीक है. EOQ लेवल मतलब बेसिकली योर रीऑर्डर क्वांटिटी तो है ही, प्लस जो पुराना स्टॉक है जब आपने रीऑर्डर किया था रीऑर्डर लेवल वाला, अब उसमें से हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कम से कम कंजम्पशन हुआ है और सप्लायर कम से कम समय लिया है सप्लाई करने के लिए. तो रीऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है. तब हम लोग स्टॉक टेकिंग करेंगे. मिनिमम स्टॉक लेवल कब निकालेंगे, जैसे ही नया सामान आया ना ट्रक लेके EOQ वाला, हम लोग बोलेंगे रुक जाओ ट्रक, अभी भूल से भी सामान अनलोड मत करना, हमारा स्टॉक टेकिंग चल रहा है, हम लोग को मिनिमम स्टॉक निकालना है. यानी यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ को ऐड नहीं करना है. गोडाउन में जब हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, वो पॉइंट क्या था, रीऑर्डर लेवल, उसमें से क्या माइनस करेंगे, हमारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो गया. अगर ज्यादा ज्यादा माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा स्टॉक लेवल. तो हम लोग मान लेते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है, माइनस कर देंगे. क्लियर है, सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला देख लो, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस. आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है. तो एक सम्स मैं खाली आपको करवाऊंगी कोबो बियरिंग्स का, फटाफट देख लो, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है. मैं आपको इंपॉर्टेंट सम्स भी रिवाइज करवाते जा रही हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होते जाए. फटाफट देख लो. अच्छा, ERP याद रख लेना, ERP के ऊपर कितनी बार शॉर्ट नोट आता है, EOQ के ऊपर दे गिव यू द शॉर्ट नोट. सो आई होप आपको ये सब याद है. चलो ये वाला सम देखेंगे वेरी क्विकली. रीड द सम्स गाइज, रीड द सम्स.
मेसर कोबो बियरिंग्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम टू मेसर डिलक्स वन फैंस ऑन अ स्टेडी बेसिस. यानी एनुअल कितना हो गया मेरा 24,000 टू इंटू ए इंटू ओ. अच्छा यहाँ ओ होगा नहीं क्योंकि हम लोग खुद बना रहे, तो सेटअप कॉस्ट दिया हुआ होगा. सेटअप कॉस्ट पर बियरिंग कितना है 324 डिवाइडेड बाई क्या करते बताओ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो यहाँ देखो इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट कितना दिया है 10 पैसा पर मंथ. सो बी वेरी केयरफुल. यानी कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10 पैसा पर मंथ. तो हम लोग को तो एनुअल निकालना है ना, तो 10 पैसा को पहले रुपीज में करने के लिए डिवाइड बाई 100 और इंटू 12 करोगे क्योंकि पर मंथ दिया है, हम लोग को एनुअल निकालना है. तो कितना आया बताओ मेरे को, ये कितना आया 1.2 आ गया. Isn't it? कितना आ गया बताओ, 1.2 आ गया ना. टेल मी गाइस क्लियर है 1.2 आ गया. इसका स्क्वायर रूट अब इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. इसको सॉल्व करोगे तो आपका ईबीक्यू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितना आएगा 3600 यूनिट्स आएगा. नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन. तो एक बात बताओ आप कितनी बार सेटअप करोगे रन, मतलब एक सेटअप में आपने 3600 यूनिट्स बनाया और टोटल बनाना कितना है 24,000 ना, तो आप कितना बार सेटअप करोगे, नंबर ऑफ सेटअप्स कितना होगा, कितना बार मशीन का सेटअप करना पड़ेगा. 24,000 डिवाइडेड बाई 3600 टाइम्स, क्लियर है इतना बार आप सेटअप करोगे. अब बोल रहा है दो सेटअप के बीच में टाइम इंटरवल कितना है. तो ये जो आपने नंबर ऑफ सेटअप किया ये कितने महीने में किया, 12 मंथ्स में, 1 ईयर के स्पैन में. तो एक सेटअप का स्पैन कितना होगा दे आर आस्किंग यू. ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतना मतलब 12 मंथ्स में जो है ना आपने कितना सेटअप किया इतना, तो एक सेटअप कितना महीने में करोगे. क्लियर तो ये आपने किया 12 मंथ्स में, तो एक सेटअप कितने महीने के गैप में होगा. 12 डिवाइडेड बाई दिस, यानी 12 इंटू 3600 बाई 24,000 हो गया ना, डिवाइड करोगे सो दिस विल कम टू योर अप्रोक्सीमेटली 1.8 मंथ्स. 1.8 को इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 54 कैलेंडर डेज. आर वी थ्रू विद दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है बताओ, यस प्रवीण टेल मी क्लियर है बताओ, आर वी थ्रू विद दिस, आर वी थ्रू विद दिस गाइस. फोकस फोकस हियर, फोकस हियर, क्लियर है दिस इज इंपॉर्टेंट. निकाल लोगे ना इंटरवल. अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब दे आर आस्किंग यू कैरिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या पूछ रहा है, कैरिंग कॉस्ट निकालने बोल रहा है. तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना. तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा यहाँ पे, कितना ईओक्यू कितना था आपका 3600 डिवाइडेड बाई 2 करोगे इनटू कितना 1.2 है ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 2160. ठीक है तो बताओ क्लियर है, मैनेज कर लोगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर गाइज. चलो तो इस तरह से आप मटेरियल प्लानिंग कर लेना. फिर एक सम्स आता है जहां पे वेंडर आपको क्या करेगा, इंसिस्ट करेगा कि आप अपना ऑर्डर साइज इंक्रीज करो जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो कुछ नहीं, निकाल लेना, परचेज प्राइस रिवाइज कर लेना. और परचेज प्राइस रिवाइज करोगे, कैरिंग कॉस्ट को रिवाइज करना मत भूलना क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी रिवाइज हो जाएगा इफ इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस. तो न्यू परचेज प्राइस पे वापस से परसेंटेज कंप्यूट करना कैरिंग कॉस्ट के लिए. फिर वहां पे आप टीएमसी निकाल लेना, वहां ईओक्यू तो निकलेगा नहीं. ठीक है वहां टीएमसी निकाल लेना, फिर कंपेयर कर लेना ईओक्यू का जो टीएमसी है और जो सप्लायर का प्रपोजल है उसका जो टीएमसी है लोअर है कि नहीं. अगर सप्लायर का टीएमसी लोअर है तो यानी आपको सप्लायर का ऑर्डर मान लेना चाहिए. Are we through with this? So this completes your material planning as well. So a very big round of applause. हमने study note 2 पूरा detail में discuss कर लिया. We have done study note 2 fully in detail. Okay guys? चलो अब हम लोग करेंगे assignment. Come on quickly tell me guys in the chat box. How is the level of confidence? मजा आ रहा है? Confidence level high लग रहा है कि नहीं बता दो chat box में लिखकर. Confidence level high लग रहा है कि नहीं? Please guys tell me in the chat box. Confidence level is high or not? Yes. चलो वेरी गुड. असाइनमेंट का एक सम करेंगे. अच्छा मैं आपको बता दूं असाइनमेंट का मैंने आपके मॉक टेस्ट पेपर में एक सम्स करवाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन टुमारोज पेपर. प्लीज वो एमटीपी वाला सम्स कर लेना असाइनमेंट का, जहां पर रिस्पॉन्सेस का सम था, रिस्पॉन्स वाला याद है जहां पे परसेंटेज दिया हुआ था. That is very important. चलो असाइनमेंट क्या है, कितनी बार ना एक क्वेश्चन आता है
कि हम लोग असाइनमेंट का प्रॉब्लम किस मेथड से करते हैं, हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड। और असाइनमेंट का मेथड्स भी आप याद कर लो क्योंकि एमसीक्यू में आता है। क्या क्या अलग अलग मेथड्स है, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड है, सिंप्लेक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, हंगेरियन है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज कि असाइनमेंट के सम्स में हमेशा हम लोग मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम करते हैं, मैक्सिमाइजेशन का नहीं। तो अगर मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स इज बाय चांस गिवन इन द सम, सबसे पहला रूल क्या है, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमाइजेशन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो रेवेन्यू का फिगर दिया या प्रॉफिट का फिगर या बैट्समैन का स्कोर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, लॉस मैट्रिक्स निकालेंगे। और लॉस मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ है वो लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग ग्रेजुअली हर एक आइटम ऑफ द सेल से माइनस करेंगे, हर एक आइटम को माइनस करेंगे वो हाईएस्ट वैल्यू से, जिससे मेरा रिवाइज्ड क्या आ जाएगा बताओ, लॉस मैट्रिक्स आ जाएगा, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। क्लियर है? और एक चीज याद रखना, असाइनमेंट के सम में आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, ठीक है? बिना बैलेंसिंग के ना आप लॉस मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट मत करना, पहले आपको बैलेंसिंग करना है फिर लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। मैम बैलेंसिंग कब करना है, अगर असाइनमेंट का मैं बात करूं तो असाइनमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे बताओ, सबसे पहले डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करोगे। असाइनमेंट में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं एन पर्सन है और एन जॉब है, किस पर्सन को कौन सा जॉब असाइन करे जिससे मेरा क्या हो, सबसे मिनिमम कॉस्ट लगे और या मिनिमम टाइम लगे। सो ऑलवेज इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बोला दो टाइप का सम्स आते हैं, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर नहीं है तो आप पहले बैलेंस करो, ठीक है, डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके। तो वापस से सुन लो, सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंसिंग। असाइनमेंट में आपको डिमांड सप्लाई नहीं देखना होता, आपको रो कॉलम देखना होता है, ठीक है? रो और कॉलम को इक्वल करोगे। ट्रांसपोर्टेशन अभी मैं करवाऊंगी, वहां डिमांड सप्लाई को इक्वल करना होता है, या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कर दोगे, और जो भी आप डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करोगे उसके सेल्स का वैल्यू जीरो लोगे। सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप, अगर मैक्सिमाइजेशन का सम है तो उसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। फिर क्या करना है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन इज वेरी इजी। अब जैसे 3, 2, 1, 4 इज गिवन, यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना वो उठाओगे और बाकी एलिमेंट से लेस कर दोगे, जिससे एक जीरो आ जाएगा आपके रो में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हर एक रो में एक जीरो आना चाहिए। तो ये हो गया मेरा रो ऑपरेशन। सेम गोज विथ कॉलम, हर एक कॉलम में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रिमेनिंग एलिमेंट से आप लेस करोगे, ताकि एक जीरो आ जाए मेरे कॉलम में। सो वंस रो एंड कॉलम ऑपरेशन इज डन, वी विल बी एंश्योरिंग दैट इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम देर इज एटलीस्ट 1 0। अब हम लोग को क्या करना है, ये सारे जीरोस को कट करना है बाई यूजिंग आइदर मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। हम लोग को जो जीरोज है उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट करना है, कम से कम लाइन यूज करके। फिर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों ने ये जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया है क्या वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज और कॉलम के। अगर इक्वल है तब तो बहुत अच्छा बात है, बस अब हम लोग को क्या करना है, असाइनमेंट चालू कर देना है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग को इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना है। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है, इम्प्रूव मैट्रिक्स कैसे बनता है, अब जैसे तुम लोगों ने काटापिटी किया, तो जो अनकवर्ड एलिमेंट है जिसमें काटापिटी नहीं हुआ उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट्स उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट, और जो इंटरसेक्शन वैल्यूज है उसमें इस वैल्यू को ऐड करना है, कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर देना, इंप्रूव मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है? फिर रिपीट करना है जब तक आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाए। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट कैसे करोगे, आपको लोकेट करना है रो वाइज या कॉलम वाइज एक सिंगल जीरो कहाँ है, जैसे ही सिंगल जीरो मिल गया उसको क्राउन पहना दो। अब जैसे ही उसको क्राउन पहना दिया, उस कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर दोगे, क्योंकि एक रो या एक कॉलम का एक ही राजा बन सकता है। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल आपका सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इस तरह से आपको करना है। बताओ क्लियर है, विल यू बी एबल टू मैनेज दिस सम्स? क्लियर? यस। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सम, प्लीज गाइस ये वाला सम एक बार देख लो ना, ये वाला सम देख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पॉसिबल प्लीज हैव अ लुक एट दिस सम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो ये वाला सम, द मार्केटिंग टाइम ऑफ नेस्ले इंडिया रिक्वायर्स सम हाउसहोल्ड डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देयर न्यू प्रोडक्ट, द टीम हैज बीन ऑर्डर्ड बाई मैनेजमेंट टू परफॉर्म द जॉब इन 2 डेज कमिंग सैटरडे एंड संडे। तो अब यहां पे देखो ना, दिया हुआ है क्या, रिस्पॉन्स टाइम दिया हुआ है।
सैटरडे मॉर्निंग अगर सिटी वन में जाओगे तो 0.32 रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और टोटल कितना है 150. तो आपको क्या करना है, ये 0.32 इंटू 150 करना है, 0.60 इंटू 150 करना है, 0.70 इंटू 150 करना है, 0.10 इंटू 150 करना है. वैसे यहाँ पे 0.85 इंटू 100 ऐसे करके आपको पूरा मैट्रिक्स बना लेना है जिससे आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस पता चल जाएगा. बट अगेन ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आया, हमें रिस्पॉन्सेज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना. तो यहाँ से फिर क्या करोगे, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है. ये परसेंटेज निकालने के बाद आपका जो फिगर्स आएगा मैट्रिक्स में उससे आप रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना लेना, ठीक है. और यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वली है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है. अब आपको क्या करना है मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना है. फिर तो आपको आता ही है कैसे करना है, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स एक बार बना लिए, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना. वंस यू डू द रो ऑपरेशन देन यू डू द कॉलम ऑपरेशन, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, असाइनमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है. सो आई होप यू गाइज विल बी एबल टू डू जस्टिस विद दिस सम. कर लोगे ये वाला सम? टेल मी गाइज विल यू बी एबल टू डू दिस सम ऑन योर ओन और नॉट? कर लोगे ना? मैंने पूरा बता दिया. और अगर इसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैंने अभी जो लेटेस्ट MTP सॉल्व करवाया था उसमें आप चेक कर लेना. कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट का समय सेम एज वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, जस्ट आपका रिवीजन हो जाए ये वाला सब. मैं एक बार आपको बस दिखा दे रही हूँ कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बैलेंस्ड मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है बैट्समैन का, तो दैट मींस ये क्या दिया हुआ है बताओ, स्कोर क्या चीज हो गया, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम. इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो पिक करोगे और हाईएस्ट स्कोर से क्या करोगे, सबको माइनस करोगे, तो मेरा क्या जाएगा, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स. तो यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट स्कोर 60 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, 60 माइनस 40 60 माइनस 35 60 माइनस 25 60 माइनस 50 60 माइनस 42, ऐसे करके सबको माइनस करके आपका रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आ गया. डन. अब आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन. तो रो ऑपरेशन में क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये रहा 10, तो इसमें से सब में से क्या करना है, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, देख रहे हो, ऐसे कर दिया तो ये वैल्यूज आ गया, ठीक है. फिर वैसे आपको कॉलम ऑपरेशन करना है, सबका रो ऑपरेशन हो गया. अब कॉलम ऑपरेशन में आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे तो करना ही नहीं होगा क्योंकि अगर कॉलम में ऑलरेडी जीरो है तो आपको दोबारा कॉलम ऑपरेशन करने का दरकार नहीं है, क्लियर. तो ऐसे करके आपका हो जाएगा. अब आपको करना क्या बताओ, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आफ्टर डूइंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन यू हैव टू कट द जीरोज विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन. तो यहाँ पे आपने जीरोज को कट कर दिया, दोनों एक संग कट कर सकते हो, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. तो चेक करो किस कॉलम में या फिर किस रो में मैक्सिमम जीरो दिखाई दे रहे हैं, वैसे कट कर दो. अब जैसे यहाँ पे लास्ट रो में 2 जीरो था तो हमने इसको कट कर दिया, वैसे यहाँ पे कट कर दिया, फिर ये कट किया, सारे जीरोस को कैंसिल करना है. तो वंस यू हैव कैंसल्ड आउट द जीरो, अब हमें फाइंड करना है कहाँ पे मेरा सिंगल जीरो. अब जैसे मैं पहला रो देख रही हूँ, यहाँ सिंगल जीरो है तो उसको हमने क्राउन पहना दिया. अब जैसे इसको क्राउन पहनाया तो यानी इस पर्टिकुलर कॉलम में और कोई राजा नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको क्रॉस आउट कर दिया. फिर हम लोग लोकेट करेंगे नेक्स्ट सिंगल जीरो कहाँ दिखाई दे रहा है. अब जैसे फर्स्ट कॉलम में भी ये सिंगल जीरो, इसको क्राउन पहना दिया, ठीक है. फिर ऐसे कर करके हम लोग लोकेट करेंगे. अब थर्ड रो में एक सिंगल जीरो, इसको क्राउन पहना दिया, ठीक है. ऐसे कर करके हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे. आर वी थ्रू विद दिस? कर लोगे मैनेज? इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिन. क्या बोलते बताओ? बॉक्सिन. तो ऐसे करके हम लोग बॉक्स वगैरह करते रहेंगे, फिर अल्टीमेटली आप देखोगे असाइनमेंट हैज बिन डन, ठीक है. अल्टीमेटली विल फाइंड वॉट, असाइनमेंट हैज बिन डन, क्लियर है. और अब आप जब असाइनमेंट करोगे, लॉस मैट्रिक्स का फिगर्स यहां मत लिख देना, जो ओरिजिनल स्कोर है ना उसका यहां पे फिगर्स लिखना. असाइनमेंट विल बी डन, क्लियर है. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है. सो दिस कंप्लीट्स योर रिवीजन ऑफ असाइनमेंट. असाइनमेंट का वो वाला सम पक्का से कर लेना, मैंने आपको उसका हिंट दे दिया है और मैंने डिटेल में सॉल्व भी करवाया है. आप चेक कर सकते हो मेरा MTP, वहां पे मैंने सॉल्व करवाया, आप देख लेना, ओके. चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर असाइनमेंट. असाइनमेंट आई थिंक इज क्लियर. असाइनमेंट का आप सम्स मैनेज कर लोगे बिना कोई टेंशन के. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ सिम्युलेशन. सिम्युलेशन में इस बार वेटिंग लाइन का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वेटिंग लाइन का प्रॉब्लम, तो आप प्लीज वेटिंग लाइन वाला सम कर लेना. मैं इनफैक्ट अभी आपके संग करवा दूंगी. वेटिंग टाइम वाला सम था ना, कस्टमर का अराइवल रेट, फिर उसके बाद सर्विस का स्टार्ट टाइम, सर्विस का फिनिश टाइम, फिर किसका आइडल टाइम बचा, क्या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका आइडल टाइम बचा कि कस्टमर का वेटिंग टाइम बचा, वाला सम हमने किया था ना एक तो पंप वाला, पेट्रोल पंप वाला, ठीक है. वो
simulation used in aerodynamic testing. Clear? मोंटे कार्लो सिमुलेशन का और एक नाम क्या है? कंप्यूटर, बहुत बार पूछता है, या प्रोबेबिलिस्टिक. स्टेप्स क्या, एक बार देख लो. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी. हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई समेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बताओ, एफ बाई समेशन एफ. फिर क्या निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी का सम कर करके. फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से क्या निकालेंगे, रेंज, रैंडम नंबर का रेंज निकालेंगे. फिर चेक करेंगे रैंडम नंबर गिवन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सम्स कर लेंगे. जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल है, मान लो ये दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. 0.05 + 0.08 + 0.20 ऐसे करके, ठीक है, हम लोग निकालते जाएंगे. क्लियर, मतलब 0.08 + 0.05 + 0.20. तो ऐसे आप देखोगे फाइनली जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आएगा वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अब इसे रैंडम इंटरवल कैसे निकालते हैं, 0.05 है ना, तो 0 से लेकर 0.04 तक, 1 लेस. फिर नेक्स्ट वाला किससे चालू होगा, 5 से लेकर 12, 1 लेस. फिर थर्ड वाला किससे चालू होगा, ठीक है, इसका जो अपर लिमिट था, नेक्स्ट वाला क्या चालू होगा, उसमें प्लस 1 करके लोअर लिमिट चालू होगा, 12 है, तो यहाँ 13 से चालू होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे करके जो है आप निकालते जाओगे. अब क्या है, सब में रैंडम नंबर दिया रहेगा, तो अब ये जो रैंडम नंबर है आपको चेक करना है कहां पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. यू हैव टू चेक वेदर रैंडम नंबर इज कॉरेस्पॉन्डिंग. ये देखो क्या खुल गया, वेट अ मिनट. हाँ, देखो अब यहां पे क्या है ना, रैंडम नंबर सब में दिया रहेगा. अब जैसे 14 है, रिवीजन करवा रही हूं कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं. 14 आपको चेक करना है कि रैंडम इंटरवल में कहां लाई कर रहा है. 14 इसके अंदर लाई कर रहा है ना. फिर 14 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, डिमांड 17, तो आपने उसके बगल में क्या लिख दिया, 17 एक्सपेक्टेड डिमांड. फिर वैसे ही रैंडम नंबर 2 है, तो आप चेक करोगे 2 कहां पे लाई कर रहा है, 2 किसके अंदर लाई कर रहा है, 2 इसमें कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले में. तो इसका आप देखोगे डिमांड कितना है, 15, आंसर आपने लिख दिया 15. ऐसे करके आपका पूरा एक्सपेक्टेड डिमांड निकल जाएगा. ठीक है, फिर अब जो सम्स में ट्विस्ट है वो आप कर लेना. क्लियर है? अब वेटिंग टाइम का जो मैंने बोला था प्रॉब्लम, वो मैं आपको करवाऊंगी. विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर का सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम. ये रहा देखो, दिस सम आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी कंजेशन ऑफ कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पेट्रोल स्टेशन, मिस्टर पेट्रो हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ पेट्रोल पंप फैसिलिटी ऑन हिज ओन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ही हैज कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द पोटेंशियल कस्टमर अराइवल पैटर्न एंड द सर्विस पैटर्न. ये अराइवल टाइम दिया हुआ है, सर्विस पैटर्न, ठीक है, और स्टार्ट कब हुआ, 8 o'clock पे. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ, यहां पे आपको देखो अराइवल टाइम जो है ना, कस्टमर का अराइवल का रैंडम नंबर दिया हुआ है 12, वैसे ही सर्विस पैटर्न का भी रैंडम नंबर दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो आपको ये जो इंटर अराइवल टाइम दिया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी से आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालोगे. फिर क्या निकालोगे, रेंज, रैंडम नंबर इंटरवल निकालोगे. ठीक है, तो वेरी इजी निकल जाएगा. ये देखो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.22 + 0.30 + 0.24, ऐसे करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा. फिर क्या निकालना है हम लोग को, रेंज. 0.22 का रेंज क्या होगा बताओ, 0 से 21. फिर नेक्स्ट क्या होगा, 22 से 51, 52 से 75. ये तो ईजी है, निकल जाएगा. सिमिलरली सर्विस टाइम ऊपर में जो दिया हुआ है ये रहा, उसका प्रोबेबिलिटी, ये सब तो सम्स में ही दिया हुआ है, अभी तो कुछ करना ही नहीं है, खाली आप लोग रेंज निकाल लो. रेंज निकल गया. अब ध्यान से सुनना, इंटर अराइवल टाइम वर्ड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर अराइवल टाइम, द टाइम गैप बिटवीन द टू कस्टमर, विच मीन्स इफ द क्लॉक स्ट्राइक्स एट 8 AM इन द मॉर्निंग. यानी अगर शॉप सुबह 8 बजे खुल रहा है ना, तो पहला कस्टमर आप जानते हो कितने बजे आया. ठीक है, पहला कस्टमर कितने बजे आया वो यहाँ से हम लोग देखेंगे. क्लियर है? जैसे पहला का वैल्यू कितना है, 8. यानी पहला कस्टमर
का इंटर अराइवल टाइम अगर 8 मिनट्स दिया हुआ है और शॉप खुला 8 AM, तो पहला कस्टमर 8 मिनट के बाद आया, ठीक है, ही हैज एंटर्ड इन टू द शॉप आफ्टर 8 मिनट्स, यानी एंट्री टाइम आप क्या लिख दोगे, 8:08। अब पहले कस्टमर को सर्विस देने में आपको कितना टाइम लगा, ये रहा पहला कस्टमर का रैंडम नंबर, ये रहा सर्विस टाइम 6 मिनट्स, यानी जैसे ही वो कस्टमर आया होगा हम लोगों ने उसका सर्विस स्टार्ट कर दिया होगा, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम ऑफ द सर्विस कैसे निकालोगे, एंड टाइम, ये जो स्टार्ट टाइम है प्लस सर्विस टाइम, सर्विस टाइम कितना है, सर्विस टाइम हमने निकाला ना यहाँ पे 6 मिनट्स है, यानी 8:08 + 6 मिनट्स यानी 8:14 है ना, 8:14 उसका क्या हो गया, सर्विस एंड टाइम हो गया, तो सर्विस स्टार्ट टाइम, सर्विस एंड टाइम। अब एक बात बताओ, जो पहला कस्टमर है वो तो जैसे ही आया हमने उसका सर्विस स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसको वेट करना पड़ा, नहीं उसको वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरा शॉप तो 8 o'clock खुल गया था, पेट्रोल पंप 8 o'clock खुल गया था, यानी पेट्रोल पंप का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको 8 मिनट वेट करना पड़ा, यानी उसका आइडल टाइम कितना हो गया, 8 मिनट्स, देख रहे हो, तो आइडल टाइम 8 मिनट्स, वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर नहीं होगा, तो हम लोग को क्या क्या कॉलम बनाना है आप समझो, टोटल 12 रैंडम नंबर का डिटेल है, तो 1 to 12 हम लोगों ने सीरियल नंबर लिख लिया, इसके बाद रैंडम नंबर जो दिया हुआ है इंटर अराइवल का कस्टमर का वो लिख लिया, फिर उसके बाद रैंडम नंबर जो सर्विस टाइम का है वो लिख लिया। अब ये जो इंटरवल का रैंडम नंबर है वहां से हम लोग चेक कर लेंगे, जैसे पहला रैंडम नंबर दे हैव गिवन यू इन द सम इज 78, तो 78 कहां लाइक कर रहा है, आप चेक कर लो 78 का वैल्यू कहां चेक करना है, इसमें चेक करना है ना इंटर अराइवल टाइम में, क्योंकि वो इंटरवल टाइम का ही तो है ना रैंडम नंबर, तो 78 कहां लाइक करेगा इसमें, यानी इसका टाइम कितना है 8 मिनट्स, इसीलिए पहला इंटरवल अराइवल टाइम कितना है 8 मिनट। वैसे नेक्स्ट क्या, 26 कहां लाइक करेगा बताओ, 26 विल लाई हियर बिटवीन 22 to 51, तो इसका आप देख रहे हो कितना मिनट्स है, 4 मिनट्स है, तो यहां हमने कितना लिख दिया 4। फिर 94 है, 94 इसमें लाइक कर रहा है जिसका मिनट्स कितना है बताओ 10, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10। तो ऐसे करके इंटर अराइवल टाइम पूरा आप रैंडम नंबर से निकाल लोगे, एकदम क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अब इसका मतलब क्या है, पहला कस्टमर 8 मिनट्स बाद आया, यानी एंट्री टाइम ऑफ द कस्टमर हम लोग को निकालना है, एंट्री टाइम निकाल लो, ठीक है, ये वाला लिखोगे हेडिंग क्या, एंट्री टाइम ऑफ द कस्टमर, एंट्री टाइम ऑफ द कस्टमर, तो एंट्री टाइम क्या होगा, शॉप 8 o'clock खुल गया बट पहला कस्टमर 8 मिनट्स बाद आया, तो 8:08। अब जो सेकंड कस्टमर है वो कब आया, 4 मिनट्स बाद आया ना, इंटर अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड कस्टमर इज 4 मिनट, यानी पहला कस्टमर अगर 8:08 में आया और दूसरा कस्टमर 4 मिनट बाद आया, तो दूसरा कस्टमर कितने बजे शॉप में घुसा, 8:08 + 4 मिनट्स, दैट इज 8:12। थर्ड कस्टमर कब घुसा, 10 मिनट बाद, इंटर अराइवल टाइम मीन्स व्हाट, टाइम गैप बिटवीन द टू कस्टमर, यानी +10 किया 0.22, फिर 2 + 2 किया, तो ऐसे करके प्लस करते करते पूरा आ जाएगा क्या बताओ, कस्टमर्स का एंट्री टाइम। लास्ट कस्टमर कब एंटर किया, 9:06, तो कस्टमर जब एंटर किया, जरूरी तो नहीं है तभी सर्विस स्टार्ट हो जाए, पहला कस्टमर के लिए एंट्री टाइम विल बी द स्टार्ट टाइम, बट फॉर द सब्सिक्वेंट कस्टमर इट विल डिपेंड कि पहला सर्विस प्रोवाइडर फ्री हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक ही सर्विस प्रोवाइडर है ना यहाँ पे, तो हम लोग को ये देखना है कि सर्विस प्रोवाइडर फ्री हुआ कि नहीं हुआ, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। तो पहला कस्टमर के लिए स्टार्ट टाइम क्या होगा मेरे को बताओ, जब उसने एंट्री मारा 8:08 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग सर्विस टाइम का पूरा रैंडम नंबर लिख लेंगे, देखो 12 रैंडम नंबर दिया ना सर्विस टाइम का, कितना सर्विस टाइम लगा, अलग अलग कस्टमर को बोल रहे अलग अलग सर्विस टाइम लगा, तो यहाँ लिख लिया। अब जैसे 44 किसमें चेक करेंगे, इंटर अराइवल में कि सर्विस में, सर्विस में ऑब्वियसली, तो 44 किसमें लाइक कर रहा है इसमें, तो इसका सर्विस टाइम कितना है 6 मिनट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख लिया 6 मिनट्स। वैसे ही करके हम लोग सबका यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज, रैंडम नंबर टेबल से निकल जाएगा, क्लियर। अब हम लोग का मेन सम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, स्टार्ट टाइम और सर्विस फिनिश टाइम। तो स्टार्ट टाइम निकल गया, उसमें सर्विस टाइम ऐड कर दोगे तो सर्विस एंड टाइम भी आ जाएगा ना कस्टमर का, और उससे हमें पता चल जाएगा कस्टमर को वेट करना पड़ा कि सर्विस प्रोवाइडर को वेट करना पड़ा, किसका आइडल टाइम है। अब जैसे पहला कस्टमर एंटर्ड एट व्हाट टाइम, 8:08, ठीक है, और कितना टाइम लगा उसको 6 मिनट्स, तो सर्विस एंड टाइम कितना हुआ 8:14, आर वी थ्रू विद दिस, 8:14 में खत्म हो गया। अब सेकेंड कस्टमर आया कब, ध्यान से सुना, सेकेंड कस्टमर इज एंटर्ड एट 8:12, 8:12 में आया, लेकिन उसका सर्विस कब चालू होगा, जब तक पहला कस्टमर का सर्विस नहीं खत्म कर दोगे आप दूसरा कस्टमर का सर्विस कैसे चालू करोगे। पहला कस्टमर का सर्विस खत्म हुआ 8:14, तो ऑब्वियसली भले ही कस्टमर 8:12 में आ गया है, लेकिन उसका सर्विस स्टार्ट कब होगा, 8:14 पे होगा, यानी अब की बार कस्टमर को 2 मिनट वेट करना पड़ा, वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर, और इसको सर्विस देने में कितना टाइम लगा 4 मिनट, तो इसका एंड टाइम कितना हो गया 8:18,
थर्ड कस्टमर कब आ गया? 8:22 में आ गया, यानी लेट आया है। हम लोग फ्री कब हो गए सर्विस प्रोवाइडर? 8:18, यानी इसका स्टार्ट टाइम कब होगा? 8:22 से जब आया तभी तो करोगे ना, पहले थोड़ी कर दोगे। यानी अब की बार अगेन सर्विस प्रोवाइडर को 4 मिनट आइडल रहना पड़ा, ठीक है। और इसका सर्विस टाइम कितना लगा? 8 मिनट्स, तो एंड टाइम कितना हो गया? 8:30। ऐसे करके पूरा आप टेबल बना लोगे। और यहाँ पे कुछ कुछ रॉन्ग भी दिया हुआ फिगर, सो बी केयरफुल, फॉलो व्हाट आई हैव डन इन द क्लास, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक से आप पूरा निकाल लोगे, तो अल्टीमेटली आप देखोगे पूरा वेटिंग टाइम आ जाएगा कस्टमर्स का, टोटल आइडल टाइम आ जाएगा सर्विस प्रोवाइडर का। तो एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू पूछ रहा है, तो ये तो कितना है टोटल 12 का है ना, तो एक सिंगल कस्टमर का कितना होगा? 140/12, 11.67। आइडल टाइम का प्रोबेबिलिटी निकालना है, निकाल लेना टोटल आइडल टाइम कितना है, 12 डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेशनल टाइम, यानी कितने बजे तक ये दुकान ऑपरेट किया? 8 बजे खुला, और लास्ट कस्टमर को सर्विस कब तक दिया? 9:26, यानी 8 बजे से लेकर 9:26, 1 घंटा, 1 आवर 26 मिनट्स हुआ। 1 आवर 26 मिनट्स मतलब क्या? 86 मिनट। तो 12/86 करोगे तो आइडल टाइम का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? तो मैनेज कर लोगे सिमुलेशन? कम ऑन, टेल मी गाइस। यस, टेल मी गाइस, विल यू बी एबल टू मैनेज दिस और नॉट? सो दिस कंप्लीट्स योर, क्या दिस कंप्लीट्स योर सिमुलेशन, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज सिमुलेशन, ओके। चलो आ जाओ, चलो अब क्यूइंग का एक सम्स करेंगे। क्यूइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार मैंने देखा है क्यूइंग से एक सम्स आता ही आता है, क्यूइंग से एक सम्स आता ही आता है, ओके। चलो क्विकली 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 टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद द सेशन? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ, क्यूइंग, क्यूइंग का प्रॉब्लम कब आता है? जब नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा है, यानी आप सर्विस लेने गए, बैंक में एक ही सर्विस प्रोवाइडर है तो लाइन लगेगा ना, 10 कस्टमर एक सर्विस प्रोवाइडर, तो लाइन लग जाएगा ना। तो जब सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा कस्टमर है तो क्यूइंग का प्रॉब्लम अराइज होगा। क्या चीज का प्रॉब्लम अराइज होगा बताओ? क्यूइंग का प्रॉब्लम अराइज होगा, ठीक है। अब यहां पे दो चीज देखना है हम लोग को, लैम्डा और म्यू के बारे में। क्या चीज देखना है बताओ? लैम्डा और म्यू के बारे में। लैम्डा का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डज वर्ड लैम्डा मींस? कस्टमर का अराइवल रेट। और म्यू का मतलब क्या होता है? सर्विस टाइम ऑफ द कस्टमर। एक घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं उसको बोलते हैं लैम्डा। एक घंटे में कितने कस्टमर को सर्व कर पा रहे हो उसको बोलते हैं म्यू। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा सम में अगर, तो बहुत अच्छा। नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट है। आपने मेरे से अगर सीखा होगा रेगुलर बैच में, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को वेरी माइन्यूटली डिस्कस किया था। पावर्ती, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। कस्टमर अराइवल रेट लैम्डा, एक घंटे में 1 आवर में कितने कस्टमर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला द कस्टमर आर अराइविंग एट द रेट ऑफ 5 मिनट, हर 5-5 मिनट में एक कस्टमर आ रहे हैं, तो टोटल एक घंटे में 60 मिनट्स में कितने कस्टमर एंटर करेंगे? 60/5, 12 कस्टमर, सो दैट इज लैम्डा, ठीक है। सर्विस रेट का मतलब क्या हुआ? एक घंटे में आपने कितने कस्टमर को सर्व किया है। अब मैंने बोला एक कस्टमर को सर्व करने में ना अप्रोक्सीमेटली लग जा रहा है 6 मिनट, तो टोटल 60 मिनट्स में कितने कस्टमर सर्व होंगे? 10 हो जाएंगे, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, क्यूइंग का प्रॉब्लम तभी अप्लाई होगा जब म्यू का वैल्यू लैम्डा से ज्यादा है, ठीक है। अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड का फॉर्मूला है आर, विच इज वेरी इजी। ये बेसिकली हो गया सिस्टम का यूटिलाइजेशन, कस्टमर अराइव कर रहे हैं जितना डिवाइडेड बाई आप जितना सर्व कर पा रहे हो, तो लैम्डा बाई म्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्डा बाई म्यू। हाँ अश्विनी, आई विल रिवाइज एसएम, डोंट वरी। तो आर का फॉर्मूला क्या बताओ? लैम्डा बाई म्यू, सिस्टम यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर ये हो गया एक सर्वर लैम्डा बाई म्यू, बट अगर एक से ज्यादा सर्वर है ना, वेयर मोर देन वन सर्विस प्रोवाइडर इज देयर, तो जितना सर्विस प्रोवाइडर है नीचे मल्टीप्लाई कर देना। सो लैम्डा डिवाइडेड बाई एम इंटू म्यू, लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ? एम इंटू म्यू, क्लियर है। और आइडल रेशियो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, तो 1 माइनस सिस्टम यूटिलाइजेशन करोगे तो आइडल रेशियो आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू, कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो वो मैनुअल है कि ऑटोमेटिक? अगर मैनुअल है, सब में बोल दिया मैन है मैन, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर ऊपर में लिखा है अगर आपने, तो ऊपर 2 जन आ गया तो नीचे में भी 2 जन को लगा दो। म्यू माइनस लैम्डा तो है ही, म्यू बड़ा होता है तो म्यू माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई म्यू भी है, 2 जन रहेगा ना, ऊपर में 2 है तो ये हो गया फॉर्मूला लेंथ ऑफ द क्यू का मैनुअल सिस्टम में। लेकिन यही अगर
ऑटोमेटिक सिस्टम होगा ना, तो नीचे में टू ऐड कर देना, ट्वाइस इनटू करना है मतलब ट्वाइस, ठीक है। तो अगर मशीन रहेगा तो ये इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। नेवर दे विल गिव यू इन द सम एक्सप्रेसली कि ये ऐसा सिस्टम है, आपको अपने आप निकालना पड़ेगा पढ़कर क्वेश्चन, अपने आप निकालना पड़ेगा पढ़ के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया लेंथ ऑफ द क्यू, क्लियर। अब हम लोग को देखना है वेटिंग टाइम इन द क्यू, यानी कि एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज क्यू में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। सो वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू विल डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द क्यू, है ना। वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द क्यू पे डिपेंड करेगा। जितना लंबा लाइन उतना कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला हो गया एल क्यू बाई कस्टमर का अराइवल रेट, डेट इज लैम्डा। सो एल क्यू बाई लैम्डा, ठीक है, आवर्स में मल्टीप्लाई बाय 60। अब बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिस्टम मतलब हो गया कि कभी भी अगर आप पूरा देख रहे हो वर्क सेंटर को, सिस्टम को, सर्विस कंसर्न को, बैंक को या हॉस्पिटल को, मतलब वहां पे कितने कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमर्स क्या हो रहा है, वेट कर रहे हैं क्यू में, कुछ कस्टमर सर्विस ले रहे हैं। सो दोज कस्टमर हु आर वेटिंग इन द क्यू प्लस दोज हु आर बीइंग सर्व इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जो क्यू में वेट करेंगे वो क्या हो गया एल क्यू, और दोज बीइंग सर्व्ड मतलब क्या हो गया आर ना, दैट इज लैम्डा बाय म्यू। नाउ एवरेज टाइम स्पेंड इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में आप कितना टाइम स्पेंड करोगे बताओ। वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस सर्विस टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस सर्विस टाइम, और वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू क्या है एल क्यू बाई लैमडा प्लस सर्विस टाइम, यानी क्या हो गया बताओ। सर्विस टाइम तो आपने निकाला ही था ना, म्यू को ही तो सर्विस टाइम बोलते हैं, निकल जाएगा। मतलब म्यू को नहीं बोलते, म्यू तो कस्टमर का अराइवल सर्विस टाइम है। मतलब मैंने बोला ना अगर 6 मिनट लगा एक कस्टमर को सर्व करने में तो वही तो सर्विस टाइम हुआ। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम 1 माइनस लैमडा बाई म्यू, देख लो फॉर्मूला। एन कस्टमर इन द सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, P0 into lambda by mu का square। Guys, check out these sums. Clear है? देख लो इसको, वोंडास कार वॉश एंड ड्राई इज ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑपरेशन, ऑटोमेटिक, सर्कल द वर्ड ऑटोमेटिक, यानी मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक है, यानी फॉर्मूला लेंथ ऑफ द क्यू में नीचे में ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 मिनट ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, सर्विस टाइम दिया हुआ है ना, यानी म्यू कितना होगा बताओ, 60 डिवाइडेड बाई 5 विल बी योर वैल्यू ऑफ म्यू, डेट इज योर 12। ऑन अ टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार अराइव्स एट अ मीन रेट ऑफ 8 पर आवर, तो कस्टमर का अराइवल रेट क्या 8, यानी लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा गिवन इज योर 8। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन द लाइन, लाइन में पूछ रहा नहीं क्यू में, यानी लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द क्यू का फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा स्क्वायर, नीचे में मैंने बोला दो जन आएगा, एक तो म्यू माइनस लैम्डा और एक म्यू, और क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 8 स्क्वायर, म्यू कितना है 12 इंटू 12 माइनस 8, इसको सॉल्व करोगे इतना कार्स आ गया, तो ये क्या हो गया बताओ एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग इन द क्यू। नेक्स्ट, एवरेज टाइम कार स्पेंड इन लाइन एंड सर्विस दोनों, यानी ये क्या पूछ रहा है, वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है ना, तो वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू प्लस सर्विस टाइम, सर्विस टाइम तो दिया हुआ है 5 मिनट्स, है ना। डब्ल्यू क्यू कैसे निकलेगा बोलो, इट विल डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द क्यू By customer arrival rate, length of the queue अभी आपने निकाला 0.667 divided by lambda आपका कितना है, lambda is how much tell me 8, है ना, into 60 कर देना इसको, कितना आ रहा है बताओ 0.667 divided by 8 into 60 करोगे ना कितना आ रहा है, फाइव मिनट्स आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। और अब बोल रहा है डब्ल्यू एस सिस्टम का, तो सर्विस टाइम इसमें ऐड कर दोगे ना, सर्विस टाइम में कितना लग रहा है 5 मिनट्स, सो आंसर विल बी हाउ मच 10 मिनट्स, ठीक है, मैनेजेबल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वोंडास कार वॉश याद रखना, ये वाला सम्स इंपॉर्टेंट है, कर लोगे मैनेज। आ जाओ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, बस एक सम करवाऊंगी इसका, प्लीज एक बार देख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये सब सम्स। एयरप्लेन इज प्लानिंग टू ओपन अ सैटेलाइट टिकट डेस्क
into a new shopping plaza staffed by one ticket agent, that means manual hai. Estimated that request for ticket and information will average 15 per hour. Yani ye kya ho gaya 15 per hour? Batao. 15 per hour kya ho gaya? Lambda. Request will have a Poisson distribution. Service time is exponentially distributed. Service time kitna hai? 3 minutes per request. Yani mu kitna aa jayega? 60 by 320. Yani mu kitna ho gaya? 20. System utilization or one hai, one agent hai. To lambda by mu karoge. 15 by 20 karoge nikal jayega. One server hai na. So 15 by 20 kiya. R ka value kitna gaya? P bol lo 0.75. Next kya pooch raha hai? Percentage of time the server will be idle. ठीक है तो बोल रहे कितना टाइम आइडल रहेगा तो ये यूटिलाइजेशन हो गया 1 माइनस 0.75 करोगे आइडल आ जाएगा यानी 25% एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड यानी ये पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द क्यू अब की बार फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ ये लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा यहाँ ट्वाइस नहीं आएगा क्योंकि टिकट एजेंट इज अ मैनुअल पर्सन लैम्डा आपका 15 है 15 का स्क्वायर बाई ठीक है ये कितना है 20 माइनस 15 ये सॉल्व कर लेना आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इतना आ जाएगा फिर बोल रहे एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम अगेन दे आर आस्किंग यू डब्ल्यू एस निकाल लें तो डब्ल्यू एस क्या होगा वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू प्लस सर्विस टाइम ठीक है तो वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू कैसे निकलेगा एल क्यू बाई लैम्डा लेंथ ऑफ द क्यू अभी आपने निकाल लिया 2.25 डिवाइडेड बाई लैमडा लैमडा आपका कितना है 15 प्लस 3 मिनट्स था ना 3 मिनट्स ऐड कर देना और इसको इंटू 60 कर देना निकल जाएगा आपका 12 मिनट्स आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम तो जीरो कस्टमर इन द सिस्टम का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस लैमडा बाई म्यू देख लो 0.25 जीरो कस्टमर मतलब क्या सिस्टम आइडल है ना तो ऊपर आइडल का रेशियो निकाला था ना 25% तो वही तो हो गया 25% क्लियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम फोर कस्टमर का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा जीरो कस्टमर मल्टीप्लाइड बाय दिस आ गया सो दिस कंप्लीट्स योर क्यूइंग का प्रॉब्लम आर वी थ्रू विद दिस मैनेजेबल क्यूइंग मैनेज कर लोगे इजीली वेरी गुड नाउ शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग में आपको याद रखना है स्लैक का फॉर्मूला मीन फ्लो टाइम देख लो कैसे निकलेगा समिशन कंप्लीशन टाइम बाय एन वेटेड मीन फ्लो टाइम कैसे निकलेगा देख लो जॉब सीक्वेंस अच्छा कल के लिए क्रिटिकल रेशियो वाला सम्स इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रेशियो का सम देख लेना दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यू डेट माइनस डेट नाउ डिवाइडेड बाय लीड टाइम रिमेनिंग ठीक है फ्लो टाइम वाला सम्स लास्ट टाइम ही आया था तो इस बार के लिए क्रिटिकल रेशियो वाला इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तो जिसके भी बेसिस में आप अरेंज कर लेना सम में दिया रहेगा और क्रिटिकल रेशियो ठीक है उसके बेसिस में आपको क्या कर लेना है अरेंजमेंट कर लेना है आर वी थ्रू विद दिस गाइस एसपीटी के बेसिस पे आप अरेंज कर लेना शेड्यूलिंग में आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज दिस सम्स देख लेना एक बार शेड्यूलिंग क्रिटिकल रेशियो वाला सम्स देख लेना इंपॉर्टेंट है वेटेड फ्लो टाइम वाला सम लास्ट ही बार आया है तो इस बार के लिए क्रिटिकल रेशियो स्लैक रेशियो दैट इज इंपॉर्टेंट ये देख लो ये रहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोल रहा है तो जो पहले आया उसको पहले सर्व कर दो यानी ए बी सी डी फिर बोल रहा है ईडीडी अर्लीएस्ट ड्यू डेट तो ये रहा नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट सबसे जिसका मिनिमम ड्यू डेट है उस जॉब को पहले करोगे तो ऐसे करके आप इसको अरेंज कर लेना असेंडिंग ऑर्डर में फिर लीस्ट स्लैक बोल रहा है मिनिमम स्लैक रूल तो लीस्ट स्लैक आपको निकालना पड़ेगा लीस्ट स्लैक कैसे निकलेगा देख लो स्लैक का फॉर्मूला जितना ड्यू डेट के लिए डेज बचा है माइनस जितना नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क रिमेनिंग तो इसका ड्यू डेट के लिए डेज 8 दिन और अभी 7 दिन का काम बचा है तो स्लैक कितना आया 1 डेज अभी भी एक दिन आप आराम कर सकते हो वेल्ले रहने के लिए दिन अवेलेबल इसके लिए 3 दिन बचा हुआ है डेडलाइन
और अभी भी आपको 4 दिन का काम करना है, तो इसका स्लैक तो नेगेटिव हो गया। ऐसे करके आप स्लैक निकाल लोगे, जिसका स्लैक सबसे कम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसका सबसे पहले, तो बी पहले करोगे, फिर जीरो वाला ई करोगे, फिर ए सी डी, इस तरह से करके आपका जॉब सीक्वेंस अरेंज हो जाएगा स्लैक रेशियो में, ठीक है। और बस ये वाला देख लेना, क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला भी देख लो। क्रिटिकल रेशियो क्या होता है, जितना टाइम अवेलेबल है, अवेलेबल टाइम टिल द ड्यू डेट डिवाइडेड बाय द लीड टाइम नीडेड, क्लियर है, निकाल लेना। और सब में आपको वही दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज अवेलेबल टिल ड्यू डेट कितना है, पहला का 5, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्क्स रिमेनिंग 2, तो 5/2, 5/4, ऐसे करके आपका क्रिटिकल रेशियो आ जाएगा। जिसका लीस्ट क्रिटिकल रेशियो है उस ऑर्डर में आप अरेंज कर देना। तो स्लैक और क्रिटिकल रेशियो प्लीज कर लेना अच्छे से, ठीक है, मैंने आपको करवा दिया, देख लो। क्रिटिकल रेशियो का क्या फॉर्मूला है, देखो ना, एकदम इजी है। नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट दिया हुआ है ना 5, सो वही तो हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्क्स, डेज ऑफ वर्क रिमेनिंग, मतलब कस्टमर का डेडलाइन है 5 दिन का, 5 दिन में आपको खत्म करना है, और अभी आपको उसमें और कितना प्रोसेसिंग डेज लगेगा, 2 डेज, तो क्रिटिकल रेशियो कितना हो गया 5/2। बी का क्रिटिकल रेशियो क्या हो गया, डेडलाइन कितना बचा है 5 डेज का, और अभी भी आपको कितना काम करना बचा हुआ है 4, तो 5/4, तो ऐसे करके आप डिवाइड करके क्रिटिकल रेशियो निकाल लेना। जिसका सबसे लीस्ट है, विच इज दिस, दैट जॉब हैज टू बी डन फर्स्ट, फिर नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, सॉरी 0.83 है, तो डी पहले करोगे, फिर पॉइंट ई करोगे, फिर ऐसे करके इसको अरेंज कर लेना। स्लैक में माइनस करना है नंबर ऑफ डेज अंटिल द ड्यू डेट माइनस नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क रिमेनिंग, और क्रिटिकल रेशियो में दोनों को डिवाइड कर देना, दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। नहीं, जॉनसन एल्गोरिदम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप, ठीक है, यू कैन स्किप, ओके। तो बताओ यहां तक पूरा क्लियर है क्या गाइस, बट फिर भी मैंने रेगुलर बैच में करवाया है। देखो जनरली स्पीकिंग नहीं आना चाहिए, बट अगेन इंस्टीट्यूट का आप समझ रहे हो ना, कोई भरोसा नहीं रहता है, बट नहीं आएगा, छोड़ सकते हो। नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन गाइस, थैंक यू सो मच शाश्रिक, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, इजी इसलिए लग रहा है ना आप लोगों को, समझो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इजी लग रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों ने रेगुलर बैच में कवर किया है ना, इसलिए आपको इजी लग रहा है। उसके बाद मिशन लिया, मैराथन लिया, सब तो लिया हुआ है, ये चौथी या पांचवी बार हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक सम करवाएंगे, जहाँ पे हम लोग मोदी मेथड भी कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों को मोदी मेथड से दिक्कत आता है, वैम मेथड कर लेंगे, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड कर लेंगे, तो वैम कर लेंगे, मोदी मेथड कर लेंगे, ठीक है, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में कल प्लीज कंफ्यूज मत होना, ट्रांसपोर्टेशन में और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। असाइनमेंट में एन जॉब एन पर्सन, यू हैव टू असाइन द जॉब टू द रिस्पेक्टिव पर्सन, और वहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। बट ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अलग अलग डिमांड डेस्टिनेशन में। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, प्लांट यूनिट से, वी हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द कस्टमर प्लेस, टू द वेयर हाउसेज, टू द कस्टमर डिविजन। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, सो दैट अवर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गेट्स मिनिमाइज। तो इसके लिए हमें इंश्योर करना है डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, देन ऑल्सो इट विल बी गुड। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में। आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट गाइज? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना जरूरी नहीं है, असाइनमेंट में जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज। ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड और सप्लाई इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है चलेगा। तो अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप है आप बैलेंस्ड करोगे। सबसे पहला स्टेप है बैलेंसिंग द मैट्रिक्स। द फर्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग द मैट्रिक्स। आपको डिमांड और सप्लाई को क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वल करना है। फिर उसके बाद अगेन ये भी मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर गलती से भी प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया है या रेवेन्यू का फिगर्स दिया हुआ है, आपको उसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला इज सेम, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो लोगे और फिर सारे वैल्यूज को रिड्यूस करते जाओगे। हमेशा पहले बैलेंसिंग करोगे, फिर हम लोग लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब असाइनमेंट चालू करेंगे, मतलब कि किसको कितना यूनिट्स असाइन करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, लीस्ट कॉस्ट है, और वैम है। एग्जाम में वैम ही आता है, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वेयर वी हैव टू कंप्यूट द पेनल्टी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेनल्टी। तो यहाँ पेनल्टी कैसे निकलता है, अनलाइक रो एंड कॉलम ऑपरेशन, नहीं, रो और कॉलम में हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू डिडक्ट कर देते थे हर एक एलिमेंट से, यहां ऐसा नहीं करना है। यहां पे हम लोग को दो वैल्यूज उठाने हैं, दो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर वो दोनों का डिफरेंस हम लोग को निकालना है,
जिससे हमारा क्या आ जाएगा, पेनल्टी का वैल्यू। फिर पेनल्टी निकालने के बाद जिसका सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है, रो वाइज कॉलम वाइज दोनों पेनल्टी निकाल लेना, रो वाइज या कॉलम वाइज जिसका पेनल्टी हाईएस्ट है, अब उसमें उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। अब उसमें भी इतने सारे सेल्स है, कहाँ करोगे, जिस सेल का कॉस्ट सबसे लोएस्ट है, यानी इसमें कॉस्ट मैट्रिक्स दिया रहेगा, जिसका कॉस्ट सबसे कम है वहां हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। और ये अलॉटमेंट तब तक चलेगा जब तक पूरा डिमांड और सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। एंड वंस इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालकर आप चेक करोगे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी एंड डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी के लिए क्या बोला है हम लोगों को, कि जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है शुड बी इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम माइनस वन। अगर है देन द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेबल एंड द न्यूज इज वेरी गुड न्यूज अगर नॉन डीजेनरेबल है। फिर हम लोग टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी करेंगे मोदी मेथड, यू और वी का वैल्यूज निकालेंगे। फिर वहां पे हम लोग को क्या चेक करना है, अनऑक्यूपाइड सेल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है जो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव है देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। बोल आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है? एक सम्स करेंगे एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। वैम मेथड मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, ठीक है? लीस्ट कॉस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट निकाल के अलॉटमेंट करना है, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल में करना है। पेनल्टी कैसे करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कितनी बार बोलते हो मैम वैल्यू सेम आ गया, जैसे मान लो 2, 2, 4, इसका पेनल्टी कितना निकालोगे, 0 ले लेना इसका पेनल्टी। जो टाई हुआ है ना सेल में, दोनों स्मॉलेस्ट सेल में टाई हो गया ना, उसका वैल्यू क्या ले लेना, 0 ले लेना, ठीक है? टाई ऑकर्स इन द पेनल्टी। अब जब पेनल्टी में भी टाई है तो जहां पे सबसे कम है ना कॉस्ट, वहां पे आप अलॉटमेंट कर देना। उसमें भी टाई हो गया कॉस्ट में, तो चेक करना कहां पे मैक्सिमम असाइनमेंट कर सकते हो, वहां पे फिर असाइनमेंट कर देना। क्लियर है? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी, एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, क्लियर? फिर मोदी मेथड। चलो एक सम्स करेंगे डायरेक्टली जहां से पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। आ जाओ एक सम्स कर लेते हैं, आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन का। Let us solve this sum. ठीक है, चलो yes, let us solve this sum guys. आ जाओ, come on quickly, hit the like button guys and let us solve this sum. हाँ अभी ये sums में पूरा explanation कर दूंगी, clear हो जाएगा, okay? Don't worry. आ जाओ, लेडीज फैशन शॉप विशेस टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द समर ड्रेसेस, 1, 2, 3, 4 क्वांटिटीज गिवेन। ये क्या हो गया, डिमांड दे दिया, टोटल डिमांड निकालो कितना आ रहा है, टोटल डिमांड कितना है चेक कर लो, 900 है। वैसे यहां पे सप्लाई दिया हुआ है, टोटल सप्लाई एग्रीगेट करोगे 850, ठीक है? तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डमी मैन्युफैक्चरर डी बोल के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका हम लोग क्या दे देंगे, 50 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और उसका कॉस्ट क्या लोगे, 0 लोगे। कॉस्ट कितना ले लोगे, 0, ओके? सो इन दिस मैनर यू हैव टू प्रिपेयर। अब देखो यहाँ पे दे दिया है, व्हाट दे हैव गिवन यू, प्रॉफिट इज गिवन, ओ माय गॉड, बैलेंसिंग तो कर लिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए आपको एक चीज और करना होगा ना, यहाँ पे आप जो डमी डी सप्लाई इंट्रोड्यूस करोगे उसका वैल्यूज क्या लोगे, 0, 0, 0, है ना? अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है विच इज योर 5.5, तो आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, 5.5 माइनस 2.5, 5.5 माइनस 4, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 2, 5.5 माइनस 3, 5.5 माइनस 3.5, ऐसे करके आप पूरा मैट्रिक्स बना लो, ये देखो। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। देखो यहां पे डी भी लिख लो, डमी है ना, तो 5.5 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, है ना, माइनस करने के बाद। ये तो ओरिजिनल है, प्रॉफिट मैट्रिक्स ये है, लॉस मैट्रिक्स निकालना है। देखो ये रहा, ये रहा आ गया, फोकस हियर। अभी अलॉटमेंट में मत कॉन्सेंट्रेट करो, इसमें देखो माइनस करके यहाँ कितना है, 3, 1.5, 0.5, 3.5,
और देखो यहाँ डमी में क्या लिखा है, 5.5 5.5 5.5, और 900 डिमांड और सप्लाई क्या किया, मैच कर गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, पेनल्टी, रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। तो पेनल्टी कैसे निकलता है बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में आप देख रहे हो 0.5 सबसे स्मॉलेस्ट है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है 1.5 माइनस 0.5 करोगे कितना आया, 1 आया है ना। फिर वैसे ही आप सेकेंड वाले का निकालो, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 2 है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कितना है 2, 0 और 2 है, सॉरी स्मॉलेस्ट 0 है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2 है। फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 2 माइनस 0 किया 2 आया। फिर नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ टाई हो गया, तो मैंने बोला ना अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट दो एलिमेंट में टाई हो जा रहा है तो आप पेनल्टी 0 ले लेना, टेक द पेनल्टी एज 0। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0। फिर वैसे यहाँ पे सेम ही है 5.5 5.5, तो पेनल्टी कितना आ गया 0। तो पहला रो वाइज हमने पेनल्टी निकाली, अब कॉलम वाइज निकालो। कॉलम वाइज कैसे निकालोगे बताओ, 3 है और ये 2.5 है, माइनस किया कितना है 0.5। वैसे यहाँ पे क्या किया 1.5 और 1, 0.5 0.5 और 0, 0.5 यहाँ पे करोगे माइनस, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 3.5 0.5। तो ऐसे करके आपको क्या करना है बताओ, पेनल्टी निकाल लेना है रो वाइज और कॉलम वाइज। निकल गया तो अब देखोगे सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ आ रहा है, कॉलम वाइज तो 0.5 आ रहा है और रो वाइज मेरा 2। तो हम लोग अलॉटमेंट कहाँ करेंगे, 2 वाले में। अब 2 वाले में देखो इतना सारा सेल है, यहाँ पे कहाँ अलॉटमेंट करोगे, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट आ रहा है, यानी इसका कॉस्ट सबसे कम है, ये वाले सेल का 0 है ना, तो यहाँ अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट कितना करोगे, मिनिमम ऑफ डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे देखो डिमांड है 450, सप्लाई है 450, दोनों ही इक्वल है, तो मिनिमम को क्या, दोनों ही बराबर हो गया, इसको काटा 0 हो गया, इसको काटा 0 हो गया, और यहाँ अलॉटमेंट कितना कर दिया 450। अब जैसे ही उसमें 0 हो गया उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, उस रो और कॉलम को, वी कैंसिल आउट दैट रो एंड कॉलम, ठीक है। फिर हम लोग वापस से रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे, राइट। चलो अब रो वाइज निकालेंगे, पहले वाले का तो क्या होगा बताओ, अब ये वाले फिगर को आपको नहीं देखना, ये कैंसिल हो गया ना, यानी अब स्मॉलेस्ट कितना है 1.5 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कितना है 3, क्योंकि तो 3.5 है, सो 3 माइनस 1.5 1.5, ये तो कैंसिल हो गया, इसका आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वाला ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 3 बचा और 1 बचा, सो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, अब यहाँ पे 0। ऐसे करके आप वापस से यहाँ पे भी पेनल्टी निकाल लोगे, अगेन हाईएस्ट पेनल्टी 2 है, 2 को स्टार किया, तो अब यहाँ पे अलॉटमेंट करोगे ये वाले रो में जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पे, ये रहा स्मॉलेस्ट कॉस्ट है ना, दिस इज योर स्मॉलेस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे आप कर दोगे, कितना करोगे मिनिमम ऑफ डिमांड और सप्लाई, कितना करोगे बताओ सब, अच्छा ये तो सॉरी कैंसिल हो गया, 2 में ये वाला तो कैंसिल है ना, इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पे है, ये 3.5 है, ये 1 है 3, इसमें करोगे 1 वाले में मिनिमम ऑफ डिमांड और सप्लाई, तो ये 200 डिमांड है, सप्लाई 250 है, तो मिनिमम क्या हुआ 200 हमने अलॉटमेंट कर दिया, तो ये कट के 0 हो गया, ये 250 कट के कितना हो गया 50, ठीक है। तो इन दैट केस जहाँ पे 0 हुआ उसको अगेन आप कैंसिल आउट कर दोगे, फिर वापस से आप रिवाइज पेनल्टी निकालोगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो अब देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी में टाई हो गया, यहाँ पे भी 0.5 0.5, तो मैंने आपको रूल बताया था जब भी पेनल्टी में टाई हो जाता है ना, वेन एवर देर इज अ टाई इन द पेनल्टी, तब आपको क्या करना पड़ता है बताओ, सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल लेना होता है। तो आप चेक करो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 0.5 है, इसमें आपका कॉस्ट 3.5 और 3 है, इसमें आपका कॉस्ट कितना है बताओ 3 और 3.5, ये वाले में देखो 0.5 में 3 और 3.5 3, तो आपको चेक करना है कहाँ पे आप ज्यादा अमाउंट एलोकेट कर सकते हो, वेर यू कैन एलोकेट द मैक्सिमम अमाउंट। तो जहां पे आप मैक्सिमम अमाउंट एलोकेट कर लोगे वहां पे आपको क्या करना होगा बताओ, अलॉटमेंट करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ अलॉटमेंट कर दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स अलॉट किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर 50 हो गया, तो यानी अब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे आपका बचा ही नहीं है, अब आपका ये 3 बचा और ये तीनों में 50 50 50 बचा है, टोटल 150 है और 50 50 50 है, तो 50 50 50 आपने अलॉट कर दिया, तो इस तरह से ये हमारा अलॉटमेंट डन। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितना आपने यूनिट्स अलॉट किया है ना उससे आप रिस्पेक्टिव कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कॉस्ट सेल दिया हुआ है। जैसे अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या होगा, 100 इंटू 3
प्लस यहाँ तो है नहीं अनऑक्यूपाइड सेल है, इसको ऑक्यूपाइड बोलते हैं, ये अनऑक्यूपाइड है, फिर ये क्या हो गया प्लस 50 × 3.5, यहाँ पे तो है नहीं, ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे 450 × 0, ये तो है नहीं, 200 × 1 प्लस 50 × 3 प्लस 50 × 5.5, ऐसे करके सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। तो ऐसे टोटल कॉस्ट निकाल लेना। नाउ टाइम टू चेक फॉर टेस्ट फॉर डीजेनरेसी। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, डीजेनरेसी का टेस्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ा धीरे जा रहे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है। अब डीजेनरेसी में क्या बोला था, काउंट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। चलो निकालो कितने सेल्स ऑक्यूपाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सेल्स आर ऑक्यूपाइड, है ना। हम लोग को अब चेक करना है क्या नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, रो प्लस कॉलम माइनस वन। रोज और कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 8 − 1 = 7। ओ माई गॉड, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 6 है, विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम माइनस वन, इक्वल नहीं है। यानी द सोल्यूशन इज डीजेनरेबल, सोल्यूशन नॉन डीजेनरेबल आना चाहिए, बट सोल्यूशन क्या हो गया बताओ, सोल्यूशन क्या हो गया मेरा, सोल्यूशन डीजेनरेबल हो गया। सोल्यूशन शुड कम नॉन डीजेनरेबल। अगर डीजेनरेबल है सो इन दैट केस आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेल को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन आ जाए। तो हम लोग किस सेल को ऑक्यूपाई करेंगे और कितना से, कोई भी अनऑक्यूपाइड सेल का स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट चेक करो कहाँ है। यहाँ पे इतने सारे अनऑक्यूपाइड सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट में हम लोग एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट को अलॉट करेंगे, जिसको हम लोग प्यार से एप्सिलन बोलते हैं, जिसका वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो। ये यूनिट्स का वैल्यू कितना है, जीरो। तो अब एप्सिलन को हम लोग को क्या करना है, अलॉट करना है। तो बताओ मुझे सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है अनऑक्यूपाइड सेल का, मुझे तो ये 0.5 में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप एप्सिलन क्या कर दोगे, अलॉट, 0.5 में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ आप क्या करोगे बताओ, एप्सिलम वैल्यू को अलॉट कर दोगे, यू गोइंग टू अलॉट अ वैल्यू ऑफ एप्सिलम। यानी अब ये सेल क्या बन गया, ऑक्यूपाइड, द सेल हैज बिकम ऑक्यूपाइड, बट वॉट एवर इट इज द सोल्यूशन, अब इस क्या बताओ, सोल्यूशन मेरा क्या हो गया, नॉन डीजेनरेबल, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे बताओ, पहला सोल्यूशन हो गया, अब ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट करेंगे। अब ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट में सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, यू और वी निकालना पड़ता है। वॉट वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड क्या, यू एंड वी, क्या निकालना होगा बताओ, U और V। तो U और V निकालने के लिए ये वाला मैट्रिक्स मैं आपको ले ले रही हूँ, अब क्लियरली यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है ना, रो, वहाँ पे हम लोग U1, U2, U3 और U4 लिखेंगे, डमी को भी देंगे, और कॉलम के ऊपर V1, V2, V3 और V4, इसको मोदी मेथड भी बोलते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। U1 का वैल्यू आर्बिट्रली हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू U प्लस V। व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल किसके बराबर है बताओ, U प्लस V के बराबर है। कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल किसके बराबर है, U प्लस V। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहला सेल तो ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब जहाँ आपने अलॉटमेंट किया है, तो यही दिखाई दे दे रहा है, ये ऑक्यूपाइड है ना। इसका कॉस्ट कितना है, 3, यानी 3 इज इक्वल टू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यू कितना है, 0, यू वन इज 0 प्लस इसका वी वन, तो वी वन आ जाएगा ना 3, यहाँ पे हमने वी वन को क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट और कौन सा ऑक्यूपाइड सेल है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो अब दोनों का हम लोग का V3 और V4 का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो 50 ऑक्यूपाइड, इसका कॉस्ट कितना है, 3.5, तो यानी V4 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 3.5, क्लियर है, देख लो 3.5 आया। वैसे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हम लोग अज्यूम करें ना ऑक्यूपाइड है, यानी इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 0.5, क्योंकि U1 तो 0 है तो V3 यही होगा ना कॉस्ट के बराबर। तो ऐसे करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब वैसे आप देखो, इसका वैल्यू अगर 0.5 निकल गया V3 का, तो ये भी ऑक्यूपाइड है, कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू क्या, वी थ्री प्लस यू टू, तो यू टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 0.5, ठीक है। तो ऐसे पुट करके हम लोग सबका वैल्यूज निकाल लेंगे, यू वन, यू टू, यू थ्री, वी वन, वी टू, वी थ्री, देख रहे हो सबका वैल्यूज हमने निकाल लिया ऐसे आर्बिट्रली पुट कर करके।
एक वैल्यू आर्बिट्रली लेना पड़ेगा यू वन का जीरो, नहीं तो वैल्यूज नहीं निकलेगा। यू वन जीरो ले लोगे ना, बाकी फिर सारे वैल्यूज अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला खाली किसके लिए लगाओगे? ऑक्यूपाइड सेल के लिए। कॉस्ट जो है ना ऑक्यूपाइड सेल का, दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी। ऐसे करके आप सब यू वी का वैल्यूज निकाल लेना। हो गया, अभी यहाँ सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। अब आपको निकालना है क्या, जो आपका अनऑक्यूपाइड सेल है ना उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल माइनस उसका यू और वी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर इन दैट केस जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, तो फिर आपको लूप वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो जनरली नहीं आएगा सम में, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आ गया दैट मींस आपका सोल्यूशन क्या ऑप्टिमल। तो चलो एक ठो हम लोग निकाल लेते हैं। अब बताओ अनऑक्यूपाइड सेल आपका कौन कौन सा है, विच वन इज द अनऑक्यूपाइड सेल? ये आपका अनऑक्यूपाइड सेल है ए टू, ये आपका अनऑक्यूपाइड है, ये 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 अनऑक्यूपाइड है। तो ये सारे सेल्स को आपको लिख लेना है यहाँ पे, जो जो आपके अनऑक्यूपाइड सेल्स है। ये देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने अनऑक्यूपाइड या अनअलॉटेड, एलोकेटेड बोलो, बात एक ही है। देखो पहला कौन सा था, ए टू, ये रहा ए, ये रहा टू, ए टू है ना। फिर क्या है, ये वाला है बी टू, तो देख लो ए टू बी वन बी टू, अच्छा बी वन भी अनऑक्यूपाइड है, ये रहा देखो, तो बी वन। ऐसे करके सारे अनऑक्यूपाइड सेल आपने लिख लिए। अब एक एक करके सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए टू का निकालते हैं। ए टू तो देखो इसका कॉस्ट कितना है, 1.5 माइनस इसका यू प्लस वी, माइनस इसका यू प्लस वी, इसका वी 1.5 आया था, ठीक है, तो इसका यू कितना है, जीरो, तो माइनस जीरो प्लस 1.5, क्लियर। तो यानी 1.5 माइनस 1 जीरो आ गया, यानी पॉजिटिव है, देख लो जीरो आया पॉजिटिव, क्लियर। ऐसे करके सारे अनऑक्यूपाइड सेल का हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। सबका वैल्यूज पॉजिटिव आना चाहिए, अगर पॉजिटिव है देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब इससे डिफिकल्ट सम आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, मैंने आपको सारा टाइप का फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स बता दिया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो बहुत इजी है कि नॉर्थ वेस्ट साइड जो आपको अलॉट कर देना है, जैसे ये सेल है तो हमेशा आपको यहाँ अलॉटमेंट करते जाना है, और एग्जॉस्ट हो जाएगा तब तक अलॉटमेंट करना है ना। और लीस्ट कॉस्ट में जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल है वहाँ पर अलॉटमेंट कर देना। अभी मेरे को छोड़कर नहीं जाओगे आप सेशन, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट सम करवाना बाकी है मेरा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सम करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का एक सम कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर लोगे। वैसे बी वन का निकालना है, बी वन का निकाल लो। देखो इसका ऑक्यूपाइड सेल का कॉस्ट कितना है, 2.5 माइनस इसका यू प्लस वी, तो इसका यू ये रहा माइनस 0.5 प्लस इसका वी कितना है 3, तो अगेन जीरो आ गया वैल्यू पॉजिटिव। तो ऐसे करके सबका निकाल लेना, सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन नेगेटिव देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। अब आप अलॉटमेंट कर दो, क्लियर है, नाउ यू आर सपोज टू डू द अलॉटमेंट। जिसको जहाँ ऑक्यूपाई किया था वो लिख दो। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो आप वो लॉस मैट्रिक्स मत लिखना, प्रॉफिट का फिगर्स लिख देना, टोटल आ जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, क्लियर है। खाली पास नहीं होना है सीएमए वर्ल्ड, आपको पास करवाने के लिए थोड़ी पढ़ा रही हूँ। अगर आप 80 प्लस नहीं लेकर आए तो क्या फायदा भाई, एग्जेम्पशन तो आपका रिवीजन देखकर ऐसे ही आ जाएगा। और अगर आपने रेगुलर बैच में मेरे से पढ़ाई की है तो मिनिमम टारगेट 80 प्लस, लास्ट बार हाईएस्ट आया था 96, याद है आपको, उसका इंटरव्यू भी मैंने डाला था। सो यू गाइज हैव टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड, ठीक है, इन ओएम। चलो सो दिस कंप्लीट्स योर ट्रांसपोर्टेशन। चलो अब लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सम्स करवाएंगे, फिर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का। आ जाओ, कम ऑन गाइस, बग अप योरसेल्फ, वेयर इज योर एनर्जी? चलो ये वाला सम करो, हमेशा याद रखना यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। लीनियर प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है, जहाँ पे हम लोग जेड लेते हैं हमेशा, जेड को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। और सेकंड हो गया, एक हो गया मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन फंक्शन, और दूसरा क्या हो गया, सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट, क्लियर है।
रोहित ट्रांसपोर्टेशन में रो और कॉलम मैटर नहीं करता, वहां नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नहीं देखना है, वहां डिमांड और सप्लाई इक्वल देखना है, असाइनमेंट में नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल चेक करना है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू टाइप्स, ठीक है, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ओके हाँ काजल मैं छोड़ दूंगी एक घंटे में, टेंशन मत लो, मुझे भी पता है सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपका एक घंटा और लूंगी बट ये एक घंटा बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, एक घंटा से ज्यादा एक समय नहीं लूंगी, आप जल्दी से आ जाओ कर लो मेरे संग सेशन, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन टू शेयर ए एंड बी, शेयर ए विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम, शेयर बी 4% पर एनम, ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 10 पैसे पर रुपी वन, 10 पैसे पर रुपी वन कितना हुआ, 10 पैसे बाई 100 पैसे इंटू 100 कितना परसेंट हुआ, 10%, और 40 पैसे पर रुपी मतलब क्या हुआ, 40%, ठीक है, तो ग्रोथ दिया हुआ है 10% और 40% रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्ट ही रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम विच विल गिव डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 रुपीज पर एनम एंड ग्रोथ इन वन ईयर ऑफ एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, मिनिमाइज, सम टोटल ऑफ द इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, मिनिमाइज, तो हम लोग को यहाँ मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे दो ठो शेयर है ना, शेयर ए और शेयर बी, तो लेट अस अज्यूम कि आप एक्स और वाई रुपीज इन्वेस्ट करो शेयर ए और बी में, तो जेड को क्या करना है, मिनिमाइज जेड मेरा क्या टोटल सम, ये एक्स वन और एक्स टू ले लो, तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, मिनिमाइज जेड, और एक्स वन और एक्स टू क्या है, एक्स वन इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन शेयर ए, एक्स टू इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन शेयर बी, है ना, विथ फुल स्माइल गाइज डू द सम्स, हाँ फैजान एस एम भी करवाएंगे, ओ एम तो खत्म होने दो, सब करवाएंगे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ओएम का मैंने आपके लिए ना एमसीक्यू भी प्रिपेयर कर लिया, आप खाली वो करके चल जाना कल एग्जाम के लिए, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी और टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो मिनिमाइज करना है जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टेंट क्या बोल रहा है, डिविडेंड इनकम, और याद है एक ट्रिक याद रखना, जब भी मिनिमाइजेशन का सवाल आता है ना तो आप देखना कि नीचे कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन का साइन होता है, और जब भी मैक्सिमाइजेशन का सवाल होता है ना तो नीचे कॉन्स्टेंट में लेस देन का साइन होता है, मिनिमाइजेशन है तो यहाँ कॉन्स्टेंट में मैक्सिमाइज ग्रेटर देन का साइन आएगा, और हमेशा कुछ नहीं भी याद रहे ना लीनियर प्रोग्रामिंग में एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बनाकर आ जाना, एक्स वन एक्स टू जो भी आपने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका वन मार्क्स आपको फ्री में मिलेगा, कुछ नहीं भी समझ में आए इक्वेशन कैसे बनाना है, एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखकर आ जाना, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, नहीं बिल्कुल टायर्ड नहीं, कौन टायर्ड हो गया, आप टायर्ड हो गए हो क्या, टायर्ड होने का यार स्कोप ही नहीं है, कल एग्जाम है, टायर्ड होने से कैसे चलेगा बताओ, ठीक है टायर्ड नहीं होने, और कल लॉ का मैराथन भी करवाएंगे आपका, आ जाना कल जबरदस्त तरीके से लॉ का मैराथन भी कराएंगे, ऑलरेडी मैंने न्यू सिलेबस के लिए लॉ का मैराथन कराया है, तो वो तो देख ही लेना घर आने के बाद, और कुछ पोर्शन कल और करवा देंगे, आ जाओ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिविडेंड 12%, मिनिमम इनकम 600 होना चाहिए, तो डिविडेंड किस में मिलेगा, एज अ परसेंटेज ऑफ द शेयर का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट एक्स वन और एक्स टू है, तो जो शेयर ए है उससे रिटर्न कितना आएगा डिविडेंड का, 0.12x1, शेयर बी का कितना है 4%, 0.04x2, और कम से कम डिविडेंड कितना होना चाहिए 600, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 600, और मैंने बोला ना जब भी मिनिमाइजेशन है नीचे में ग्रेटर देन का साइन दे देना, वैसे कैपिटल ग्रोथ भी किस पे निकालोगे उस पे, सो 0.1x1 प्लस 40% था ना, तो 0.4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1000 होना चाहिए, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, डन 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 वाले बच्चे बोलेंगे डन, डन वाले बच्चे बोलेंगे डन, हाँ सिंप्लेक्स मेथड उमंग मैंने आपको रेगुलर बैच में कराया है, न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल एक बार देख लेना, न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल सिंप्लेक्स मेथड एक बार देख लेना, हाँ जी देख लेना एक बार, ठीक है ना, आ जाओ, चलो एक सम बच्चे और करेंगे, हाँ जी ये वाला सम कर लीजिए, आ जाइए जल्दी करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ गाइस, कम ऑन, पर्ट और सीपीएम करेंगे भाई, ब्रेकडाउन भी करेंगे, तुम टेंशन मत लो, प्रेरणा जब समझ में आ रहा है, आई एम लाइक योर एल्डर सिस्टर, जब तुम्हारी सिस्टर या बहन बैठी हुई है ना सब कुछ करवा के जाएगी तुमको, समझ में आ रहा है,
और एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वैम मेथड यूज करके आना, स्टडी अड्डा एब्सोल्युटली वैम करके आना, कुछ भी नहीं बोला वैम करना, क्योंकि आपके बुक में वैम मेथड से ही सम्स किए गए हैं, वैम मेथड ही करके आना, पेनल्टी निकाल के आना, स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस। लास्ट चैप्टर ही तो स्टडी अड्डा, उसमें बीपीआर वगैरह है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बहुत ईजी है, मैं करवा दूंगी, आ जाओ। चलो ये वाला सवाल करो, लास्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। आ जाओ। हाँ रिविजन सेशन भी मेरे बहुत एग्जॉस्टिव रहते हैं, जो बच्चा रेगुलर बैच किया होगा उसको तो मतलब कोई तरह का डर भी नहीं होगा, वो आराम से अपना जो है ना सो रहा होगा घर में, क्लियर। ओएम तो मेरे लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है। आ जाओ चलो। केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूसेस टू कंपाउंड ए एंड बी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट सी एंड डी पर केजी ऑफ कंपाउंड ए एंड बी एज वेल एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी। क्या बोल रहा है? दो कंपाउंड, दो मेडिसिन वगैरह बना रहे हो ए और बी, जिसमें इंग्रेडिएंट सी और डी यूज हो रहा है, ए और बी बना रहे हो जिसमें सी और डी लग रहा है। ए का एक यूनिट बनाने में सी का कितना इंग्रेडिएंट लग रहा है? वन। और डी कितना लग रहा है? थ्री। बी का एक यूनिट बनाने में सी कितना लग रहा है? टू। डी कितना लग रहा है? वन। कॉस्ट दिया हुआ है ₹4, ₹6 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करना है, ठीक है, स्टेटमेंट बनाना है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो अज्यूम कर लो कि आप ए कंपाउंड का X1 यूनिट बना रहे हो, बी कंपाउंड का X2। हमेशा अजम्पशन लिख कर आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लेट अस अज्यूम दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग X1 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड ए एंड X2 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड बी, है ना, X1 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड ए एंड X2 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड बी। तो अब दोनों का कॉस्ट निकाल लो, तो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 4X1 प्लस 6X2, क्योंकि कॉस्ट पर केजी कितना है? 4 फॉर ए एंड ₹6 फॉर दिस। तो जेड इज इक्वल टू क्या? 4X1 प्लस 6X2, इसको क्या करना है? मिनिमाइज, ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। जब भी मैंने बोला मिनिमाइजेशन, नीचे में कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपाउंड ए का सी के लिए कितना है? 1। डी के लिए कितना है? 3। ओके और वैसे ही सॉरी सी और डी के लिए, हाँ सी का टोटल कितना है बोल रहे हैं? 80 यूनिट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सी का कितना बना रहे हो? सी का जो यूजेज है वो ए को बनाने में कितना? 1 हो रहा है, तो X1 के लिए X1। वैसे ही बी में कितना यूनिट्स बना रहे हो? X2। एक यूनिट के लिए 2, तो X2 यूनिट्स के लिए 2X2। सो दिस शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 80। सिमिलरली 3X1 प्लस 1X2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 75। और कभी भी भूलना मत X1 X2 कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है, देख लो, डन, ऑल राइट। अच्छा इसमें एक सम है पेंशन फंड वाला, वो भी सम्स प्लीज कर लेना अपने आप। एक पेंशन फंड का सम है और एक ये वाला सम लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये कार हाउसिंग वाला, ये वाला सम प्लीज अच्छे से देख लेना, ओके। चलो दिस कंप्लीट्स योर लीनियर प्रोग्रामिंग एज वेल गाइस। नाउ 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 प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में आ जाओ। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली मैं सम्स करवा रही हूँ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का, ठीक है, थ्योरी टुवर्ड्स एंड करवा देंगे। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, या एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना। एफिशिएंसी क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, है ना, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100 एफिशिएंसी। नाउ द काइंड ऑफ सम्स विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू और ओल्ड सिलेबस दोनों के एमटीपी में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड चांसेस आर वेरी हाई कि कल के पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल सकता है कल के पेपर में। लेट अस डिस्कस दिस इलस्ट्रेशन। हाँ एक्स और वाई भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर गाइज, डज नॉट मैटर। चलो आ जाओ, लाइक बटन हिट करेंगे बच्चे, लाइक बटन हिट करेंगे, लाइक बटन हिट कर देंगे, फटाफट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ पेंशन वाला सम सिमिलर कॉन्सेप्ट में है, लास्ट में एक बार आप बोलोगे तो करवा देंगे, बट बहुत इजी है, मैंने करवा दिया दो टाइप का सम। हाँ आउटपुट में उल्टा हो जाएगा।
हम लोग ये वाला सम्स करेंगे दोस्तों, मेहरबान कदरदान आ जाइए। आपको पता चला दो घंटा हुआ है अभी तक मैंने कितना माइन्यूटली आपको इतना सारा चैप्टर्स का रिवीजन करवा दिया, क्या इतना कम समय में खुद से रिवीजन कर पाते? नहीं कर पाते। और सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करवा दिया, सारा फॉर्मूलाज डिस्कस करवा दिया, मास्टर सम डिस्कस करवा दिया, तो मतलब इतना कम समय में इतना सारा टॉपिक्स आपने मेरे संग रिवाइज कर लिया, और वो भी अच्छे से किया, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से किया है, पूरा डिटेल में मैंने करवाया रिवीजन। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? डन वाले बच्चे बोलेंगे डन, यस। थैंक यू सो मच रोहित, आ जाओ। आपको पता है ये ग्लूकोन डी है मेरा एनर्जी का सीक्रेट, आप भी पीते रहा करो ग्लूकोन डी, एनर्जी लेवल एकदम हाई रहेगा। ऐसा होगा एग्जाम्स में नींद वगैरह आएगा, थोड़ा उठ जाना, थोड़ा टहल लेना, एक ही जगह बैठे रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगा, उठकर थोड़ा वॉक करना, थोड़ा टहलना, थोड़ा ऐसे हैंड वगैरह स्ट्रेच कर लेना, थोड़ा आंख में पानी डाल लेना, थोड़ा ग्लूकोन डी हॉर्लिक्स वगैरह पी लेना, एनर्जी लेवल विल बी वेरी वेरी हाई, आप एकदम पंप अप हो जाओगे, चार्ज अप हो जाओगे, ठीक है। और कोई भी हालत में पेपर, हर एक एग्जाम में 100 मार्क्स कंपल्सरली आपको अटेम्प्ट करके आना है, यस। अरे नहीं स्टडी अड्डा, सोना नहीं है, अभी रात भर पढ़ना है, बट हाँ कम से कम 5 to 6 hours का स्लीप इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, 5 to 6 hours का स्लीप भी बहुत एसेंशियल है, ओके। धीरज बोल रहे मैम फाइनल वालों के लिए भी बूस्टर करवा देते हैं, एसपीएम बीवीएम के एक दिन पहले लेकर आएंगे आपके लिए बूस्टर, चिंता मत करो। और ऑलरेडी यार बेशर्मो 12-12 घंटा का डिटेल्ड मैराथन लिया है, एक दिन देखो उस मैराथन को जाकर। हाँ जल्दी जल्दी इंटर क्लियर क्लियर करो और फाइनल में मेरे संग मिलो, फाइनल में दो पेपर पढ़ाएंगे आपको, लॉ पढ़ाएंगे और एसपीएम बीवी पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल। थैंक यू सो मच त्रुषा, इट मीन्स अ लॉट। आप लोग का एग्जाम्स मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई मेरा ही एग्जाम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना दिल्ली में भी इतना पैनिक हो रहा था, नॉर्थ सीट साइड में पैनिक हो रहा था, मुझे इतना टेंशन हो रहा था, मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आया। जब नोटिफिकेशन आया तब फाइनली मैंने आपको बताया एग्जाम्स ऑन है, आप पढ़ाई करो, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाता ना, हम आपके संग लगे रहेंगे ताकि आपका एकदम बेस्ट शॉट जाए एग्जाम्स में और आप एकदम अच्छे नंबरों से पास हो और रैंक लेकर और एमईपीएल को प्राउड फील करवाओ। यस एब्सोल्युटली शिवम, करना ही है, सर का ब्लेसिंग्स तो है ही हमारे संग, है ना। तो बस यही फील करो कि सर हमारे संग है, सर का ब्लेसिंग्स, और बहुत जबरदस्त जाने वाला है हमारे एग्जाम्स। यस बस एक चीज पता है मुझे खराब लगता है, मुझे तब खराब लगता है, अभी एक टेलीग्राम में ना बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मतलब मैंने देखा है, मतलब मैंने देखा नहीं, मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि मैम कुछ भी लोग एमईपीएल के बारे में लिख रहे हैं, मतलब भाई ऐसे लोगों का क्या किया जाए, एक तो आप खुद कुछ करते नहीं हो, जो दूसरे कुछ कर रहे हैं आप उन्हें डिमोटिवेट करते हो, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने आप उन्हें जो है ना एमईपीएल के बारे में बता दोगे, हमें बोलने का दरकार नहीं है। एमईपीएल क्या करता है बच्चों के लिए और एमईपीएल इक्वल टू सीएमए, ये मुझे बार बार बोलने का दरकार नहीं है, ठीक है। और अब भी से हम लोग नहीं पढ़ा रहे सीएमए, हम लोग तब से पढ़ा रहे जब तक सीएमए का वैल्यू लोगों को पता भी नहीं था। ये एमईपीएल इंस्टीट्यूट ने सीएमए का जो हिडन वैल्यूज है ना, मोहित सर ने सबके सामने उभार कर लाया था, इट्स अ हिडन गोल्ड माइन। और मैं बता रही हूँ आपको, जब जॉब मिलेगा ना आपको जो प्राउड फील होगा, इट इज टोटली अनपैरेलल्ड। सो प्लीज आप उन लोगों को करारा जवाब दिया करिए जो कुछ भी आकर बोलकर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब एकदम स्कैम चल रहे, स्कैम कुछ भी बोलते हैं लोग। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मतलब हमने बूस्टर लिया, हमने रिवीजन लिया, हमने मिशन किया, हमने मैराथन किया, रेगुलर बैच अलग, टेस्ट सीरीज अलग, तो आप कैसे कुछ बोल सकते हो भाई। चलो हाँ जस्ट चिल। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, अब हम ये सब चीज से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, समझ में। अब मेरे को खाली अपने कर्म पे फोकस करना, और मेरा कर्म मेरे बच्चों के प्रति है, दैट इज टुवर्ड माय स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी, एंड आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। मुझे बस आपका बेनिफिट चाहिए और कुछ नहीं। माय एंटायर लाइफ इज डेडिकेटेड टू माय एंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, ओके। एंड नो मैटर वॉट एवर पीपल स्पीक, वॉट एवर पीपल डू, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। एंड दे कैन नॉट स्टॉप मी ऑल्सो, क्लियर। चलो और मैंने और सर ने जो सपना मिलकर देखा था वो ड्रीम को हम लोग लीव करेंगे, समझ में आ रहा है। और डेफिनेटली मुझे पता है यार आप लोग अपने अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से हमें प्राउड फील करवाओगे, एंड आई नो दैट, ठीक है। और नीडलेस टू से हर समय रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ना परफॉर्मेंस किया है, दिया है बच्चों ने, और इस बार भी होगा, आई नो दैट
You guys are really working very hard for it. I know that. I can see that. जो भी हो जाए बस पढ़ाई करना है. तो एक बार चैट बॉक्स में हो जाए भाई, एक बार चैट बॉक्स में हो जाए विथ फुल पॉजिटिविटी, विथ फुल ऑरा. ठीक है, आ जाओ. यस एब्सोल्युटली नितिश. अभी तो इंटर का सफर तय करना है, फिर फाइनल. फाइनल में मिलेंगे हम लोग दोबारा. फाइनल में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होना है. एक से एक बेस्ट स्टार फैकल्टीज है आपके लिए. ठीक है, और मैं भी आपका दो पेपर पढ़ाऊंगी, दो पेपर. फॉलोइंग रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड इन अ स्टडी वर्क ऑफ सैम्पलिंग कैरिड फॉर 100 आवर्स इन अ मशीन शॉप. वेरी इंपॉर्टेंट सम्स फॉर टुमारो. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड कितना है? 2500. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विच नो वर्किंग एक्टिविटी is noticed is 400. ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम. फोकस हियर गाइस, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम. यानी फोर टोटल एक्टिविटीज ऑब्जर्व कितना था, रिकॉर्डेड कितना था बताओ? 2500 था, है ना? आ जाओ, बोलते जाओगे. यस यस हेमंत, चैनल साक्षी, थैंक यू सो मच. आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम. तो देख रहे हो टोटल 2500 एक्टिविटीज वर ऑब्जर्व, जिसमें से 400 ऑब्जर्वेशन में कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रहा था. तो एक्टिविटी कब कब हो रहा था बताओ? 2500 माइनस 400, दैट इज योर 2100. कब कब हो रहा था बताओ? 2100 ना. तो वर्किंग टाइम का परसेंटेज क्या हो गया? 2100 में एक्टिविटी हो रहा था डिवाइडेड बाय टोटल 2500 इंटू 100, 2100 बाई 2500 इंटू 100 कितना? 84%. यानी 84% मेरा क्या हो गया बताओ? परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम. सो माय परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम इज हाउ मच गाइस? 84%. वेरी क्लियर. नाउ रेशियो ऑफ मैनुअल टू मशीन एलिमेंट इज 2:1. ठीक है, मैनुअल टू मशीन कितना है? 2:1. यानी कि यहाँ पे मैनुअल और मशीन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहा है और मशीन भी काम कर रहे हैं. अब यहाँ पे और एक चीज देखो, एक्चुअल वर्किंग टाइम कितना है? 100 आवर्स का ये सैम्पलिंग का डेटा था. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इज 6000. क्लियर, और 100 आवर्स में जो है काम किया गया है. क्लियर, तो एक बात बताओ, अगर 100 आवर्स टोटल ऑब्जर्व्ड पीरियड है तो उसमें वर्किंग आवर्स कितना होगा? क्योंकि 84% वर्किंग टाइम है ना. तो अगर 100 आवर्स टोटल ऑब्जर्व्ड है कि हमने देखा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 100 आवर्स का सैंपलिंग किया गया, उसमें से परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम कितना? 84%. यानी वर्किंग आवर्स कितना होगा बताओ? इंटू 84% करोगे ना, सॉरी वर्किंग आवर्स कितना होगा बताओ? परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम 84%. तो एक्चुअल वर्किंग टाइम इन द स्टडी ऑफ दिस 100 आवर विल बी हाउ मच? 84 आवर्स. उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो इनटू 60 करके. 84 इनटू 60. हमेशा ये बड़े सम में ना स्क्रिबलिंग पहले ही चालू कर दिया करो, लास्ट सम तक पहुंचने के पहले स्टार्ट स्क्रिबलिंग. इतना मिनट्स, ये हमें डेटा पता चलते जा रहे हैं. अब क्या बोल रहा है कि ये इतने मिनट्स में एक्चुअल आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है? 6000 आर्टिकल हैज बीन प्रोड्यूस. यानी 5040 मिनट्स में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6000. ठीक है, आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है? 6000. एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? 5040. ठीक है, बताओ 6000 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा? 5040 मिनट. तो एक आर्टिकल को कितना लगेगा? 5040 डिवाइडेड बाय 6000, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 0.84 मिनट्स. यानी कितना आया बताओ? 0.84 मिनट्स. क्लियर, तो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का एक्चुअल टाइम कितना आया? 0.84 मिनट्स आया. अब इसमें से 0.84 मिनट्स तो टोटल टाइम है ना. अब इसमें मैनुअल और लेबर का टाइम कितना दिया हुआ है? 2:1. मैनुअल और मशीन का, सॉरी मैनुअल टू, यानी मैनुअल कितना हो गया? 2:1 है ना, यानी 2/3 इंटू 0.84 है ना. 2/3 इंटू 0.84, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना है? 0.5
5-6 मिनट्स. और एफिशिएंसी वगैरह जो भी होता है ना, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, वो हमेशा मैनुअल पे निकलता है, मशीन पे नहीं निकलेगा. तो इसलिए हम लोग अलग अलग निकाल ले रहे हैं. और मशीन का कितना निकलेगा बताओ, माइनस कर लो 0.84, इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 0.28 मिनट. क्लियर, ये देख लो मशीन का टाइम इतना आया और मैनुअल टाइम इतना आया, देख लो 0.56 मिनट आ गया. तो ये मेरा एक्चुअल टाइम हो गया. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो, एज पर दी पॉलिसी ऑफ द कंपनी. अच्छा, एवरेज रेटिंग फैक्टर कितना है, 115%. ये रेटिंग फैक्टर का मतलब आप समझो, दिस इज एफिशिएंसी गिवन इन द सम. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी हमेशा मैनुअल के लिए होगा, ठीक है, मशीन के लिए नहीं. बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एसटी बाई एटी होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम. तो एफिशिएंसी रेटिंग फैक्टर इज कितना, 115%. तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड टाइम निकाल लोगे ना, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम. एक्चुअल टाइम मैनुअल कितना आया, 0.56. तो 0.56 इंटू 115% करो, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा कितना आ रहा है, 0.56 इंटू 115%, 0.644 मिनट्स आया स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है, 0.644 मिनट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम गाइस, प्लीज फोकस. फिर अब यहां पे क्या दे रहा है, एक चीज और दिया हुआ है सम में, एज पर दी पॉलिसी ऑफ द कंपनी रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस आर टेकन एज 12% ऑफ द नॉर्मल टाइम. ये नॉर्मल टाइम मेरा स्टैंडर्ड टाइम है, बिफोर दिस नॉर्मल टाइम इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम बिफोर अलाउंसेस. रेस्ट और बस सुस्ताने के लिए, समझ में आ रहा है, वेले रहने के लिए 12% बोल रहा है, और एक्स्ट्रा टाइम ले लो, यानी स्टैंडर्ड टाइम को और 12% से बढ़ा दो. तो ये हो गया नॉर्मल टाइम 0.64, इसमें 12% ऐड कर दो, यानी इसका 112%. तो कितना आ रहा है बताओ, इसका 112% आप करोगे कितना आ रहा है, समवेयर दिस इज कमिंग टू 0.721 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 0.72128 आ रहा है, इसको 0.721 मिनट्स हमने ले लिया. ये स्टैंडर्ड टाइम मेरा आ गया किसका, ह्यूमन बींग का, मैनुअल. अब मशीन का तो हम लोग को एज इट इज वही लेना है, मशीन में और कुछ दिया नहीं है, 0.28 ऐड कर दो, तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा. इसमें प्लस ऐड करो 0.28 कितना आ रहा है, 0.28 इसमें ऐड कर दो कितना आ रहा है, 1.001 मिनट्स आ रहा है. देख लो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल इज इतना, ठीक है, और एक्चुअल टाइम तो हमारे को दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड टाइम आ गया, कोई दिक्कत, स्टैंडर्ड टाइम वी हैव ऑब्टेन्ड. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एक्चुअली 42,000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, तो 42,000 आर्टिकल प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, वन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 1.001 मिनट है. तो 42,000 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, 42,000 इंटू 1.001 विच इज इतना मिनट्स, और डिवाइड बाय 60 करोगे तो इतना आवर्स आ गया. तो ये स्टैंडर्ड टाइम आ गया 42,000 आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने का, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम गिवन इन द सम. क्लियर है, नाउ चेक करो और क्या दिया हुआ है, कि अब एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोल रहा है, एक महीने में 25 वर्किंग डेज है, 5 वर्कर है, 8 आवर्स का शिफ्ट है, दिस इज गिवन इन द सम. तो मेरे को निकाल के दो, 25 इंटू 5 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, फटाफट निकाल के दो. ये हम लोग एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकाल रहे हैं अभी, अभी क्या निकाल रहे हैं बताओ, एक्चुअल वर्किंग आवर्स. तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है, 25 डेज इंटू एक दिन में 8 घंटा, और टोटल लेबर्स कितने, 5,000 आएगा. देखो अवेलेबल वर्किंग आवर्स क्या 1,000 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ. अब उसमें से 7% एब्सेंटिज्म का टाइम है जो आपको डिडक्ट कर देना है. तो मेरा एक्चुअल वर्किंग आवर कितना आएगा बताओ, एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना आएगा बोलो, 1000 माइनस 7% ऑफ 1000 है ना, इसमें से 7% माइनस करो कितना आएगा, 930. यानी एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना आ गया, 930 आवर्स. और स्टैंडर्ड टाइम ऊपर आपका निकाला हुआ है ना ऑलरेडी, 700.7 निकाला हुआ ना स्टैंडर्ड टाइम, कोई डाउट है. अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एफिशिएंसी निकालने, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एसटी बाय 80 इनटू 100. तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ये रहा देखो, 700.7 आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम 930 इनटू 100, एफिशिएंसी निकल गया. बोलो आर वी थ्रू विद दिस, एफिशिएंसी निकल जाएगा. अब बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, तो एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. तो स्टैंडर्ड टाइम तो वही है 700.7, बजेटेड आवर्स कितना होगा, जो टोटल आवर्स है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एब्सेंटिज्म, यानी पूरा 1000 आवर्स. तो देखो ये करोगे तो मेरा क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर. बोलो आर वी थ्रू विद दिस सम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना.
कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और टाइप का सम्स है इस चैप्टर में विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों में से एक सम आई एम एक्सपेक्टिंग। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर फोर, इलस्ट्रेशन नंबर फोर में आ जाओ क्योंकि दोनों सवाल एमटीपी में दिया हुआ है एंड चांसेस आर वेरी हाई। बुल आर वी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है? चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर, ये वाला सम मेरा करवाया हुआ है, एक बार आप देख लो फटाफट। ये परसेंटेज एब्सेंटिज्म वाला सवाल, प्लीज गाइज हैव अ लुक ऑन दिस सम ऑल्सो। नंबर ऑफ ऑपरेटर दिया हुआ है 15, डेली वर्किंग आवर 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज पर मंथ 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सब दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर मंथ कितना होगा? 15 ऑपरेटर मैन डेज कितना हो गया इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स कर दोगे तो टोटल आ जाएगा ना 15 इंटू 25 इंटू 8 3000 आवर्स, क्लियर है? तो वर्किंग आवर्स कितना आ गया 3000 आवर्स। आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है? अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, मैन लॉस ड्यू टू एब्सेंटिज्म कितना है 30 तो मैन है ना, क्लियर है? मैन डेज बोल रहा है, हम लोग को तो आवर्स निकालना होगा, तो एक वन डे में कितना आवर्स होता है 8 आवर्स होता है ना, तो यानी इंटू 8 कर दो तो एब्सेंटिज्म आवर्स आ जाएगा, कितना आएगा 240 आवर्स। तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म आ जाएगा 240 आवर्स टोटल एब्सेंटिज्म डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, यानी 240 बाय 3000 इनटू 100 करो कितना आ रहा है, देख लो 240 बाय 3000 इनटू 100, यानी ये मेरा क्या आ गया परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म। आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर निकालना है, यूटिलाइजेशन का बोल रहा है, यानी स्टैंडर्ड बाय बजटेड, स्टैंडर्ड बाय टोटल लेबर आवर। तो अब स्टैंडर्ड आवर किसका लेते हो, एक्चुअल यूनिट्स का ना, तो एक्चुअल यूनिट्स कितना बनाया 240, क्लियर है? और स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट कितना है 8, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन का लेना होता है, एक्चुअल कितना बनाया 240, तो 240 इंटू कितना 8, समझ में आ रहा है? तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है 240 इंटू 8 करो कितना आ रहा है 240 इंटू 8 कितना आ रहा है बताओ 240 इंटू 8, ये मेरा स्टैंडर्ड आवर्स हो गया डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स तो टोटल कितना आया था 3000, तो डिवाइड बाय 3000 करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन आ जाएगा इनटू 100 कर देना, ठीक है? सो 1920 बाय 3000 इनटू 100 देख लो 64% आएगा एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन। अब बोल रहा है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकाल लें, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, वेरी इजी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम तो हमारा निकाला वही है, ये रहा 1920, अब एक्चुअल टाइम निकालना होगा, एक्चुअल टाइम देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, आइडल टाइम लेस करना होगा, एब्सेंटिज्म लेस करना होगा, 3000 आवर्स था ना टोटल, टोटल बजटेड आवर्स कितना था 3000 घंटा, इसमें से क्या क्या लेस करोगे, ये 240 आवर्स लेस करोगे एब्सेंटिज्म वाला, ये 276 लेस करोगे आइडल टाइम वाला, तो लेस करके कितना आ रहा है बताओ 3000 माइनस 240 माइनस 276 यानी 2484 मेरा क्या आ गया एक्चुअल लेबर आवर्स, तो एक्चुअल लेबर आवर्स कितना है 2484 देख लो 3000 में से 516 लेस करके 2484, तो स्टैंडर्ड 1920 निकाला वही था, एक्चुअल इतना आ गया, तो स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल टाइम से क्या था एफिशिएंसी, सो वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज ओवर। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी निकालना है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, और प्रोडक्टिविटी किसके टर्म्स में निकालना है पर मैन बोल रहा है पर मैन, ठीक है? तो निकाल लेते हैं एकदम इजी है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के टर्म्स में निकाले तो आउटपुट कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय मैन कितना है मैन 15, तो 300 बाय 15 आउटपुट बाय इनपुट करोगे ना कितना है 20 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअली कितना हम लोग प्रोड्यूस किए 240, तो 240 बाय 15 करोगे कितना आएगा 16, यानी हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गया डिक्लाइन, स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी इतना है एक्चुअल इतना है, तो प्रोडक्टिविटी फॉल हुआ है ना बाय 25%, ठीक है? सो दिस सम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना अच्छे से, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्टिविटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सम्स मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? आ जाओ, पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? एक बार फटाफट पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस देखोगे,
PERT का फुल फॉर्म प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, CPM का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड. PERT कब यूज होता है? व्हेन द टाइम एस्टिमेट्स आर अनसर्टेन, है ना. और क्रिटिकल पाथ कब होता है? व्हेन द टाइम एस्टिमेट आर फाउंड विद सर्टेनिटी. हम लोग जितना भी सम्स किए वो CPM का था. PERT में तीन टाइप का टाइम निकलता है, पेसिमिस्टिक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा, ऑप्टिमिस्टिक, कम से कम है, कम समय कितना लगेगा, और मोस्ट लाइकली. ठीक है, PERT किससे कंसर्न्ड है? इवेंट से, CPM एक्टिविटीज. PERT नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए होता है, CPM रिपीटेटिव के लिए. PERT कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली, CPM कैन नॉट. PERT दोनों चीजों को देखता है, कॉस्ट और टाइम. ठीक है, अच्छा, PERT नहीं देखता, डज नॉट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट. CPM टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट. PERT प्रोबेबिलिस्टिक है, वो डिटर्मिनिस्टिक है. PERT नए नए प्रोजेक्ट में यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहली बार जो कर रहे हो. बट ये रिपीटेटिव प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन अगेन कॉम्प्लेक्स. CPM इज यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, शिप बिल्डिंग एटसेट्रा. तो PERT CPM का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गैंट चार्ट का थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो गैंट चार्ट भी देख लेना. ठीक है, फिर हम लोग ये सब निकालते थे. फॉरवर्ड पास से हम लोग क्या निकालते थे? हर एक, जब भी नेटवर्क डायग्राम बनाते हो, नेटवर्क डायग्राम के ऊपर दो चीज निकालते हो, ईटी और एलटी. ईटी कैसे निकालते थे? फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से. कैसे निकालते थे ईटी बताओ? ड्यूरेशन जो दिया हुआ ऐड करते करते आगे चले जाओगे, और जहां टाई हो रहा है हाईएस्ट वैल्यू लोगे. फिर बैकवर्ड पास से माइनस करते करते ड्यूरेशन क्या निकाल लोगे? एलटी. तो ईटी एलटी हम लोग यहां निकाल लेते थे सम्स में, एक्टिविटी, ड्यूरेशन. फिर अब हम लोग चार चीज निकालते थे, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम. अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया? ये जो ईटी निकाला आपने सारे इवेंट्स का, वो एज इट इज कॉपी कर दोगे. अब उसमें ड्यूरेशन ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ईएफ, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम. एलएफ आपका निकाला हुआ, ये जो एलटी है ना आपने निकाला है बैकवर्ड पास से, यही मेरा एलएफ है, लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेटेस्ट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशन लेस कर दोगे तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा. फिर फ्लोट कैसे निकालेंगे? फ्लोट मतलब वेल्ले रहने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है. तो वेल्ले रहने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है कैसे निकालोगे? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीएस्ट फिनिश टाइम. ठीक है, ऐसे करके आप क्या निकालोगे बताओ? टोटल फ्लोट निकाल लोगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, देख लेना टोटल फ्लोट. ठीक है, और क्रिटिकल पाथ कैसे निकलता है बताओ? क्रिटिकल पाथ कैसे निकलता है? द पाथ विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. पूरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को कनेक्ट करोगे सबका, आप क्या निकालोगे? ड्यूरेशन. जिसका ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ मेथड, है ना. गैंट चार्ट एक बार फटाफट देख लो. गैंट चार्ट को हम लोग बार चार्ट भी बोलते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ड्रॉन टू अ टाइम स्केल. ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये उतना अच्छे से नहीं बता पाता. ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, फॉर्मेट इसका ठीक है, प्लानिंग वगैरह में गुड टूल है. लिमिटेशन क्या है? क्लियर डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन. स्टैटिक है, इसको अपडेट करना पड़ेगा. इंटर रिलेशनशिप नहीं है अलग अलग एक्टिविटीज में, मतलब कौन किसका प्रेडिसेसर है, कौन किसका सक्सेसर एक्टिविटी है, ये सब हम लोग को यहाँ नहीं पता चलता है. अब इस बार व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि PERT का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो 100% PERT का सम्स आएगा आपके कल के पेपर में. 100% कल ये वाला सम्स आएगा PERT के ऊपर. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है. PERT में तीन टाइम दिया हुआ रहता है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, तीन टाइम दिया रहता है. तो अब हम लोग को तो क्रिटिकल पाथ मेथड में एक ही टाइम दिया हुआ रहता था ना हर एक एक्टिविटी का, तो हम लोग को एक टाइम निकालना है एवरेज. तो एवरेज का फॉर्मूला बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे बताओ? जो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है टी ओ, पेसिमिस्टिक टाइम है टी पी, प्लस मोस्ट लाइकली टाइम जो होना ही है उसका फोर टाइम्स ले लेना, डिवाइड बाई सिक्स कर देना, क्योंकि ऊपर में भी तो सिक्स हो गया ना, वन टू और ये फोर सिक्स, तो नीचे में भी डिवाइड बाई सिक्स. तो मेरा क्या आ जाएगा? मीन टाइम. और वेरियंस भी निकालना है. वेरियंस कैसे आएगा बताओ? जो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ना और पेसिमिस्टिक टाइम, उसका डिफरेंस, यानी जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक है टी पी माइनस टी जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स, इसका स्क्वायर कर देना तो वेरियंस आ जाएगा. तो निकाल लेना क्या है इसमें. ठीक है, अब ड्यूरेशन पूछेगा आपको तो हो जाएगा, क्लियर है. बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं. जो टाइम आपका सवाल में दिया रहता है सीपीए में, वो आपको निकालना रहेगा. यहाँ तीन तीन टाइम दिया रहेगा हर एक एक्टिविटी का. एवरी एक्टिविटीज थ्री थ्री टाइम्स विल बी गिवन, मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, तीन तीन टाइम दिया रहेगा. तो कुछ नहीं करना है, तीनों टाइम का एवरेज निकाल देना. एवरेज ऐसे नहीं डिवाइड बाई थ्री करके. ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक बार लोगे, पेसिमिस्टिक एक बार लोगे, मोस्ट लाइकली का फोर टाइम्स करोगे, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? सिक्स. और वेरियंस के लिए क्या करोगे? टी थ्री माइनस टी वन, यानी जो आपका पेसिमिस्टिक टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा ना, उसमें से माइनस करोगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो सबसे कम आएगा, डिवाइड बाई सिक्स का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द सम. क्लियर है? चलो
अब डायरेक्टली एक दो ठो सम्स करेंगे हम लोग। और हमेशा याद रखना कि अब जैसे मान लो ये एक इवेंट है, ये दो ठो इवेंट है, वन और टू, कभी भी इसके बीच में दो एक्टिविटी नहीं हो सकता, यानी टू एक्टिविटीज कैन नॉट हैव द सेम स्टार्ट इवेंट एंड सेम एंड इवेंट। स्टार्ट इवेंट सेम है तो एंड इवेंट अलग होना चाहिए, और अगर स्टार्ट इवेंट अलग है तो एंड इवेंट सेम हो सकता है, बट ऐसा ये डायग्राम रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको डमी एक्टिविटी बनाना पड़ता है बीच में, याद है ना आपको, डमी एक्टिविटी हैज टू बी टेकन। अब देखो ये रहा, यही मैं बोल रही थी, ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, गैंट चार्ट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, पढ़ लेना एक बार अच्छे से। चलो इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओगे, देखो यहाँ पे तीन टाइम दिया हुआ है, ये एक्टिविटीज दिया हुआ है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 7 to 8, 6 to 7, दिस इज गिवन इन द सम, ठीक है। तो ये तीन टाइम जो दिया हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, तीनों टाइम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों टाइम से आप निकाल लो, वेरी इजी। तो यहां पे आप क्या निकालोगे, मीन टाइम। तो मीन टाइम कैसे निकलेगा बताओ, 3 है प्लस 4 into 6 प्लस 15 into 1, ये निकल जाएगा ना सबका। और वैसे वेरिएंस निकाल लेना, वेरिएंस कैसे निकलेगा, टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। तो देखो ऐसे करके आप निकाल लेना वेरिएंस और वो दोनों। चलो अब इसका डायग्राम बनाओ, तो इसका डायग्राम बना के दो, 1 to 2, 1 to 2, 3, 3 to 5। गाइस कम ऑन, ड्रॉ द डायग्राम, वेरी इजी। देखो 1 to 2 है, 1 to 2 है ना, तो 1 to 2 बना लिया, फिर 2 to 3 है, 2 to 3 भी बना लिया, क्लियर। फिर बोल रहा है 3 to 5 है, 3 to 5 भी हमने बना लिया, 7 to 8 है, अच्छा 5 to 8 भी है, तो 5 to 8 यहां पे बना लोगे, ठीक है 5 to 8 बन गया। अब क्या बोल रहा है, देखो 4 to 5 और 1 to 6 और 2 to 4, थोड़ा हैंग हो रहा है, दिस इज गेटिंग हैंग्ड। 2 to 4 था ना, क्या क्या था बताओ, 1 to 6 था, सॉरी 1 to 6 था, 2 to 4, तो 1 to 6 पहले बना लो, बना लोगे ना 1 to 6, इजी है, क्लियर। फिर और क्या बोला है, बोलो 6 to 7, तो फिर क्या करोगे, 6 to 7 बना लोगे, ऐसे बन जाएगा। और 7 to 8 बोला है, 7 to 8 यहां ज्वाइन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 4 बोला है, 2 to 4 बना लो यहां नीचे में खींच के। और क्या बोल रहा है, 4 to 5 भी है, तो 4 और 5 को जोड़ देना, ऐसे करके पूरा नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। बना लोगे ना नेटवर्क डायग्राम, दिस इज वेरी इजी, बना लेना, ठीक है। ड्रॉ दिस नेटवर्क डायग्राम, क्लियर है, आर वी थ्रू विद दिस। ये नेटवर्क डायग्राम आप बना लोगे कि नहीं बता दो मुझे, देखो यहां बना हुआ है नेटवर्क डायग्राम, आई एम जस्ट शोइंग यू। ये देखो अभी देख के बना लो, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ठीक है। और देखो नीचे में क्या किया हम लोगों ने, टाइम निकाल लिया, टाइम कैसे निकाला, ये वाला फॉर्मूला लगा के, और वेरिएंस ऐसे निकाल लिया। तो अभी एक एक टाइम आ गया ना, फिर हम लोग जैसे नहीं लिखते थे फॉर्मूला में, 1 to 2 का टाइम कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। फिर 2 to 3 का टाइम कितना है 14, या 14 लिख दिया। 3 to 5 का टाइम कितना है 11, या 11 लिख दिया। 5 to 8 का टाइम कितना है 4 लिख दिया। जैसे जैसे टाइम दिया हुआ लिख दिया, हो गया इजी, वेरी सिंपल। अब हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, पाथ विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो आप निकालो क्या क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या क्या होगा बोलो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, तो निकालो 7 plus 14 plus 11 plus 4, कितना हुआ 15 plus 14, 29, 29 plus 7,
29 प्लस 7 कितना हुआ बोलो, 36 हुआ ना, 36। तो यानी इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, 36। वैसे और भी निकाल लोगे क्या क्या होगा बोलो, 1 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये वाला भी हुआ ना, ये सोन मार इसका वैल्यू निकाल लेना। फिर वैसे ये वाला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, तो तीन चार तो पाथ निकल जाएगा। तो आप देखोगे सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यही है, तो ये क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है, 36 क्रिटिकल पाथ आ जाएगा। देख लो ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, 1, 2, 3, 5, 8, द पाथ विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज अ क्रिटिकल पाथ। अब आपको बोला है कि प्रोजेक्ट का वेरियंस निकालना है, तो जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज है ना उसका वेरियंस को बस ऐड कर देना। तो क्रिटिकल पाथ में कौन कौन सी एक्टिविटी है, 1 to 2 जिसका वेरियंस 4 आया है, 2 to 3 है 16, 3 to 5 है 14 और 5 to 8 है 1, ये चारों को ऐड कर देना, निकल जाएगा ये देखो वेरियंस आ गया, वेरी सिंपल। तो कुछ नहीं है वही है, कुछ नहीं है वही है, कर लोगे मैनेज, बताओ विल यू बी एबल टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सम्स और नॉट इन योर एग्जाम, गाइस कम ऑन टेल मी, मैनेज कर लोगे ना ये वाला सम सीपीएम का, तो पर्ट सीपीएम का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये वाला सम्स देख लेना, ठीक है, और फ्लोट वगैरह निकालने बोलेगा, आई होप यू विल बी एबल टू डू द जस्टिस, क्लियर। चलो एक तो सम्स करवा देते हैं जो आप खुद से बना लो, एक नेटवर्क डायग्राम मुझे बना के दिखा दो, कौन सा बनाओगे बोलो, चलो ये वाला बना लो, वेरी क्विकली ड्रॉ दिस, क्विकली ड्रॉ दिस, ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। एग्जाम में क्रैश कॉज देख के डर मत जाना, क्योंकि एमटीपी में आपको दिया हुआ है, पता है क्रैश दिया हुआ है, बट क्रैशिंग निकालने ही नहीं बोला है, क्रैश करने ही नहीं बोला है, तो दिमाग में लोड मत लेना क्रैशिंग को लेकर, ठीक है। चलो बताओ इसको सॉल्व करो, 1 to 2, ठीक है, तो बनाते जाओ इसको फटाफट, वेरी क्विकली, वेरी इजी, बहुत इजी है ये, देखो 1 to 2 ये रहा, फिर क्या किया 1 to 3 ये रहा 1 to 3, फिर क्या किया 2 to 4 ये रहा 2 to 4, फिर क्या 2 to 5 ये रहा 2 to 5, फिर क्या है 3 to 4, 3 to 4 कहाँ है बताओ, 3 to 4 ये रहा, फिर क्या करना है बताओ 4 to 6 ये रहा 4 to 6, 5 to 6, 5 to 6 ये रहा 6 to 7, बन गया, वेरी इजी, यहाँ पे तो डमी भी यूज नहीं हुआ, कर लोगे वाला सब मैनेज। फिर उसके बाद क्या करना है बताओ, अलग अलग पॉसिबल पाथ निकाल लेना, जिस पाथ का ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ, क्लियर। खाली कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला याद कर लो, क्रैश कॉस्ट मान लो बाई चांस आ गया, कम से कम ये तो निकाल के आ जाना, कॉस्ट स्लोप, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, आर वी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है। और ये वाला सम देख लेना, ठीक है, ये वाला सम देख लेना एक बार अच्छे से, ओके। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट सम्स फॉर योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Now the last chapter awaits for you guys. Last chapter क्या है बताओ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो एक बार आओ उसका भी फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। डायरेक्टली मैं उसका सम्स ही आपको करवा दे रही हूँ। पर्ट और सीपीएम का ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला टाइम प्लीज देख लेना, गैंट चार्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। पीएलसी, पीएलसी के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चार स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है, ये वाला थ्योरी बता देंगे एक बार आपको। चलो डायरेक्टली आ जाते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, अगर आप रेगुलरली प्रिवेंटिव नहीं करवाते हो, रिपेयर सर्विसिंग नहीं कराते हो, तो बड़े बड़े ब्रेकडाउन हो जाते हैं जिससे लंबा खर्चा आता है, बट अगर आप मशीन को रेगुलरली रिपेयर करवाते रहोगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाते रहोगे, तो अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को आप मिनिमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला मैंने एलिमिनेट कर सकते हो, आप खाली क्या कर सकते हो, मैंने बोला मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। Now look at this question very quickly, guys. Workshop has 20 number of identical machine. The failure pattern of the machine is given below. Elapsed time after maintenance 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month. मतलब कि ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन एक महीने में ही हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी इतना है। ब्रेकडाउन दो महीने में एक बार हुआ है, प्रोबेबिलिटी 0.15 है। तीन महीने में एक बार हुआ है, 0.15 है। चार महीने में एक बार हुआ है, 0.15 है। पांच महीने में एक बार हुआ है, 0.15। छह महीने में एक बार हुआ है, 0.20। तो अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ईयरली सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन, द कॉस्ट इज 150 टू अटेंड द फेलियर मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम। यानी एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू इज वॉट, एक्स इंटू पी,
समझ में आ रहा है, ये मंथ्स दिया हुआ है, कोई बोल रहा है कि ब्रेकडाउन एक महीने में होगा, कोई बोल रहा है दो महीने में, कोई बोल रहा है तीन महीने में, कोई बोल रहा है चार महीने में, कोई बोल रहा है छह महीने में एक बार होगा। तो एवरेज निकाल लो, तो एवरेज कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दो विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी और समेशन निकाल लो, तो समेशन पी एक्स करोगे तो 3.5 मंथ्स आया, यानी ऑन एन एवरेज एक बार मशीन कब ब्रेकडाउन हो रहा है, हर 3.5 मंथ्स में, कब ब्रेकडाउन हो रहा है बताओ, हर 3.5 मंथ्स में। तो एनुअली कितनी बार ब्रेकडाउन होगा, एनुअली अगर एक मशीन एवरी 3.5 मंथ्स में ब्रेकडाउन हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर ईयर 12 मंथ्स में कितना होगा, 12 बाई 3.5 करोगे, ठीक है, 12 बाई 3.5 भी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर एनम, क्लियर है। अब यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, बताओ क्या मेंशन कर दिया, कॉस्ट 150 टू अटेंड अ फेल्ड मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है 150 रुपीज लगेगा एक मशीन को ठीक करने का, और ऐसा मेरे पास 20 मशीन है, सवाल में बोल दिया 20 मशीन है, तो ये मेरा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ गया ना साल में, एक मशीन कितनी बार ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये तो 20 है तो इंटू 20, और एक मशीन का कितना है 150, तो इंटू 150, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, बताओ इजी है, आर वी थ्रू विद दिस। तो बी केयरफुल, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स मेरा क्या चीज का निकल रहा है, टाइम का निकल रहा है, टाइम का निकल रहा है, ठीक है। फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट सम्स जो आता है एग्जाम में, जिस टाइप का सम्स आता है वो हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ये वाला, दिस सम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज एग्जाम, ये वाला सम भी देख लो एक बार अच्छे से। अब देख लो यहाँ पे एक्स मंथ्स में नहीं आएगा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आएगा, तो आपको ये देखना है एक्स का वैल्यू क्या है, मंथ का बात कर रहा है कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन का बात कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है बताओ, ऐसा 40 डेज में टोटल 300 वर्किंग डेज को ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसा 40 डेज में ऑब्जर्व हुआ है कि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, ऐसा 150 डेज में हुआ है कि एक बार ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि 1111111 ब्रेकडाउन, ठीक है। ऐसा 70 डेज भी ऑब्जर्व कि दो बार ब्रेकडाउन हुआ है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लो सबसे पहले, क्लियर है, हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, एफ बाई समेशन एफ करके, तो बगल में 40/300 करोगे, फिर 150/300 करोगे, 70/300 ऐसे करके मेरा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है ना नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, तो x इनटू प्रोबेबिलिटी करोगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, यानी एक दिन में 1.4 ब्रेकडाउन हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर डे, क्योंकि डेज का डेटा दिया हुआ है ना, यानी एक दिन में कितना ब्रेकडाउन हो रहा है 1.4, क्लियर है। और ब्रेकडाउन का खर्चा कितना है 650, यानी अगर हम ब्रेकडाउन होने दे तो पर डे मेरा कितना खर्चा लगेगा, 1.4 इंटू 650 910, बट अगेन यहाँ बोला है अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाएंगे ना तो मेरा नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1 हो जाएगा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा 200, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाने के बावजूद भी ब्रेकडाउन तो होगा ही ना, 1 होगा लेकिन, तो यानी एक ब्रेकडाउन का खर्चा 650 तो है ही, और खर्चा कितना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का 200, यानी 850, तो भी आप देखो ये बेटर है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर देन द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपका खर्चा कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है माइनस कर लो, इतना सेविंग्स होगा, और ये हो गया सिंगल डे का सेविंग, टोटल डेज ऑफ ऑपरेशन इन नियर इज 300, 300 डेज में कितना सेविंग होगा, मल्टीप्लाइड बाय 300 कर लोगे निकल जाएगा, क्लियर है, आर वी थ्रू विद दिस। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्क्रैप वाला सम्स कर लेना पक्का से, मैं नहीं करवा रही हूँ, आपका ड्यूटी है, आपका जिम्मेदारी है, एमटीपी में मैंने करवा चुका, एमटीपी में ये वाला सवाल आया है, अलग पैटर्न का है बट इसी काइंड का है। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि मैंने जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाया था उसमें ये एक सैलवेज वैल्यू वाला सम है, प्लीज उसको कर लेना, वो कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो असाइनमेंट वाला सम और एक ये वाला सम कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। नाउ वेरी क्विकली फ्यू थ्योरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फॉर ओएम, ठीक है, वेरी क्विकली। प्रोडक्ट डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो कुछ कुछ थ्योरी है जो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ, फटाफट आ जाओ। स्टार्टिंग विथ योर चैप्टर नंबर 1, वेरी क्विकली आई विल बी रीडिंग आउट द थ्योरी, जस्ट 10 मिनट्स में मैं आपको पूरा ओएम का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर करवा दे रही हूँ, जस्ट इन 10 मिनट्स, ओके। फिर एसएम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल टेल यू एंड देन आई विल लीव यू, ओके, आ जाओ। क्लियर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है बताओ,
What is operation management? It is the management of that part of organization which is concerned with क्या provision of goods and services. Clear? Operating system का definition आ सकता है configuration of those resources जो help करता है goods को services जो help करता है input को output में convert करने को. So it's a configuration, it's an arrangement of the resources which helps in conversion of input into output. Example hospital, transportation, ठीक है, etc. ऑब्जेक्टिव्स की ऑपरेशन मैनेजमेंट का कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. क्लियर है? स्कोप ऑफ ओएम. प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ओएम का डिफरेंस आ सकता है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट बेसिकली फोकस करता है टैंजिबल गुड्स के बारे में, ऑपरेशन दोनों के बारे में बात करता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल. प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल इन नेचर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट मॉडर्न है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस का बात करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट सर्विस सेक्टर का. फीचर्स क्या है मॉडर्न ओएम का? मैनुफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ द स्मोक स्टैक, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटिफुल. ठीक है, फिर ये जो मैंने बोला ना, आजकल लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कंसिडर करते हैं. जहाँ जिट के बारे में बोला है, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, वर्चुअल कॉरपोरेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीसेंट ट्रेंड्स बता दो क्या क्या होगा. आजकल लोग नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंटरनेशनली भी गुड्स को बेचते हैं, दैट इज ग्लोबल मार्केट प्लेस, एंड दे आर एमिंग टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव इन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल रखना है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को. फिर उसके बाद टाइम को कम करना है, लीड टाइम कम लगना चाहिए. बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज अ रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लेवल. पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करना है ना, सारे पुराने चीजों को हमें छोड़ देना है. फंडामेंटल रीथिंकिंग है, यहाँ कोई माइनर इंप्रूवमेंट का बात नहीं होता, यहाँ ड्रास्टिक और मेजर इंप्रूवमेंट का बात होता है. एसएम में भी, इसलिए ध्यान से सुन लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लीन स्लेट अप्रोच. बीपीआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लीन स्लेट अप्रोच. इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग. मतलब आजकल लोग सोच रहे जो एसबीयू से प्रॉफिट नहीं आ रहा उसको डाइवेस्टिचर कर दो, ठीक है, बेच दो. लीन प्रोडक्शन के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है. लीन प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, हमें इस तरह से अपने प्रोडक्शन को करना है जिससे हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हम एलिमिनेट कर सके, कम से कम इनपुट लगाकर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके. मिनिमाइजिंग दी वेस्टेज, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, SCM, ओवरसाइट ऑफ द एंटायर प्रोसेस राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, फ्रॉम द सप्लायर टिल द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड डिस्पैच टू द अल्टीमेट कस्टमर. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, involves the warehousing, the transportation, the logistic team, etc. Clear है? Worker का involvement भी जरूरी है. अच्छा, एक चीज देख लेना, preventive maintenance. और इसमें ना मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, spares वगैरह होता है अलग अलग type का, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है, rotable spares और वो सब क्या क्या था जो देख लेना. Now this is very important, product design और process design होता है. प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या है, रिफाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, कस्टमर के डिमांड को सेटिस्फाई करना, कॉस्ट टारगेट्स को फॉर्मुलेट करना. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट के डिजाइन का. याद है मैंने आपको कोकोकोला का एग्जांपल दिया था, इसमें लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाना है, कॉस्ट कम करना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और वो प्रोड्यूसेबल होना चाहिए. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. ये आपके एमटीपी में भी आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट डिजाइन. व्हाट आर द फैक्टर जो प्रोडक्ट डिजाइन को अफेक्ट करता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ठीक है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिजाइन बनाओ, और कन्वीनियंस ऑफ द ऑपरेटर टू यूज. क्लियर है? यानी जो ऑपरेटर प्रोडक्ट को बना रहा है उसके लिए इजी हो उस डिजाइन को बनाना, और खाली देखने में सुंदर नहीं होना चाहिए, फंक्शन में भी सुंदर होना चाहिए. बाहरी ब्यूटी का क्या अचार डालोगे क्या? सो ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एज वेल एज अपियरेंस. जैसे मान लो आपने बुलेट लिया, बुलेट होता है ना बाइक वगैरह, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, बोल रहे हो मेरी जान है, ये है वो है, और जब चलाया तो मतलब बाइक क्या उड़ा, आप खुद ही उड़ गए आसमान में. क्लियर है? बस्ट हो गया तो क्या फायदा ऐसे बाइक का. तो देखने में जितना खूबसूरत है उतना फंक्शन में भी खूबसूरत होना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज बैलेंस बिटवीन क्या, एस्थेटिक एंड फंक्शन. मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो, इफेक्ट के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, पैकेजिंग वगैरह, प्रोडक्ट क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गुड प्रोडक्ट डिजाइन का, इट शुड बी एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल अप्रोच, अपियरेंस, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन. प्रोसेस डिजाइन क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइन अभी हमने डिस्कस किया, उसका फैक्टर वापस से बोलो, प्रोडक्ट डिजाइन का फैक्टर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, एस्थेटिक और फंक्शनल, कन्वीनियंस फॉर द ऑपरेटर, मटेरियल कौन सा यूज करो, कॉस्ट प्राइस रेशियो के अलग अलग मेथड्स क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, पैकेजिंग कैसा रखा है, क्वालिटी कैसा है, प्रोसेस का कैपेबिलिटी कैसा है.
ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन का मतलब हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस का पहले प्लानिंग करो. प्रोसेस का प्लानिंग का मतलब हुआ द वे यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, वराइटी, इक्विपमेंट. प्रोसेस डिजाइन का फीचर्स क्या है, किस सीक्वेंस में आप ऑपरेशंस को कर रहे हो, प्रोसेस क्या हो रहा है आपका. प्रोडक्ट मतलब तो प्रोडक्ट हो गया ना, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करो, कौन सा इक्विपमेंट, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, लेबर की कैपिटल, खुद बनाओगे कि आउटसोर्स करोगे, स्किल लेबर लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये सब का डिस्कशन हो गया. ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या होता है, प्रोसेस फोकस, प्रोडक्ट फोकस, रिपीटेटिव फोकस. प्रोसेस फोकस का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए ना, जो पेंटिंग का काम, फर्नीचर मेकिंग का काम, जहाँ वेरिएशन ज़्यादा होता है, स्टैंडर्डाइजेशन कम होता है, जॉब प्रोसेस बोलते हैं इसको. क्लियर है, तो ये लेआउट आप समझ गए, आप कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे जो लेआउट पढ़ा और ये जो पढ़ रहे हैं. क्लियर. प्रोडक्ट फोकस का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पे हमारा हाई वॉल्यूम, वैरायटी कम, स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा, जैसे मेडिसिन हुआ, एफएमसीजी, ग्लास, स्टील, फिक्स कॉस्ट लेकिन इसका हाई होता है, वेरिएबल कॉस्ट इसका लो होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. रिपीटेटिव प्रोसेस का मतलब हुआ, रिपीटेटिव फोकस, असेंबलिंग का काम जो कर रहे हैं. ठीक है, तो देख लो, जॉब शॉप, कंटिन्यूअस, रिपीटेटिव, प्रोजेक्ट, बैच. बैच सेम एज कंटिन्यूअस, थोड़ा सा वॉल्यूम का डिफरेंस है या मॉडरेट वॉल्यूम होता है. कितनी बार एग्जाम में ये दे देते और बोलते हैं बताओ कौन सा प्रोसेस है, शुगर कंटिन्यूअस है, सीमेंट कंटिन्यूअस है, पेंट बैच है, आइसक्रीम बैच है, टेलर जॉब शॉप, क्योंकि वहाँ सिंगल सिंगल क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो ना, तो जॉब शॉप हो गया. न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया, प्रोजेक्ट. ठीक है, PLC is very important, four stages of product life cycle. Introduction होता है, growth होता है, maturity होता है, decline होता है. Introduction, growth, maturity, decline. Introduction में क्या होता है, अभी just नया नया product आपने introduce किया है, investment बहुत high होता है, market share बहुत कम होता है, competition अभी है ही नहीं. Growth में धीरे धीरे profit बढ़ रहा है, sale बढ़ रहा है. ठीक है, try my product से buy my product बोलना चालू कर देते हो, अब हाथ नहीं फैलाते हो, try, try, try. अब बोलते हो buy my product, clear. And competition, maturity में अब एक जगह बन गया है, मार्केट शेयर रिटेन करोगे, बेनिफिट्स रीप करोगे. डिक्लाइन यानी एंड होने वाला है आपका, सेल्स लेवल सब कुछ फॉल होने वाला है, समझ मार है. डिक्लाइनिंग इज बेसिकली योर डॉग. बीसीजी मैट्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी डिस्कस करवा दूंगी आपको. क्लियर है, बीसीजी मैट्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आर वी थ्रू विद दिस? तो ये पूरा का पूरा मेरा पीएलसी हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओएम. बताओ कैसा लगा, मजा आया? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए एसएम का. मैं 15 से 20 मिनट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कवर करवाना चाहूंगी डायरेक्टली गाइस फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट मैट. ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बोल दो पसंद आया कि नहीं आया. और प्लीज, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए आज, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद आपको 30 सेकंड लगेगा, फीडबैक जरूर देकर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा. चलो कोई नहीं, आज नहीं दे पाए तो कल एग्जाम देने के बाद बता देना कि आज का सेशन कैसा था, बट बताना जरूर. ठीक है, I get that boost from your, you know, from your feedback. जैसे आप बोलते हो ना मैम कि आप इतना energetic कैसे रहते हो, it is just because of you guys. मैं इतना energy के संग आपको पढ़ा सकती हूँ, मुझे बस आप ही दिखाई देते हो, मतलब आपके लिए मैं और क्या better कर सकूँ, तो automatically वो energy आ जाता है और अपने आप output निकलते जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ important questions हम लोग discuss करेंगे, which is important, okay? चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है. वेरी क्विकली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, विच इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. क्लियर है, तो वापस से बोलो, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना. क्लियर है, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना और कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना. एंड फॉर दैट वी हैव टू क्या, सेट अप सर्टेन प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप सब चीजों का मैनेजमेंट करोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग करने में इजी रहेगा. ठीक है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा. क्लियर है, और आपको क्या है ना, आप अपना प्रोग्रेस वगैरह को मॉनिटर कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव समझ पाओगे. बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज वी एक्सपेक्ट. तो ये सबसे इसका बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के फोरकास्ट, प्लानिंग प्रोमाइसेस के बेसिस पे करते हैं, और फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, एंड इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एज वेल. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, स्टेप्स क्या है. द स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो हम लोग स्टेप्स डिस्कस करेंगे प्रोसेस का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टेप्स क्या होता है. सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कंपनी का मिशन क्या है, हमारे कंपनी का विजन क्या है, हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम लोग क्या करें, कंपनी का मिशन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ों को क्या करें, डिफाइन कर रहे हैं. तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. ठीक है, तो पहला स्टेप वापस से मेरे को बताओ क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ द बिजनेस कर लिया. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, SWOT एनालिसिस करेंगे कि एनवायरमेंट में कोई चेंजेस है, एनवायरमेंट से हमें क्या क्या थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, हमारा खुद का स्ट्रेंथ क्या है, हमारा खुद का वीकनेस क्या है. फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अपना ऑर्गेनाइजेशनल का डायरेक्शन चूज करोगे क्या करना है. अब आपके पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे. वंस यू हैव इंप्लीमेंटेड द स्ट्रेटजी, दैट इज नॉट एन एंड प्रोसेस. आपको अब स्ट्रेटजी को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, कंट्रोलिंग वगैरह करना है. ठीक है, तो छह स्टेप बोला मैंने, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद स्कैनिंग, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, फिर क्या करना है, डायरेक्शन वगैरह देखना है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. ठीक है, मॉनिटरिंग वगैरह करना है, इवैल्यूएशन. अब एग्जाम में बहुत बार पूछता है विजन और मिशन का डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन. विजन हो गया वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, वो आंसर हो गया विजन का. हाउ, व्हेन, व्हाट इज योर प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव, अभी आप जो कर रहे हो वो क्या हो गया, मिशन. फ्यूचर गोल हो गया विजन, योर प्रेजेंट एक्टिविटीज योर मिशन. समझ में, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन. विजन हो गया वेयर डू यू वांट टू गो, हाउ डू यू गो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ये सब मेरा क्या हो गया, मिशन. अब कोई भी एक कंपनी का एग्जांपल लिखकर आ जाना, ठीक है, विजन का. जैसे नाइके, नाइके का मैंने आपको विजन बताया था. नाइके का पता है आपको विजन क्या है, कि उसको पूरा एथलीट, जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, उनके वर्ल्ड में एक इनोवेशन लेकर आना है, एक इंस्पिरेशन लेकर आना है. सो टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन इन द एथलीट्स वर्ल्ड, ये क्या हो गया, नाइके का विजन हो गया. सिमिलरली आपको कोई भी मिशन भी याद रखना है, मिशन भी आप कोई भी कंपनी का याद रखना है. जैसे आप रिलायंस का मिशन लिख देना, रिलायंस का मिशन है ग्रोथ, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज सक्सेस फॉर देम. ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक कंपनी का विजन मिशन लिखकर आ जाना. देखो ये नाइके का, टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड. रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो. मिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज समटाइम्स द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी. मिशन, वेयर डू यू गो, हु वी आर, वॉट वी डू, योर प्रेजेंट स्कोप, प्रेजेंट एक्टिविटी, प्रेजेंट बिजनेस को कौन डिफाइन कर रहा है. मिशन, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मिशन क्या है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लानेट टू अचीव मोर. सब बता रहे हैं अभी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज है आपका, कौन सा मार्केट है, कस्टमर का क्या नीड है. सब प्रेजेंट स्कोप ऑफ एक्टिविटी के बारे में कौन बताता है, मिशन. फ्यूचर के बारे में कौन बताता है, विजन. आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है, तो ये सब मैनेज कर लोगे. विजन और मिशन का डिफरेंस भी आता है बहुत बार एग्जाम में, संभाल लेना. ठीक है, फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंटेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट. तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना. स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इट हेल्प्स अ कंपनी इन मेनी वेज. इंटेंट का मतलब वो इंटेंशन, क्या इंटेंशन है, क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंशन है, कि आपको इंडस्ट्री में डोमिनेंट पोजिशन लेकर आना है, क्या आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लीडर को हटा फेंकना है, उसको फॉलो करना है, कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना है, या कुछ नया टेक्नोलॉजी बनाकर आना है. सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक इंटेंट आएगा तो आप ये लिख देना. देख रहे हो, ये रहा, डोमिनेंट बनना है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, बेस्ट कस्टमर सर्विस, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो. ऑब्जेक्टिव और गोल, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड गोल, ये फोर डायमेंशन में आ सकता है. ऑब्जेक्टिव आर टाइमलेस, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है. गोल्स टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, टाइम फ्रेम. ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन ब्रॉडर टर्म, लेकिन गोल्स आर मोर स्पेसिफिक. ऑब्जेक्टिव फोकस करता है फैक्टर्स के ऊपर जो एक्सटर्नल है, ठीक है, बट गोल्स इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर, रिसोर्स कमिटमेंट के ऊपर बात करता है. मेजरमेंट, बोथ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर. ठीक है, नाउ थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी बता दो क्या है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. कॉर्पोरेट लेवल कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ ऑफ द कंपनी. यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कौन से इंडस्ट्री में हाथ डालना है. जैसे रिलायंस के चेयरमैन ने, मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया कि उसको जाना है टेक्सटाइल में, कि उसको जाना है पेट्रोकेमिकल में, उसको जाना है टेलीकॉम में. सो द टाइप ऑफ इंडस्ट्री सिलेक्टेड, ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी. ये आपको ग्रोथ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है, ये सारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो गए. ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लगता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी हाई. पूरा कॉपी में मैंने आपको डिटेल में नोट्स वगैरह लिखवाया था.
ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या हुआ, जो एक सिंगल एसबीयू का डिसीजन लेता है, मिडल लेवल मैनेजर। अब जैसे रिलायंस का अलग अलग एसबीयू है, टेलीकॉम सेक्टर का डिवीजन कौन ले रहा है, मे बी अनंत अंबानी, ईशा अंबानी ले रही है, तो वो भी एक सिंगल एसबीयू स्पेसिफिक जो रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो, एक सिंगल बिजनेस का जो डिसीजन ले रहे हो, जैसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे डिसाइड कर लिया टेलीकॉम में जाना, अब टेलीकॉम में प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा, मार्केट मिक्स कैसा होगा, कस्टमर मिक्स कैसा होगा, प्राइसिंग कैसा होगा, ये सब हो गया बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। और फंक्शनल हो गया डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल लेवल डिपार्टमेंट क्रिएट करना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो हो गया स्ट्रेटजी, क्लियर। नाउ पेस्ट का बहुत बार फुल फॉर्म आता है, दे आस्क यू इन द एग्जाम पेस्ट, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, एस सोशल है, टी टेक्नोलॉजिकल है। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब आप समझ गए, जो गवर्नमेंट का डिसीजंस वगैरह होता है, क्लियर, या लोकल अथॉरिटी का डिसीजन होता है, या ट्रेड यूनियन का जो डिसीजन होता है, फैक्टर्स दे आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल हो गया, फॉरेन इंटरेस्ट रेट हो गया, तो ये सब हो गया इकोनॉमिकल फैक्टर। सोशल हो गया, कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस वगैरह रहता है, ठीक है, डेमोग्राफिक्स। टेक्नोलॉजिकल हो गया, मशीनरी वगैरह, ये सब हो गया टेक्नोलॉजिकल, क्लियर। स्वॉट कितनी बार आएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब बोलेगा स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस माइक्रो होता है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मैक्रो होता है। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी विच हेल्प्स यू टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। अब जैसे एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है, उसका टेक्नोलॉजी, ठीक है, एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो अब स्ट्रेंथ, या फिर आपका फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। तो एक कंपनी का जो उसका इंटरनल वैल्यूज है, उसको हम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, उसका कस्टमर लॉयल्टी है, जैसे एप्पल ब्रांड लॉयल्टी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, इनोवेशन इंजॉय कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत साउंड कंपनी है, उसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है, कोई पॉलिटिक्स का झमेला नहीं है, कस्टमर गुडविल बहुत ज्यादा है मार्केट में, गवर्नमेंट के संग भी रिलेशन बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, तो ये हो गया उसका स्ट्रेंथ। वीकनेस हो गया आपके अंदर की कमियां, ठीक है, दे आर द स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, दे आर द लिमिटेशन विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। तो वीकनेस मतलब क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट मिक्स अच्छा नहीं है, पुअर है, टेक्नोलॉजी, जो मैंने कॉर्पोरेट अभी स्ट्रेंथ बोला ना, उसको ऑपोजिट कर देना, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पुअर हो, टेक्नोलॉजिकली आप बैक हो, एडवांस नहीं हो, या आपका जो रॉ मटेरियल है आपके लोकेलिटी में नहीं मिल रहा, आपका डेट बर्डन बहुत ज्यादा हाई है, या कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है, कस्टमर का लॉयल्टी इंजॉय नहीं कर रहे हो, ये सब हो गया, ठीक है। अब बोल रहे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हो गया फेवरेबल कंडीशन जो बाहर से आ रहा है। अब जैसे मान लो कि आपका कोई अचानक से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस आपके फेवर में आ गया, ग्लोबल मार्केट में आपका प्लेस मिल गया, रूरल मार्केट मिल गया विच यू कैन एक्सप्लोर, आपका डाइवर्सिफिकेशन आपने कर लिया, कुछ मर्जर कर लिया, यानी बाहरी दुनिया से आपको ये हेल्प मिल रहा है। कोरोना में जैसे भोजन को हेल्प मिला, या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, सब्सिडी दे दिया, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, न्यू मार्केट्स को आपने एक्सप्लॉइट किया, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गया। थ्रेट क्या हो गया, वही कॉम्पिटिशन, ग्लोबलाइजेशन, इम्पोर्ट गवर्नमेंट फ्री कर दे रहा है, तो जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन हर्ट, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ये सब क्या हो गया, थ्रेट, कॉम्पिटिशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर कोई सुनामी वगैरह आ गया, क्लियर। अभी थ्रू विद दिस नॉ पोर्टफोलियो एनालिसिस हम लोग करेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मैं आपको करवा दूंगी। सबसे पहले हम लोग करेंगे, बताओ क्या, बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अब बीसीजी मैट्रिक्स किसके बारे में बात करते हैं, बताना, फोर क्वाड्रेंट्स के बारे में। यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स में जो क्वाड्रेंट है ना, इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट एंड द मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के ऊपर बीसीजी मैट्रिक्स है। चार क्वाड्रेंट है, स्टार एकदम ऊपर दिखाई नहीं देता ना, एकदम हाई रहता है, दिखाई देता है मतलब छू नहीं सकते हो, यानी बहुत हाई, दोनों चीज बहुत हाई, मार्केट शेयर इज आल्सो वेरी हाई, ग्रोथ रेट इज आल्सो वेरी हाई, दैट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज अ स्टार क्वाड्रेंट। तो अब ये बेसिकली उन लोग के लिए होता है ना, ऐसे कंपनी के लिए जिनका बहुत सारा एसबीयू है, जैसे रिलायंस, रिलायंस का 4-5 तो एसबीयू है, टाटा का भी इतना सारा एसबीयू है, तो जिसका बहुत सारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता है ना, उन लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग अपने एसबीयू को ये चारों में से कोई भी क्वाड्रेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे बोल रहे हैं स्टार, तो स्टार बोल रहे हैं उसका ग्रोथ रेट भी हाई है, उसका मार्केट शेयर भी हाई है। अगर उसका मार्केट शेयर हाई है मतलब हाई इनफ्लोज होगा, और अगर ग्रोथ रेट अभी भी हाई है यानी उसमें आउटफ्लो भी हाई होगा, तो इनफ्लो भी हाई आउटफ्लो भी हाई, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है। तो ये स्टार को आपको रिटेन करके रखना है, होल्ड करके रखना है, इन्वेस्ट करके रखना है, ताकि फ्यूचर में जाके ये क्या बन जाए, कैश काउ। कैश काउ एक ऐसा एसबीयू है जिसका मार्केट शेयर तो बहुत हाई है, ग्रोथ रेट उसका डिक्लाइन हो चुका है, यानी रीप द बेनिफिट, हार्वेस्ट द काउ,
सुन मा रहे, आराम से काऊ को पाल पोस के बड़ा कर लिया, अब उसमें आराम से पैसा कमाओ मिल्क बेच करके। तो कैश काऊ एक ऐसा एसबीयू है, मतलब आपको गुडविल का खाना है, एक नाम बन गया, मेहनत उतना करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, खाली रिटर्न पे रिटर्न आएगा। तो सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? कैश काऊ। तो कैश काऊ एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हाई है और ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है, यानी खाली इनफ्लो होगा आउटफ्लो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैश काऊ। क्वेश्चन मार्क कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड, वाइल्ड कैट, तीनों एक ही का नाम है। तो क्वेश्चन मार्क एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसका मार्केट शेयर ना बहुत लो है, ठीक है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट हाई है। अगर आप उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे ना तो वो जल्दी स्टार बन जाएगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। लास्ट क्वाड्रेंट इज डॉग। डॉग को तो डाइवेस्ट कर दो बाबा, नहीं संभाल पाएंगे, मार्केट शेयर भी लो है, ग्रोथ रेट भी लो है, क्या करना है इसको, रख के इसको बेचो जितना जल्दी अच्छा है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये ऐसे एसबीओ जो हमारी लायबिलिटी है, क्लियर। तो डॉग हो गया जिसका मार्केट शेयर भी लो है, जिसका ग्रोथ रेट भी लो है, इसको बेचो नक्की करो। सो ये चार टाइप के क्वाड्रेंट हो गए। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज बीसीजी मैट्रिक्स। अब बोलता है किसमें कौन सा स्ट्रेटेजी लगाना है। कैश काऊ में हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट, स्टार में होल्ड करोगे, और डॉग को क्या करोगे? डाइवेस्ट, डॉग को बेच डालोगे, लिक्विडेशन, रिट्रेंचमेंट। कैश काऊ को क्या करना है? हार्वेस्ट, रीप द बेनिफिट। क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? इन्वेस्ट, पैसा लगाओ, मार्केट शेयर बढ़ाओ, ग्रोथ रेट बढ़ाओ, स्टार बन जाएगा। सो दिस इज योर बीसीजी मैट्रिक्स। फिर इसका लिमिटेशन भी लिख देना कि हर समय डाइवेस्ट करना डॉग को अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाकी एसबीयू डॉग पे में भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑलरेडी मैंने करवा दिया, आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, वी हैव डन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चार स्टेजेस होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सो यू नो इट ऑलरेडी, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दैट मैट्रिक्स। नॉट टॉकिंग अबाउट एनसॉफ, आइगर एनसॉफ, कौन आया था बताओ? आइगर एनसॉफ। अब आइगर एनसॉफ भी ना क्या क्या बोला? चार बात बोला, डिपेंडिंग अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट, प्रोडक्ट और मार्केट के को बेस बना के इन्होंने चार स्ट्रेटेजी बोला, प्रोडक्ट प्लस मार्केट के बेसिस पे, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यस, निखिल एसएम पढ़ रहे बाबा, कल क्या चीज का आपका एग्जाम है? कुछ बच्चा बोल रहे क्या सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? माय गॉड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी आर स्टडिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी आर स्टडिंग, ठीक है, चलो आ जाओ। यस, अब हम लोग क्या बोल रहे बताओ? आइगर एनसॉफ, आइगर एनसॉफ बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मान लो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही प्रचार आप एग्जिस्टिंग मार्केट में कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो कहाँ पे बताओ? एग्जिस्टिंग मार्केट। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको बताओ? मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ट्राई किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या किया बताओ? न्यू मार्केट में आपने ट्राई किया, तो मार्केट नया, प्रोडक्ट तो वही है, तो यानी मार्केट डेवलप करो, मार्केट डेवलपमेंट, वेरी इजी। न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, अपने पुराने कस्टमर को नया प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो, यानी आपने किसको डेवलप किया? नया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और सबसे सुइसाइडल सेल स्ट्रेटेजी जानते हो कौन सा होता है? नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया प्रोडक्ट बना रहे हो और किसको बेच रहे हो? नए कस्टमर को। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, विच इज अ वेरी वेरी रिस्की स्ट्रेटेजी। तो ये चार स्ट्रेटेजी मैंने बोला, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी कौन सा होता है बताओ? उसको सुइसाइडल सेल भी बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। आर वी थ्रू विद दिस? अब डाइवर्सिफिकेशन बोल रहे हैं, रिलेटेड हो सकता है या फिर अनरिलेटेड हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक और वर्टिकल, क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक और वर्टिकल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ ना, जब आप ऐसा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो जहां पे दोनों इंडस्ट्रीज में कुछ टेक्नोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आपके लिए यूज हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक, क्लियर है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री सेम ही है, इंडस्ट्री सेम है, या तो आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ? सप्लायर के संग इंटीग्रेट कर रहे हो, फॉरवर्ड मतलब कस्टमर। जैसे एक जो कैफे, जो कॉफी बनाने वाला इंडस्ट्री है ना, उसने किससे किया? इंटीग्रेशन कर लिया कॉफी एस्टेट से, जहां कॉफी उगता है, यानी उसका सप्लायर से इंटीग्रेट कर लिया। सो दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, बट दे आर एट द डिफरेंट लाइन ऑफ द वैल्यू चैनल, वैल्यू सिस्टम के अलग अलग प्रोडक्शन लेवल में। एक रॉ प्लांट को उगा रहा है और एक कॉफी बीन्स बना रहा है, तो कॉफी बीन्स बनाने वाला रॉ प्लांट के संग इंटीग्रेशन कर लिया। रॉ प्लांट जिससे उसको रॉ मटेरियल मिलता है वो खुद बनाएगा, खुद ही उगाएगा, खुद का फार्म खरीद लिया, कॉफी एस्टेट खरीद लिया, उसको बोलते हैं क्या? बैकवर्ड। अब कॉफी बनाकर किसको बेचता था? कॉफी हाउस को, कैफे कॉफी डे, स्टारबक, तो उनके संग इंटीग्रेट कर लिया। सर मैंने कैफे के संग इंटीग्रेट कर लिया, वो उसके कस्टमर थे, तो कस्टमर के संग इंटीग्रेट कर लिया, यानी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सेम इंडस्ट्री बट ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लाइंस ऑफ द प्रोडक्शन चैनल, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं वर्टिकल।
और कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब कोई जेनरिक। अब जैसे मान लो मैं क्लोथ बनाकर बेच रही थी, अभी मैंने इंटीग्रेशन किया जहाँ पे मैं शूज़ भी बनाने का काम स्टार्ट करती, शूज़ तो क्लोथ और शूज़ का जो पैटर्न है वो सेल्स पैटर्न, मार्केटिंग पैटर्न, कस्टमर बेस, वो तो रिलेटेड ही है ना, सिमिलर ही है। ठीक है, तो याद रखना अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अनरिलेटेड मतलब एकदम अलग। मेडिसिन फार्मा कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो एकदम जब अनरिलेटेड बिजनेस में आप जा रहे हो उसको बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कर लोगे मैनेज। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्थर डी लिटिल, आर्थर डी लिटिल को हम लोग बोलते हैं 20 सेल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? 20 सेल मैट्रिक्स, 5 × 4। ये फोर क्या है? इंडस्ट्री का फोर लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, जो चार लाइफ साइकिल मैंने बोला ना, एम्ब्रियोनिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग। डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री का कौन सा पोजीशन है मार्केट में। अब इंडस्ट्री का पोजीशन को 5 टाइप्स में बताया गया है। क्या इंडस्ट्री का डोमिनेंट पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन है, टीनेबल पोजीशन है, कि वीक पोजीशन है। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब एकदम मोनोपोली के बराबर, तुम मोनोपोली पोजीशन एंजॉय करो। स्ट्रांग का मतलब हुआ कि तुम्हारा पोजीशन काफी अच्छा है, तुम अपना स्ट्रेटेजी खुद इंडिपेंडेंटली बना रहे हो। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा मार्केट शेयर अच्छा है लेकिन कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा इंटेंस है, सब कुछ तुमको कॉम्पिटिटर के मूव्स पे देखकर अपना डिसीजन लेना पड़ता है, खुद कोई फ्रीडम एंजॉय नहीं करो। टीनेबल मतलब बेकार है, तुम्हारा पोजीशन उतना कोई खास अच्छा नहीं है बिकॉज मार्केट में भयानक वाला स्टिफ कॉम्पिटिशन है। तो इन दैट केस आपको फोकस करना चाहिए कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी या डिफरेंशिएशन कुछ यूनिक बनाकर देना चाहिए। और वीक तो एकदम ही बेकार है, अगर आप नहीं संभल पाए डॉग बन जाओगे, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट कौन से लाइफ साइकिल में और कौन सा आपका इंडस्ट्री में पोजीशन है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको ग्रो करना है, आपको होल्ड करना है, आपको डाइवेस्ट करना है, आपको हार्वेस्ट करना है। तो देख रहे हो, ये हो गया 4 और ये इधर हो गया 5, तो 5 × 4 मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं। ये रहा 5 ठो जो मैंने आपको बताया, देख लो, क्लियर है? तो ये सारे मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। अब कितनी बार एग्जाम में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी पूछता है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का स्टेजेस क्या है? सबसे पहले अलग अलग ऑप्शंस को जनरेट करना, फिर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, फिर स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का डिफरेंस, क्लियर? तो देख लो क्या है, प्लानिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बना रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट सबके बारे में फोकस कर रहा है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट है, मैनेजमेंट बाय प्लान है, ये एक्शन प्रोसेस है, ये एनालिटिकल प्रोसेस, ये थिंकिंग है, ये एग्जीक्यूशन है, ये साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल। इट इज अबाउट चूजिंग थिंग्स टू डू, इट इज नॉट ओनली अबाउट चूजिंग थिंग्स टू डू बट ऑल्सो हाउ विल यू डू इट। मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल। ठीक है, क्लियर है? मैनेज कर लोगे सब? कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग का भी बेनिफिट्स कर लेना। अच्छा, पेस्ट बोलो या पेस्टल, बात एक ही है। पेस्टल में 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाते हैं लास्ट में, लीगल और इन्वायरमेंटल, क्लियर? नाउ पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना फटाफट बता दो। पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल में क्या क्या आता है बोलते जाओ। पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल में क्या आता है? थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट इन टू द मार्केट, थ्रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, एग्जिस्टिंग राइवलरी, बार्गनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, या फिर थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। अब अंदर का भी पूछ सकता है अलग से कि बताओ क्या है। ठीक है, तो मैनेज कर लोगे इसको, क्लियर? अब लास्ट चैप्टर में आप सबसे इंपॉर्टेंट बताना है, बीपीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग अच्छे से कर लेना। ठीक है, कर लोगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? अच्छा, मार्केटिंग में भी आप देखोगे अलग अलग टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। सोशल मार्केटिंग क्या होता है, सबके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, सोशल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, फिर अलग से आपको पूछता है अलग अलग जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज था ना, क्या क्या हो सकता है, और फिर उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी थे, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी था, मैन पावर स्ट्रेटेजी था। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट भी एक बार अच्छे से देख लेना। और मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क फटाफट मेरे को बताओ, तो मैकेंजी का 7S के अंदर क्या क्या आता है? हु विल टेल मी, 7S के अंदर क्या क्या आता है? 1, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रक्चर, और एक क्या आता है? शेयर्ड वैल्यू। तो मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क बहुत बार एग्जाम में आता है एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टुमारोज एग्जाम। ये रहा, देख लो, अब इसमें एक एक लाइन लिख कर आ जाना अगर आएगा तो। ठीक है, मैकेंजी कंपनी है ना, कंसल्टेंसी फर्म है यूएस में, क्लियर है? तो उन्होंने ये 7 फैक्टर्स को डिस्कस किया था, क्लियर?
क्लियर है? तो ये 7S याद रखना, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, शेयर्ड वैल्यू और स्किल्स, पक्का से याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, कर लोगे मैनेज? BPR इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिजनेस री प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, फंडामेंटल रीथिंकिंग, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट का बात नहीं हो रहा है, मैसिव इंप्रूवमेंट का बात हो रहा है। BPR भी देख लेना, री इंजीनियरिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग, क्लीन स्लेट अप्रोच है, ठीक है, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, देख लेना ये स्टेप्स, एनविजन, इनिशिएशन, डायग्नोसिस, रीडिजाइन, रिकंस्ट्रक्टिंग, इवेल्युएशन। कोर कॉम्पिटेंसी भी पूछ सकता है, देख लेना, कोर कॉम्पिटेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस MCQ गाइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये MCQ पूरा मैं शेयर कर दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल में, सॉल्व्ड है, प्लीज कर लेना ये MCQ, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे लगभग 100 MCQs है आपके, 70 to 100 MCQs के बीच में है, बट ये अभी जितने भी लेटेस्ट MTP के MCQs वगैरह सब मैंने एक जगह आपको कंपाइल करके दे दिया है। BPR बच्चा पूछ रहा है क्या, एक बार बता दीजिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब होता है रेडिकल रीडिजाइनिंग। आपका मान लो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आपका बिजनेस प्रोसेस में आपको चेंजेस करना है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है आपको उसको पूरा हटा देना पड़ेगा और पूरा स्टार्ट से, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, फंडामेंटल रीथिंकिंग। यहाँ हम लोग छोटे मोटे इंप्रूवमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैसिव ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट का बात कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, विच इज अ क्लीन स्लेट अप्रोच, पूरा पुराना स्लेट को क्लीन करो और नया प्रोसेस को वापस से करो, ठीक है। और यहाँ पे छोटे मोटे इंप्रूवमेंट नहीं होते, बल्कि बहुत ज्यादा मेजर और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होते हैं। ये MCQ का पूरा लिस्ट मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, आप प्लीज इसको अच्छे से करिए, एंड मेरे को नहीं लगता कोई भी टेंशन आपको लेना चाहिए। और MTP मैंने आपको लिया था, MTP पक्का से देख लेना, MTP इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली बार बार मैं बोल दे रही हूँ, असाइनमेंट वाला सम पक्का से देख के जाना, ठीक है। और जितना भी आज मैंने आपको सम्स कराया, ऑल दो सम्स आर रियली वेरी मच रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स गाइज, ओके। एंड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप थ्योरी पार्ट इन OM, OM का थ्योरी आता है एग्जाम में, और मैंने जितना भी आज थ्योरी कराया वो सब आप देख लोगे तो कवर हो जाएगा। गैंट चार्ट पर CPM का डिफरेंस, फिर उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बोला था प्रोडक्ट डिजाइन का फैक्टर्स क्या क्या है, फिर ऑपरेशन फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 और 3 का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। TQM में ISO सर्टिफिकेशन देख लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है अलग अलग जो ISO स्टैंडर्ड है ना वो क्या क्या चीज को रिलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन गाइज, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, रॉक योर एग्जाम, मेक मी प्राउड, मेक मोहित सर प्राउड ऑफ योर रिजल्ट, मेक MEPL प्राउड ऑफ योर रिजल्ट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर रिजल्ट, ठीक है। दिस टाइम आई वॉन्ट द रिकॉर्ड ऑफ 96 टू बी ब्रोकन डाउन गाइज, प्लीज टाइम मैनेजमेंट देख कर करना, पेपर जैसा भी आए आपका अच्छा जाना है एग्जाम्स में, अगर डिफिकल्ट हो भी जाए तो नर्वस मत होना, क्योंकि याद रखना सबके लिए पेपर डिफिकल्ट आएगा, खाली आपके लिए नहीं, आपको जितना मैंने पढ़ा दिया वो बेस्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, और हमेशा वो वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना जिसके ऊपर आपको अच्छा कमांड है, ऑलवेज स्टार्ट द नेक्स्ट फ्रेश क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, काटाकुटी ज्यादा मत करना, अवॉइड ओवरराइटिंग, डू नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर कैरी करना, टाइम मैनेजमेंट प्लीज स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना गाइज, ओके। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, एंड यू नो आई एम जस्ट प्रेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपका एग्जाम्स कल बहुत अच्छा जाए, और जाएगा भी अच्छा, अभी आपके पास पूरा रात है, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और बेस्ट शॉट कल देकर आना, बट प्लीज इंश्योर यू आर स्लीपिंग फॉर मिनिमम 5 आवर्स, कम से कम 4 से 5 घंटा स्लीप लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, कैसा लगा आज का सेशन प्लीज कमेंट करके बताना, एंड कल मैं आपसे मिलूंगी लॉ के बूस्टर डोज के लिए, लॉ के बूस्टर सेशन के लिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड रिजल्ट्स के बाद बताना कैसा गया, और फाइनल में हम लोग दोबारा मिलेंगे धूम मचाने के लिए। सी यू अगेन इन द फाइनल लेवल, आई विल बी टेकिंग योर लॉ एंड SPMBV। थैंक यू गाइज, बाय।